ओके सो हेलो हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं क्लैश ऑफ अंडरडॉग्स के सीजन वन के। आज ग्रैंड फाइनल्स के मैचेस हैं एंड ये मैचेस कितने इंटरेस्टिंग हैं, कितने क्या कुछ हैं उसके बारे में बताने की शायद हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो लेकर चलना चाहेंगे इस मैच के फर्स्ट मेरामार के मैप के फ्लाइट पाथ में। पांच बैक टू बैक मैचेस हैं, सो आपके पास पांच चांस हैं कि आप यहां पे वो जो प्राइस पूल है उसका ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हिस्सा लेकर जा सके अपने साथ में। सो फ्लाइट पाथ अगर हम बात करें तो देखिए तौर मुदा से स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है लॉस सिगोस, एक लास्ट ड्रॉप लोकेशन में देखने को मिलेगा। इस दौरान 22 टीम्स हैं, 85 प्लेयर्स हैं जो आपस में भिड़ने वाले एंड काफ़ी सारे स्क्वाड्स हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छी अप्रोच रखेंगी कि इनिशियल स्टेज पर कोई क्लैश ना हो, इनिशियल स्टेज पर कोई फाइट ना उनको फेस करनी पड़े। एंड दैट्स व्हाई देखिए ज़्यादातर टीम्स ने लेट से जंप करना पसंद किया है एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या सिनारियोस क्रिएट होंगे, क्योंकि अभी सर्कल का नॉर्दर्न शिफ्ट है, ज़्यादातर टीम सदर्न पार्ट पे है। तो जब अभी से टीम्स मूव करना स्टार्ट करेंगे देन वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुँच पाएंगी एंड एक अच्छा ड्रॉप आप ले सकते हैं, एक अच्छा सर्वाइवल गेम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। टीम नंबर 12 के प्लेयर्स की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे शायद वैक्सीन को इस तरीके से अब व्हीकल का तो मुझे नहीं लगता कि इस्तेमाल करना चाहिए था फिनिश के लिए, बट वो शायद चाहते थे कि यहाँ पे शायद व्हीकल रैन ओवर के द्वारा एक फिनिश कंफर्म कर लिया जाए। सो अभी के लिए निकलना एक बेहतर डिसीजन होगा, शॉट्स आना स्टार्ट भी हो चुके हैं एंड फर्स्ट पिक की अगर हम बात करें सो वेनम गैरोडा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। उनकी जो शुरुआत है देखिए कहीं ना कहीं एक अच्छी हुई है, लेकिन क्या वो अपना फिनिश कंफर्म कर पाएंगे वो तो अभी कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये शायद वैक्सीन के लिए कुछ अच्छी बात नहीं है, कुछ अच्छा संकेत नहीं है। एंड नाउ देखिए वैक्सीन को यहाँ पे अपना व्हीकल छोड़ना पड़ जाता है, शॉट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। जब आप हाईर ग्राउंड की तरफ जा ही रहते तो शायद वहीं से निकल जाना एक बेहतर डिसीजन होता, लेकिन आपने मिस किया, आप नीचे की तरफ क्यों आए आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे एक कैजुअलिटी इस टीम को फेस करनी पड़ जाती है टॉप एंड से। डार्लिंग का भी एक स्प्रे था तो देखिए उन्होंने ये व्हीकल जो है कहीं ना कहीं एक एक्सप्लोजन की काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंचाया था एंड उसके साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी करा था। बात करेंगे यहाँ पे पीएससी के प्लेयर्स की भी तो देखिए पीएससी हेड जो है वो पिक कर लिए जाते हैं, इंस्टेंटली फिनिश भी कर दिया है। तो अभी के लिए टीम 1x के लिए भी एक बेहतर शुरुआत हो चुकी है। हाय वरुण, वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हाल चाल ब्रदर। मेक श्योर गाइस आप लोग जरूर से स्ट्रीम को लाइक करिए, स्ट्रीम को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एंड आई होप हमारा स्ट्रीम क्वालिटी साउंड सब एकदम परफेक्ट फाइन होगा, तो उसके बारे में भी एक फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सोलेंसी यहाँ पे अभी फिलहाल के जिन टीम्स ने फाइट्स मिस करी हैं देखिए कहीं ना कहीं उनके लिए एक बेहतर संकेत भी है। हालांकि आप फिनिशर ज़रूर सिक्योर करते हैं बट आप एक रिस्क को फेस करने वाले होते हैं तो इन चीज़ों को शायद टीम्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अर्ली स्टेज पे एग्जिट ले गए तो उसके बाद आपके पास सिर्फ चार मैचेस बनेंगे जिसमें से कहीं ना कहीं चांसेस आपके कम ही होते हुए नजर आएंगे। अगर हम थंडर की बात करें देखिए इस टीम ने भी कहीं ना कहीं दो फिनिशर सिक्योर कर लिए तो एक अच्छा शुरुआत इसके लिए भी हो इस टीम के लिए भी हो चुका है। लेकिन अगर आप अभी यहाँ पे फाइट्स में इस तरीके से इन्वॉल्व होते रहे बार बार होते रहेंगे तो आप प्लेयर्स अपने खो भी सकते हैं। टीम जेरल के प्लेयर्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस टीम ने भी एक खिलाड़ी खोया है लेकिन अभी भी एक डिसेंट नंबर है उनके पास, तीन खिलाड़ी आगे इस मैच को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। एक अच्छा सा लूट, एक बेसिक लूट यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं तो अभी आगे की तरफ मूव कर जाना चाहिए क्योंकि 1400 मीटर्स का सफर आपको तय करना पड़ेगा। TXCD के प्लेयर्स वो भी हमें फिनिश पे देखने को मिला। टीम नंबर 21x का स्क्वाड एक बार फिर से इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है फाइट्स में, तो यहाँ पे देखिए नॉक्स निकाले गए, इंस्टेंटली फिनिशर्स में भी कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। सो हम काफ़ी सारे यहाँ पे जो फाइट्स हम मिस कर रहे हैं शायद मुझे लग रहा है। हाय शेडो, हाय वेलकम टू द स्ट्रीम, शुभम वेलकम टू द स्ट्रीम, तुम कौन? अच्छा ये मेरे से तो नहीं पूछा क्या। फिलहाल के लिए लेकर चलते हैं यहाँ पे SKS के कुछ स्टेप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे टीम 1x एक अच्छा कॉन्फिडेंट गेम खेल रही है, अगर आप देखें तो टीम नॉट 12 के लिए तीन कैजुअलिटीज़ हो चुकी है, सो नो डाउट इस टीम ने काफ़ी बड़ा यहाँ पे एक लॉस ले लिया है। लेकिन आप अगर आगे इस मैच में ऐसे ही बढ़ना चाहते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे क्रॉन्टन के इस छोटे से जलवे की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे बेहतर से डिफेंड किया जाता है लेकिन कनेक्शन अभी के लिए फिलहाल मिसिंग रहेगा। सो क्रॉन्टन आई थिंक अभी आपको हील करने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अभी आपके पास बैंडेजेस एंड हीलिंग्स हैं तो थोड़ा सा उसका भी इस्तेमाल करने की सोचिए। देखिए यहाँ पे फाइनली कुछ एक शॉट कनेक्ट हुआ एंड अब मुझे लगता है थोड़ा सा देखिए ये एक बेहतर स्प्रे था जस्ट बिकॉज कि वो प्रोन थे तो वो स्टेबिलिटी आपको मिल जाती है स्प्रे में। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से स्प्रे स्पैम किया जा रहा है, हेड शॉट कनेक्शन यहाँ पे बना है SKS का, एक हेड आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा लेट करने वाला है। सो यहाँ पे क्रॉन्टन अभी के लिए कवर्स के बाहर ना जाए वही एक बेहतर चीज़ होगी। एक लास्ट मैन स्टैंडिंग बचे टीम PSC की तरफ से क्रॉन्टन एंड ज़्यादा देर के मेहमान मुझे तो नहीं लगते, लेकिन यहाँ पे फिर भी शायद कुछ ना कुछ एक बेहतर एफर्ट हमें दिखा जाए देखना चाहेंगे।
टाइटन के पास देखें तो यहाँ पे ईटेक्स के साथ है क्या, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो TXCD के भी प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि रेवन का हमने फिनिश पे अभी नेम पढ़ा है तो उन्होंने भी यहाँ पे कुछ नॉक्स निकाले हैं, क्या वो फिनिशेज यहाँ पे कंफर्म कर पाएंगे। अभी शॉन कहते हैं पनिशर ओपी ब्रदर, ऑब्वियसली पनिशर 2 OP कॉज आप लोगों के लिए इवेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आते रहते हैं तो आप लोगों के लिए चांसेस ऐसे बनते रहते हैं, एंड जैसे जैसे इवेंट्स में आप परफॉर्म करते हैं वैसे वैसे आपके लिए और भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती ही रहती है, एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आपको पनिशर से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कोई और देने वाला है। तो देखिए एक प्लेयर को डाउन डायरेक्टली जाना चाहते हैं, काफ़ी क्लोज आए थे, काफ़ी ज़्यादा डैमेज कनेक्ट किया था लेकिन आप थे डाउन द रेंज एंड हाईर ग्राउंड के ऊपर जो प्लेयर होता है उसके पास एक एडवांटेज होता है। टीम 1X कंप्लीट तरीके से वाइप आउट करती हुई नजर आएगी टीम PSE को, एंड फर्स्ट स्क्वाड टू टेक एग्जिट फ्रॉम दिस मैच इज टीम PSE, एंड एक अच्छा मैच यहाँ पे टीम 1X अभी के लिए एंजॉय करती हुई नजर आ रही है। टीम I7 के U7 के भी प्लेयर्स की बात करेंगे तो देखिए एक डिसेंट सा फाइट है लेकिन यहाँ पे उन्होंने 2 ओपनिंग्स निकाल लिए हैं तो एक ग्रीन सिग्नल उनको यहाँ पे मिल चुका है कि आप आराम से क्लोजिंग करिए, एंड दैट्स इट, आपके फिनिशर्स कहीं नहीं जाने वाले क्योंकि जो उनके लास्ट प्लेयर हैं वो अब आगे सर्वाइवल गेम के लिए बढ़ने वाले हैं। थंडर पटू हेरे क्या शेडो गेमिंग कुछ अलग ही लिख रहे हैं, S2K के पास भी लेकर चलेंगे, जैसे अभी उनका फाइट मुझे लग नहीं रखी, अभी वो फाइट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बट अभी फिलहाल की टीम 19 ने अपने 2 खिलाड़ियों को खो दिया है। टॉक्सिक का क्लास मैन स्टैंडिंग अभी बचे हैं एंड उनको आगे मैच बढ़ाना पड़ेगा, सेंटर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है तो एक करीबी मामला हो सकता है जब हम लेट फाइट्स की बात करें, क्योंकि सर्कल जिसको फेवर कर जाता है तो वहाँ पे आसान से सिचुएशंस बनती हैं, आपको ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करनी पड़ती, लेकिन अभी जैसे सर्कल श्रिंक होगा तो आप अगले में तो ज़रूर रहेंगे लेकिन नेक्स्ट वाला सर्कल, उसके नेक्स्ट वाला सर्कल शायद वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बना सकता है। सो फाइनली देखिए कुछ और फाइट्स में हमें देखने को मिल रही है इन्वॉल्वमेंट, टीम CID अभी के लिए यहाँ पे लास्ट फ्रैगर के भरोसे टिकी हुई है, फ्रैगर को यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है बट आई डोंट थिंक इनके पास इतनी हीलिंग्स वगैरह कुछ है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे उनकी HP भी काफ़ी कम है, जोन डैमेज से यहाँ पे एलिमिनेट होंगे एंड टीम CID भी इस मैच से बाहर चलती बनेगी। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा हीलिंग्स पहले ड्रॉप कर दिए होते या शायद बैंडेजेस वगैरह पहले दे दिए होते तो शायद काम आसान हो गया होता। सिक्स एंड स्लेयर हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम, वन नेशन ने अभी जस्ट रिसेंटली एक फाइट फिनिश किया, हमने उसको पूरा देखा, एक अच्छा फाइट था, क्लैश था, पहले तो एक प्लेयर को उन्होंने पिक किया था जब वो व्हीकल की तलाश में निकले थे। सो आई थिंक अभी के लिए 1X लीड पे है, सबसे ज़्यादा आगे है एंड देखते हैं कितना देर इस लीड को बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद भी काफ़ी मैचेस पड़े तो वहाँ पे कुछ बेहतर सिनारियोस बन सकते हैं एंड देखना चाहेंगे टीम्स किस तरीके से परफॉर्म करने वाली। ग्रैंड फाइनल्स हैं सो नो डाउट, यहाँ पे कोई भी छोटी गलती कोई भी छोटी मिस्टेक आपको एक बड़ी पेनल्टी का फेस करा सकती है। DC स्वे देखिए फिनिश पेड पे वो भी एक बार हमें फिर से देखने को मिल जाते हैं एंड देखना चाहेंगे यहाँ पे अभी जब सर्कल श्रिंक होगा तो वहाँ पे टीम्स किस तरीके से अपने आप को रेडी करती हैं, गिव अवे कैसे मिलेगा, आपको गिव अवे के लिए सारी चीज़ें बता दी गई होंगी स्क्वाड सर्वर पे यार। देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक फासला टीम्स को कवर करना है जो कि सदर्न साइड पे हैं तो वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाने वाली हैं। ये इनवाइटेड टीम्स का मैच है क्या, ऑब्वियसली नॉट यार, ऐसा नहीं है, ये कोई इनवाइटेड टीम्स का स्लॉट नहीं है, यहाँ पे कोई इनवाइटेड टीम्स नहीं है, सारी टीम्स ने खुद क्वालिफाई करके यहाँ पर स्लॉट बनाया है एंड यहाँ पर 0 इन्वाइटेड स्लॉट्स रखे जाते हैं। सो ये अच्छी बात है पनिशर स्पोर्ट्स के लिए भी एंड आई होप आप लोग भी ऐसे आने वाले इवेंट्स के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, डिस्काउंट सर्वर पे जाइए एंड इवेंट्स के लिए रेडी हो जाइए। टीम थंडर इस टीम ने भी एक अग्रेसिव स्टार्ट करी है, 2 फिनिशेस आपने सिक्योर करें। टीम नंबर 20 देखिए अभी के लिए एजेस के काफ़ी ज़्यादा करीब थी, वेस्टर्न रीजन सर्कल का अभी इस टीम के द्वारा होल्ड किया जा रहा है तो यहाँ पे पिक किया है यूनाइटेड के एक प्लेयर को एंड इंस्टेंटली फिनिश करने की भी कोशिश रहेगी। सो टीम नंबर 25 अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ वापसी कर पाएगी क्योंकि आपने एक साथ 2 कैजुअलिटीज़ ली हैं। ये देखिए कितना बेहतर एक फॉर्मेशन यहाँ पे बिल्ड करके बैठे हैं, अलग अलग एंगल से अलग अलग छोरों से यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ओपनिंग निकाली गई एंड उसके बाद देखिए टीम नंबर 25 को एक बार फिर से बैकफुट की तरफ धकेल दिया है। 2 प्लेयर्स यहाँ पे अब सिर्फ बचे हैं, आप आए थे 4 खिलाड़ियों के साथ सर्कल के अंदर, अभी तक आपको लग रहा था आप सबसे ज़्यादा सेफ है मगर इंस्टेंटली वो जो भ्रम है वो तोड़ा गया टीम नंबर 20 की तरफ से एंड फाइनली अब टीम नंबर 25 के लिए सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे टीम नंबर 10 क्या करने वाली है क्योंकि इनके भी कुछ हालात सही नज़र नहीं आ रहे। TXCD ने इनिशियल स्टेज पे कुछ फिनिशेस जरूर सिक्योर करे बट वहाँ पे आपको एलिमिनेशन भी फेस करने पड़ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे थंडर भी हमें देखने को मिल रहा है, निक ब्लैक को यहाँ पे पिक करा जाता है। सो कुछ और फाइट्स भी हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं जंक यार्ड के भी रीजन की तरफ, यहाँ पे टीम नंबर 24 उनके भी प्लेयर्स जो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ फिनिशेस आ जाएँ रोटेशंस के दौरान ही सही लेकिन यहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज़ ना हो, वो चीज़ों का खास ख्याल रखना है।
ब्लैक के प्लेयर्स की बात करेंगे तो देखिए दो प्लेयर्स पीछे की तरफ पिक करे जा चुके, सो आगे की तरफ ही अब ऐसे मूव करते रहना मेरे ख्याल से लगता है एजेंटी के लिए, एजेंट के लिए कहीं ना कहीं सबसे बेहतर चीज़ रहेगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इस प्लेयर की क्या कुछ एफर्ट्स रहेंगे एज अ सोलो यूनिट। आप ज़्यादा देर तो नहीं टिक पाएंगे लेकिन फिर भी मुझे लगता है शायद एक बेहतर एफर्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हाय सुखी, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो? गुड, कीप इट अप। वाइल्ड कार्ड है भाई, पनिशर गिव्स चांस ओनली टू अंडरडॉग्स फॉर शाइन। आई है, थैंक यू। टीथी स्ट्रीम्स कब है? टीथी स्ट्रीम का आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कॉर्ड सर्वर पर मिल जाएगा। देखिए मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, जो भी सोलो प्लेयर होते हैं अक्सर बहुत ही कम केसेस में सोलो प्लेयर्स लास्ट तक पहुंच पाते हैं, बट कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं इस लॉबी में जिन्होंने ये चीज़ हमें पहले भी करके दिखाई है, सो आज भी हम वो चीज़ देखना चाहेंगे। लेकिन ना देखें तो ही ज़्यादा बेहतर, क्योंकि पूरा टीम गेम जो होता है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, क्योंकि एक सोलो प्लेयर के ऊपर बहुत ही सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। आपको खुद को तो बचाना रहता ही है, आपको अपनी टीम के बारे में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ पे अगर एलिमिनेट हुए तो उसके बाद पूरी टीम का गेम यहाँ पे ओवर हो जाता है। सो एक और टीम इसमें ऐसे बाहर चलती बनेगी। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 19 स्कोर्स एंड लेट्स सी वो फर्स्ट मैच की शुरुआत चिकन डिनर के साथ कौन सा स्कोर करेगा, एंड आई थिंक यहाँ पे एक बेहतर गेम हमें देखने को मिलेगा। कासिम गोपी, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू। ऐसे अगर आप लोग हमारा कास्टिंग पसंद आए ज़रूर से आप हमें भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। वैसे रुको, ये थोड़ा बहुत प्रमोशंस वगैरह करते रहना पड़ता है। जोन जल्दी श्रिंक हो रहा है, ऑब्वियसली जल्दी श्रिंक हो रहा है, एडवांस रूम है तो जल्दी ही किया जाता है ताकि फाइट्स थोड़ा जल्दी जल्दी होती रहे। देखिए टीम नंबर 25 के ऊपर इजीली डोमिनेट कर रही है टीम नंबर 20, क्योंकि उन्होंने उनको मालूम है उन्होंने पहले ही दो ओपनिंग्स निकाल ली थी, तो यहाँ पे ज़्यादा प्लेयर्स नहीं होंगे, एक या दो खिलाड़ी होंगे, एंड आपके पास अभी भी चारों प्लेयर्स हैं। सो जब चार खिलाड़ी आते हैं इस तरीके से तो वहाँ पे किसी भी स्क्वाड का या किसी भी प्लेयर या सोलो या डुओज का टिकना इतना आसान नहीं होता है। टीम नंबर 25 एक लास्ट खिलाड़ी हंटर के भरोसे टिकी हुई है, हालांकि हंटर एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे, कोई भी प्लेयर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है एक्सेप्ट ये एकमात्र खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड नॉर्दर्न रीजन अभी भी कंप्लीट तरीके से वैकेंट है। सदर्न रीजन की एजेस पे अगर हम बात करें तो टीम नंबर 6 है, एंड जिन्होंने यहाँ पे देखिए कुछ और फिनिशर्स निकालने की शुरुआत कर दी है। आई डोंट थिंक यहाँ पे अभी इस तरीके से इन्वॉल्व होना कुछ आपके लिए बेहतर काम बना पाएगा। देखिए टीसी के प्लेयर्स हमें फिनिश रेट पे देखने को मिल जाते हैं। टीम नंबर 5 ये टीम काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव वे में खेल रही है, आई थिंक यहाँ पे अच्छा है, लेकिन अभी कोई कैजुअलिटी ना लें क्योंकि यहाँ पे अभी थर्ड सर्कल है, उसके बाद जो मेन सर्कल आते हैं 4th, 5th एंड 6th तो वहाँ पे आपके पास पूरे नंबर्स होंगे, तो हम तब कह सकते हैं कि आप एक बेहतर रिजल्ट के लिए जाने वाले हैं। हाय सौरभ, वेलकम टू द स्ट्रीम। प्रेडिक्शन टॉप 3 टीम्स, टॉप 3 आई थिंक 1x ज़रूर से लेकर जा सकती है, क्योंकि अभी तक मैंने 1x को देखा है जो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल रही है, एंड ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो फाइनल खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो क्लासिक वे में खेल रहे हैं जिस तरीके से वो फिनिशेस के लिए भी जा रहे हैं। सौरभ कह रहे हैं हेलो कार्डर ब्रो, वाह भाई ठीक है भाई। TMK दिखाओ, लेकर चलते हैं TMK के पास में भी, वही लेकर चलना चाहेंगे TMK। अभी काफ़ी सारी स्क्वाड्स हैं जिन्होंने ज़रा सा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है फाइट्स में, जस्ट बिकॉज कि उनका इंटेंशन साफ है कि वो लेट सर्कल्स में फाइट्स में इन्वॉल्व होना चाहेंगे। देखिए थर्ड आई पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक नेट शो करा गया था, बट कनेक्शन उतना बेहतर कुछ खास बना नहीं। टीम नंबर 22 अभी के लिए अगर उनकी भी बात करें तो देखिए एक कैजुअलिटी इस टीम को भी हो चुकी है, थोड़ा सा लेट से एंट्री ज़रूर ली है लेकिन अभी इतना ज़्यादा डैमेज पड़ता नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। सर्कल एक बार फिर से वेस्टर्न रीजन्स की तरफ शिफ्ट होता है, सो जितनी टीम्स ने पहले कोशिश करी थी कि राइट पर जाके स्टे कर जाएंगे अब उनको एक बार फिर से वेस्टर्न की तरफ मूव करना पड़ेगा, एंड उस दौरान एजेस के अराउंड काफ़ी सारी टीम्स वेट कर रही हैं। टीम U7 उनमें से एक है, देखिए इस टीम ने भी 2 फिनिशर्स सिक्योर करके कहीं ना कहीं एक डिसेंट सा गेम चालू किया है, आगे इसी तरीके से बढ़ते रहना होगा, अदरवाइज अगर आप फिनिशेज लेकर जाते हैं एंड प्लेसमेंट पॉइंट्स नहीं लेकर जाते तो भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप दोनों का बैलेंस परफेक्ट बना के रखते हैं देन ही मुझे लगता है कि आप वो बेहतर रिजल्ट्स पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट पॉइंट्स प्लस आपके फिनिश पॉइंट्स दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड उस चीज़ में सबसे आगे मुझे नज़र आ रही है टीम 1x जिनके पास अभी से देखिए 6 फिनिशेस हैं। सो एक अच्छा गेम यहाँ पे टीम के द्वारा कंटिन्यू करा जाएगा, लेकिन क्या आप इसी फ्लो में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी कुछ स्क्वाड्स ऐसी भी हैं जिनसे आपका अभी तक पाला नहीं पड़ा है, एंड देखेंगे कि आप जब उनसे भिड़ने वाले तब आप किस स्ट्रेटजी किस मानसिकता के साथ वहाँ पे उनके साथ भिड़ंत लेने वाले। टीम 25 के लिए अभी हंटर एक अकेले जो बचे, मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरीके से खेलना चाहिए, उनको यहाँ पे थोड़ा सा
कहीं ना कहीं एजेस के अराउंड रहकर खेलना चाहिए, क्योंकि जब सोलो आप प्लेयर होते हैं अगर आपको किसी ने भी स्पॉट करा तो देन इजीली क्लोज इन करके आपका जो एक पॉइंट है, आप एक पॉइंट है चलता फिरता, तो वो कोई भी सिक्योर करना चाहेगा। देखिए टीम डीबी के लिए भी एक अच्छी चीज़ नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे कैजुअलिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा ओपन भी थे, आपने कोई भी तरीके का स्मोक नहीं करा, आई थिंक यहाँ पे स्पॉट करा गया है एंड शायद यहाँ पे ड्रोन होकर एक प्ले का ट्राई कर सकते थे, टेक द टॉस एंड आई डोंट थिंक वो कनेक्शन बना पाएंगे। फाइनली यहाँ पे नमन का एक ट्रेड निकल कर आता है एंड अमन यहाँ पे पिक करते नजर आएंगे हैरी को, लेकिन इंस्टेंटली देखिए ट्रेड जाता है जस्टिस की तरफ से भी एंड पिक कर लिया जाता है अमन को। सो अमन को शायद यहाँ पे फिनिश भी कर दिया जाए, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा ओपन में थे। इस तरीके की चीज़ें अब जब आप कवर्स के बाहर जाते हैं तो ये कोई नॉर्मल क्लासिक मैच नहीं है, ये एक फाइनल्स का है, आप इस तरीके की गलती नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें शायद टीम्स को पहले से समझ के रखनी चाहिए। वैनम गरुड़ा एक बार फिर से SI के प्लेयर्स के साथ फाइट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि सर्कल के बाहर से एंट्री लेना चाहती है। आई डोंट थिंक यहाँ पे 1x अपने किसी भी खिलाड़ी को खोना चाहती होगी। देखिए अभी आप सर्कल के सबसे ज़्यादा करीब थे, बट आपने गलती ये करी कि आपने सर्कल को प्रायोरिटी नहीं दी एंड देखिए अब आपको इतनी बड़ी एक कैजुअलिटी फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे रिवाइवल की एक ज़रूर से गुंजाइश है कि रिवाइवल आप हो भी जाएंगे, लेकिन क्या आप यहाँ से निकल पाएंगे वो चीज़ अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सर्कल अभी जब जैसे टच हुआ तो जोन डैमेज आपको और भी ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। फर्स्ट एड पॉप इन करने की कोशिश है, क्या यहाँ पे फर्स्ट एड पॉप इन कर पाएंगे एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे लियो अभी उतना ही बेहतर तरीके से एंट्री ले पाएंगे, क्योंकि बैकेंड पे टीम नंबर 11 के प्लेयर्स अभी सर्वाइव करें जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तो शायद NAC वो स्क्वाड नहीं है जो आपको शायद यहाँ से एलिमिनेट करे। यहाँ पे काफ़ी एक ख़राब संकेत है, आपने दो कैजुअलिटीज़ यहाँ पे फेस कर ली हैं। एक अर्ली एग्जिट यहाँ पे देखने को मिलती है क्योंकि सौरभ के पास एक बेहतर एंगल था, NMAC इस मैच से बाहर चलती बनेगी 17वें पायदान पे। सुनाओ अब हमारे पास सिर्फ 16 मात्र टीम्स बची हैं, देखते हैं कितनी देर इस मैच में आगे रहेंगी। आपका डिवाइस कौन सा है? आग नहीं लगते संकेत करने, ना ऐसा नहीं। नहीं यार मेरी डिवाइस में क्यों आग लगेगा, आईपैड है, 9th जनरेशन है यार, चलने तो बेचारा अच्छा खासा चल रहा है यार, उसके ऊपर क्यों आग लगवा रहे हो बेचारे की अलग ही तुम। देखिए यहाँ पे एक नॉक देकर आपने गलती करी है, सामने 1x है, नो डाउट इस टीम ने ऑलरेडी काफी स्किल गॉड को देखो, लेकर चलते हैं स्किल गॉड के ऊपर भी लेकर चलेंगे, सारे प्लेयर्स को दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी जो फाइट है हमें उसको एक बार विटनेस कर लेते हैं, क्योंकि ये फाइट एक अलग ही दिशा पे चल रही है। आप देखिए वेस्टर्न रीजन्स पे कोई ज़्यादा टीम्स नज़र नहीं आ रही, सिर्फ ये दो स्पॉट्स हैं एंड यहाँ पे सर्कल एक बार फिर से राइट की तरफ जा रहा है। तो अभी जस्ट हमने इससे पहला देखा लेफ्ट में एंड उससे पहले तो कहीं ना कहीं सेंटर फोकस नज़र आया था, तो टीम्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे मूव करने पर मजबूर किया जा रहा है। TXAD यहाँ से डिसंगेज होकर जल्दी से जल्दी आगे निकलना चाहेगी, क्योंकि उनको मालूम है अगर यहाँ पे एलिमिनेट हुए देन आई डोंट थिंक कि आप उतने बेहतर रिजल्ट्स बना पाएंगे। S2K की बात करें तो ओके S2K के पास भी लेकर चलना चाहेंगे, क्योंकि कुछ टीम्स और भी हैं जो फाइट्स में हमें इन्वॉल्व होती नज़र आ रही है। NXG के भी प्लेयर्स यहाँ पे हैं, DC स्वे एक बार फिर से उनका नाम हमें फिनिश पेज पे दर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या वो अपने फिनिशेस कन्वर्ट कर पाएंगे तो वो चीज़ यहाँ पे देखने वाली रहेगी। आई थिंक यहाँ पे अभी के लिए 1x के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है, फेस के भी यहाँ पे प्लेयर्स पिक कर जा रहे हैं उनके द्वारा, तो चल क्या रहा है, 1x के पास खुद एनिमीज आ रहे हैं एंड शायद ये टीम और बहुत सारे फिनिशेस सिक्योर करने वाली है। कैप्टन देखिए अभी के लिए मुझे लगता है काफ़ी सारे फिनिशेस पहले ही सिक्योर कर चुके हैं एंड अभी एक अच्छा गेम है इस टीम के लिए, डबल डेज में आप पहले ही मूव कर चुके हैं एंड आधा मैच यहाँ पे लगभग कह सकते हैं अभी हुआ है। टीम G3 अभी एक अच्छे पोजीशन पे है, अपना ये जो पोजीशन है छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो आपके पास एक कंपाउंड है ये आपके लिए वरदान है, आपके आसपास आने वाली सराउंडिंग्स की जितनी भी टीम्स हैं आप आराम से उनको पिक कर सकते हैं, आराम से उनके प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। S2K देखिए एक बार फिर से उनका नेम हमें देखने को मिल रहा है, सो आई थिंक S2K के पास एक बार जल्दी से जल्दी लेकर चलते हैं। मुझे लगता है S2K की हमने काफ़ी सारी फाइट्स मिस कर दी, प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे, वैसे खास दिखाई नहीं रहा हमारी फाइट्स। एक्सटेटिन कहते हैं 2-3 KD वाले प्लेयर हैं क्या सब? देखो ब्रदर टूर्नामेंट में KD तो नहीं बनती, लेकिन हाँ ये तो है कि हाँ 2-3 KD वाले हैं, सही है ना, टेंशन नहीं है कोई प्रॉब्लम है, टेंशन मत लो। ओके U7 देखिए अभी इनिशियली यहाँ पे मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं टीम थोड़ा सा पैसे माइंडसेट के साथ आई है, लेकिन यहाँ पे कुछ और प्लेयर्स भी हैं जो इन्वॉल्व होना चाहते हैं फाइट्स में। टीम 1x देखिए यहाँ पे अभी एक बड़ी गलती ये कर गई कि उन्होंने अपने दो प्लेयर्स खो दिए हैं एंड सौरभ एंड लियो के एलिमिनेशन की वजह से यहाँ पे टाइटन एंड कैप्टन इस मैच को आगे कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे, तो आपके पास अभी उतने खास कुछ नंबर्स बचे नहीं है।
एंड देखिए अगर एक्सेटिन आप केडी बनाएंगे तो आप टूर्नामेंट्स नहीं खेल पाएंगे, सिंपल। तो आप फिर तो क्लासिक प्लेयर हो, तो आप केडी बनाइए, टूर्नामेंट इनको खेलने दीजिए। कहीं ना कहीं बड़ा सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्पॉट करा, G3 के साथ फाइट लेना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। यहाँ पे हील करके अपने टीममेट्स को रिवाइव लगाना, ये एक प्राथमिकता होनी चाहिए। बट यहाँ पे आई थिंक कुछ अलग ही चल रहा है। कवर फायर यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा ब्रॉली की तरफ से। देखिए हायर ग्राउंड की तरफ से प्लेयर्स आ रहे हैं, SMG है उनके पास, तो क्लोज कॉम्बैट में कितनी ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है हम सभी को मालूम है। फाइनली यहाँ पे एक और प्लेयर को पिक कर लिया जाता है, तो लास्ट में सैनिक बचे हैं गोकू। आई थिंक यहाँ पे टीम U7 का एलिमिनेशन किसी भी मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे स्पीड लेवल किया जाता है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता वेजिटा की उसने कुछ खास एच की, तो उनको एक प्लेयर में गिरना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेडकिट पॉप इन करी जा रही है, तो क्या वो पॉप इन कर पाएंगे? एंड फाइनली उनको स्पॉट कर ले जाते हैं। एंड देखिए हैरी ने यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका एलिमिनेशन किया है, जो कि खुद जोन के बाहर है। लेकिन देखिए फिनिशेस आते रहने चाहिए, एंड इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं टीम्स को काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रही है। लेकिन यहाँ पे टीम डी भी सर्कल के अंदर एंट्री ले जाएगी, क्योंकि कोई भी स्क्वाड उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर नहीं बैठी हुई थी। लेफ्ट साइड से यहाँ पे टीम नंबर 3 है, तो शायद वो यहाँ पे उनके लिए कड़ी टक्कर का एक माहौल बना सकती है। टीम थंडर अभी भी इस मैच में है, टीम S2K भी इस मैच में अभी तक बरकरार है। टोटल 9 टीम्स अभी हमारे पास हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। 23 प्लेयर्स अभी भी इस मैच में बने हुए, सो देखा जाए तो टीम वेनम आई गेस यहाँ पे चिकन डिनर सिक्योर कर सकती है। लेकिन टीम 1X जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार लग रहे थे, वो अब सिर्फ एक खिलाड़ी के भरोसे ठीक है। सो ये होता है जब आप ज़्यादा फाइट्स में एंगेज हो जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कैजुअलिटीज़ भी उस तरीके से फेस करनी पड़ती हैं। अश्नूर सिंह कहते हैं व्हाट एन आंसर कास्टर सर, थैंक यू। अच्छा खेलेगा तभी तो केडी सही होगी, 2-3 केडी क्लासिक पे रखने पे क्या ही मारेंगे। देखो टाइटन, मैं कह रहा हूँ ना, आप क्लासिक ही खेलो एंड केडी बनाओ, टूर्नामेंट खेलो, खेल रहे ना ठीक है, पैसा कुछ नहीं है यार। केडी वगैरह आप लोग ही करो यार, अभी देखो ये कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं, एंड ज़रूरी नहीं है सबके पास अच्छे डिवाइसेस हो, ये भी बात है। और वैसे सही बात है, आप ग्रैंड फाइनल्स पे आओ, वो आपको खुद पता चल जाएगा। आप अपनी केडी को स्टैट्स नहीं दिखा सकते, आपकी केडी आपका अचीवमेंट नहीं है, आपका एक्सपीरियंस आपका अचीवमेंट है। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, एंड अगर आप कॉम्पिटिटिव में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप अपनी केडी नहीं दिखाएंगे कि आप 10 KD के प्लेयर हैं, वो आपके अचीवमेंट्स मांगेंगे। सो आप T1 का जब स्लॉट लेने जाएंगे तो आपसे वो स्लॉट्स के लिए ना आपका अचीवमेंट्स आपका एक्सपीरियंस मांगेंगे, ठीक है। तो आप उनको कॉन्करर एंड अपना अचीवमेंट दिखाएंगे, वो केडी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइस अभी आप फिलहाल के लिए वापस एक बार फिर से मैच की तरफ आते हैं। आई थिंक अभी के लिए यहाँ पे कुछ सिनारियोज जो है वो अगेंस्ट जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन थंडर अभी के लिए एक हाईर ग्राउंड पे, तो उनके पास एक एडवांटेज रहेगा। चारों प्लेयर्स अभी सर्वाइव कर रहे हैं, टोटल 11 फिनिशर्स इस टीम ने सिक्योर कर लिए। जब अभी डाउन की साइड आप मूव करेंगे देन आपको स्मोक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। एंटी स्नो जो थे उनका अभी यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है। सो सिर्फ 5 टीम्स हैं लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे डेविल क्या कर रहे हैं? एंड देखिए यहाँ पे नेड्स स्पैम किए जा रहे हैं थंडर के द्वारा। एंड अगर डेविल की हम बात करें तो देखिए इस खिलाड़ी काफ़ी देर से अपने पाँव जमा कर रखे हुए, इस टीम के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है, किसी भी टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच है। क्योंकि फर्स्ट मैच आप नहीं चाहते कि फर्स्ट मैच में आपकी एक ख़राब शुरुआत हो। देखिए डार्लिंग ने यहाँ पे एक बार फिर से स्प्रे स्पैम करा, एंड एक और खिलाड़ी का यहाँ पे एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाता है। सो अब एक बार फिर से देखिए 4 कंटेंडर्स हैं, एंड जो हमने एक प्रेडिक्शन लगाई थी 1X की, तो देखिए वो हमें देखने को मिल रही है टॉप 4 तक में। तो क्या वो टॉप 3 तक में पहुंच पाएगी? क्योंकि सिर्फ एक खिलाड़ी का और एलिमिनेशन, एंड उसके बाद यहाँ पे टीम जो है वो आगे बढ़ जाएगी। सो 1X आई थिंक वो जो प्रेडिक्शन है उसको यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। लेट्स सी यहाँ पे टीम डार्लिंग क्या करने वाली है, टीम गीक क्या करने वाली है, क्योंकि इनके पास भी अभी 3 प्लेयर्स हैं, लेकिन सामने एक बड़े कंटेंडर हैं टीम थंडर, एंड उनके पास सर्कल के अंदर आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सफर तय करना पड़ेगा। तो एक वो चैलेंज उनके सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। देखिए यहाँ पे स्प्रे स्पैम अगेन डार्लिंग की तरफ से ही जाता है, तो यहाँ पे 1X के टाइटन भी लगे पड़े हैं कि टीम थंडर के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ऑलरेडी एक और पिक कर चुके हैं, इसी के साथ साथ टाइटन यहाँ पे एलिमिनेशन कंफर्म करते हैं। दिस प्लेयर हैव 8 फिनिशेस इन हैंड, एंड लेट्स सी यहाँ पे आगे किस तरीके से गेम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टीम की अभी इस टीम के पास भी 3 प्लेयर्स हैं, सामने 2 खिलाड़ी हैं लेकिन दोनों अलग अलग टीम्स के। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं अब 1X टाइटन के पास 1v3 का सिचुएशन आ जाता है, एंड टीम की क्लोजिंग करने के यहाँ पे एक कोशिश करती हुई नजर आएगी। टाइटन के पास यहाँ पे एक डाउन द ग्राउंड का छोटा सा रिज है, लेकिन इस रिज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए लेफ्ट एंगल से शॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डैमेज कनेक्ट करा, इंस्टेंटली फिनिश, अपना एक और पॉइंट खाते में जोड़ा। लेकिन टीम गेम गीक कमिंग विद दैट ब्रिलियंट 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 चिकन डिनर, एंड 1X एक काफ़ी ज़्यादा क्लोज सिचुएशन। टीम 1X
यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं टोटल 16 फिनिशेस का स्कोर एंड एक डिसेंट गेम। आई थिंक स्टार्ट जिस तरीके से करी थी, एग्जीक्यूशन उस तरीके से, यहाँ पे एक चिकन डिनर के साथ होती शायद और ज़्यादा सेटिस्फाइड होते, बट आई थिंक टाइटन ने यहाँ पे अपना काम कर दिया। एंड देखिए यहाँ पे टोटल 9 फिनिशेस अकेले खिलाड़ी के हाथ में है, सो 1x एक अच्छा गेम यहाँ पे बनाकर लेकर जाती है। लेकिन टीम गीक एक अच्छा चिकन डिनर, एक अच्छी शुरुआत एंड एक अच्छा बूस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, एंड एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सो ये कि टीम आई थिंक अभी बहुत ही ज़्यादा कुछ करने वाली है, क्योंकि अभी आपके पास और 4 मैचेस हैं। एंड लेट्स सी आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं उन मैचेस में। टीम जरल भी यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं एक अच्छा गेम रहा, जस्ट बिकॉज की एक अकेला खिलाड़ी अभी तक टिका हुआ था। एंड वो जो छोटा सा कवर था काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे थे, क्योंकि आसपास की दोनों टीम्स आपस में ध्यान दे रही थी, किसी ने ध्यान दिया नहीं कि वहाँ पे एक बीच में खिलाड़ी लेटा हुआ है। थर्ड पोजीशन तक लेकर आने में कामयाब रहे एंड्रॉइड बॉट एंड उसके साथ यहाँ पे 2 फिनिशेस भी रहे। टीम थंडर एक अच्छा गेम उनके लिए भी रहा, लेकिन देखिए जब सर्कल के अंदर आने की बात रही तो शायद उतने सारे थ्रोबल्स नहीं थे, स्मोक्स वगैरह नहीं थे, तो शायद उस चीज़ को मिस करती गई टीम। एंड देखिए टीम को सिर्फ और सिर्फ 11 फिनिशेस के साथ 4th पोजीशन पे संतुष्ट रहना पड़ेगा। सो गाइस ये थी इस मैच की कहानी, आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक एंड सब, डोंट फॉरगेट टू शेयर द स्ट्रीम विद योर फ्रेंड्स एंड आई होप आपको हमारा कास्टिंग पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई फीडबैक है जरूर से आप कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए ब्रेक है, होप यू गाइस हैव एंजॉयड, बी राइट बैक एंड आते हैं फटाफट साउथ मैच। यहाँ पे 1x टाइटन रहेंगे जिनके पास 9 फिनिशेस, 1264 का डैमेज है एंड U7 गोकू बेस्ट कंपेनियन, 3 रिवाइव्स हैं, सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। डेक्सर की अगर हम बात करें फाइनल एलिमिनेशन उन्होंने किया, लेकिन गीक देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं खिलाड़ी उन्होंने खो दिया था, काफ़ी ज़्यादा क्लोज आई थी ये सिचुएशन एंड उसके साथ साथ ये मैच की कहानी यहाँ पे ओवर होती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए ब्रेक है, बी राइट बैक। Yeah.
the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. I'm playing.
ओके सो गाइस यहाँ पे अब बढ़ते हैं सेकंड मैच की तरफ। एंड देखिए यहाँ पे एक पूरा कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी होगा क्योंकि इरेंगल का मैप है एंड फर्स्ट मैच में जिस टीम ने कहीं ना कहीं गलतियाँ करी हैं उनको यहाँ पे एक रिकवरी का चांस मिलने वाला है। सो ज़रूर से यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब आपके पास एक वापसी करने का मौका है, सो उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। एंड देखिए यहाँ पे अभी उन टीम्स के लिए कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा सोच विचार कुछ वो जो बेहतर एक एफर्ट की बात है जो लास्ट मैच में मिसिंग एक कंप्लेन थी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं शायद एक बेहतर रिजल्ट बनाए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आप इसके बाद बाकी तीन मैचेस में उतनी ज़्यादा बेहतर रिकवरी कर पाएंगे। इनकेस अगर गीक ने वापस एक विनर चिकन डिनर लिया देन फॉर श्योर ये टीम हमें एक विक्ट्री की तरफ ज़्यादा अग्रसर नजर आएगी। सो बात करेंगे फ्लाइट पाथ की, तो देखिए प्रेमोस की तरफ से एक अच्छा डिसेंट सा फ्लाइट पाथ है, हालांकि मिड रीजन्स एक बार फिर से फेवर करते होते हुए नजर आएंगे, तो वहाँ पे शायद एक लास्ट ड्रॉप लोकेशन जो है वो स्टालबर हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी टीम्स यहाँ पे कोशिश करेंगी कि थोड़ा सा फाइट्स को अवॉइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दूर पे जाने की कोशिश करें। एंड क्या हालचाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? खलनायक कहते हैं अनुज भैया बोल लो, व्हाट द हेक, कौन अनुज भैया? हाय रणवीर ब्रार, वेलकम टू द स्ट्रीम। एस टू के लेट्स सी अभी एस टू के आपकी क्या करती है। ओके सो देखिए ZL का स्कॉट जो है लास्ट मैच एक अच्छी कोशिश थी लेकिन देखिए कहीं ना कहीं मिड के फेस में पिक होती हुई नजर आई एंड शायद टीम ने उतना बेहतर कुछ एफर्ट्स भी नहीं लगाए थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए प्रमोस की तरफ हमें जाते हुए नजर आ रही टीम नॉट 23। लास्ट मैच में इस टीम ने भी काफ़ी एक इंप्रेसिव गेम स्टार्ट जरूर करा था लेकिन एग्जीक्यूशन अगेन वही सेम मिसिंग चीज़ रही। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आप कुछ वापसी कर पाते हैं एंड इनकेस अगर आप यहाँ पे कुछ विनर चिकन डिनर लेकर जाते हैं तो शायद आप वो बराबरी पर आ जाएं जो कि गीक एक जगह नज़र आने वाली है। गीक ओपी ऑब्वियसली डिम्पल, गीक ने फर्स्ट मैच जिस तरीके से चिकन डिनर निकाला है आई थिंक गीक से इस तरीके की एक्सपेक्टेशन लगा भी सकते हैं। एंड देखते हैं आगे इस मैच में क्या होने वाला है। टी एक्स सी डी को दिखाओ भाई, लेकर चलते हैं टी एक्स सी डी के पास में भी। ओके टी एक्स ई डी, आई गेस टी एक्स ई डी लास्ट में जो काफ़ी अच्छा कर रही थी, डेविल सर्वाइव कर रहे थे जस्ट बिकॉज की डेविल की वजह से ये टीम हमें फोर्थ आई गेस फोर्थ नहीं फिफ्थ तक फिनिश करती हुई नजर आई थी बिकॉज फोर्थ में तो थंडर का स्कॉट था भाई। दिखा दो भाई, क्या दिखाना है? अरे यार एक काम करो ना आप ना आके आ जाओ मैं स्ट्रीम को ना रोक देता हूँ टी एक्स ई डी के ऊपर। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा हम कोशिश करते हैं जितना टीम जितना फाइट्स हो सकेगा सब दिखाएंगे। ओके सो यहाँ पे बात करते हैं टीम U7 की भी, तो देखिए उनके भी प्लेयर्स हमें देखने को एक बार फिर से मिल रहे हैं एंड फाइनली यहाँ पे कुछ फाइट्स में और उनके खिलाड़ी आ रहे हैं। तो टीम U7 देखिए लास्ट मैच भी इस टीम ने एक काफ़ी अच्छी शुरुआत करी थी लेकिन यहाँ पे देखिए इरेंगल है तो ड्रॉप क्लैशेस जो अवॉइड करने चाहिए थे लेकिन आई थिंक उस पर ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया, एक स्प्लिट ड्रॉप लेना पसंद किया था। तो दो प्लेयर्स की कैजुअलिटी ऑलरेडी इस टीम को हो चुकी है, ब्रॉली यहाँ पे एंड वेजिता आगे इस मैच को कंटिन्यू करते नजर आएंगे। सो दो कैजुअलिटीज अगर हम इस मैच में बात करें तो देखिए टीम DB भी हमें इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है फाइट्स में, तो हैरी जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से नाम देखने को उनका मिल जाता है एंड ये जो फाइट है हमें मेल्टा के रीजन पे देखने को मिल रही है। सो टीम नंबर 15 एज ऑफ नाउ आई थिंक अभी एक अच्छे गेम पे है एंड TXCD के ही प्लेयर्स हमें यहाँ पे एक बार फिर से एक्शन में नजर आ रहे हैं। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं VCS को पिक कर लिया गया है, डेविल अभी के लिए डाउन पड़े
बाकी बची कहानी सिर्फ दो प्लेयर्स के ऊपर है, स्पिनो एंड रेवन। लेट्स सी क्या वो अपने टीममेट को बचा पाएंगे, एंड अगर यहाँ पे बचाना है तो मुझे लगता है जल्द से जल्द जाना पड़ेगा क्योंकि टीम ने 15 उतना समय देगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग भी किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए स्पॉट जरूर करा दोनों ही खिलाड़ियों ने एक दूसरे को, ट्रेड में काफी बेहतर एक डैमेज कनेक्ट किया। अनुज भैया आ गए, अनुज भैया हैं कौन? अनुज भैया देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी एक वापसी होती हुई नजर आ रही है। जस्ट यहाँ पे देखिए कि स्पिनो को भी डाउन कर दिया जाता है। सो एक लास्ट मैन स्टैंडिंग बचे हैं रेवन एंड आई थिंक यहाँ पे टीएक्सडी की एक अर्ली एग्जिट संकेत बनती हुई नजर आएगी और बाकी स्क्वाड्स के लिए कि उनके पास यहाँ पे एक चांस है। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं टेन ऑफ 15 का एक और प्लेयर आ चुका है, तो अब उनके पास नंबर ज़्यादा हैं, अब उनके पास चांस बेहतर है। एंड देखिए यहाँ पे एक भी शॉट कनेक्ट नहीं कर पाया, उसकी वजह से यहाँ पे एक अर्ली एग्जिट फेस करनी पड़ती है टीम TXED को। सो नो डाउट एक अच्छा एफर्ट था रेवन के द्वारा, लेकिन टीम TXED इस मैच से बाहर हो जाएगी। टीम नंबर 15 4EC का स्क्वाड यहाँ पे एक बढ़िया फाइट एग्जीक्यूट करता नजर आ रहा है, चार फिनिशेस लेकिन एक कैजुअलिटी के नाम पे। सो मिल्टा है अभी के लिए यहाँ पे सर्कल के अंदर है, यहाँ पर ज़्यादा मूव आपको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन टीम नंबर 17 भी जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और फाइट में बिजी नज़र आ रहे हैं। आप देखें तो यहाँ पे दो खिलाड़ी उनके भी खो चुके हैं, शायद उनको टीम जो है अवॉइड नहीं कर पा रही है। रियल फेक यहाँ पे अभी देखिए एक लास्ट एक बार फिर सोलो मैच करते हैं, मुझे लगता है काफ़ी कम ही इस तरीके की सिचुएशंस में सोलो प्लेयर्स आगे मैच कंटिन्यू कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे उजी एक बेहतर वेपन जरूर है, एक प्लेयर को डाउन करा इंस्टेंटली, दूसरी बार फिर करके आएंगे फिनिश कंफर्म करने की कोशिश, एक और प्लेयर को डाउन, तीसरे प्लेयर को भी डाउन करा। गन रिलोड अगर हो गई तो क्या यहाँ पे हमें रियल फेक की तरफ से एक 1v4 देखने को मिलेगा? आई रियली डोंट थिंक कि यहाँ पे अभी वो इतना जल्दी क्लोजिंग करना चाहेंगे, एक फर्स्ट एड इनफ है एंड उसके बाद क्लोजिंग करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे टीम नंबर 6 के दो प्लेयर्स अभी डाउन पड़े हैं, एक प्लेयर को ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, लास्ट मैन स्टैंडिंग बचे हैं। क्लोजिंग जरूर किया लेकिन उससे पहले रिवाइवल हो चुका था क्योंकि आपने हीलिंग में समय लगाया एंड उसके चलते एक बहुत ही प्यारा क्लोज एफर्ट रियल फेक के द्वारा देखिए यहाँ पे एंड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन टीम नंबर 6 अभी के लिए यहाँ पे एक राहत भरी सांस लेगी एंड एक अच्छा फाइट इनके द्वारा अभी फिनिश होता है। तो आई गेस यहाँ पे कि जिस तरीके से DP से स्विच करके आया इंस्टेंटली वहाँ पे दो प्लेयर्स को नॉक करा, सो काफ़ी अच्छी एक वापसी, काफ़ी अच्छा एक ट्रेड हमें देखने को मिला। यास नया भी फ्री हो चुका है, सो एक ही टीम है यहाँ पे फिलहाल के लिए, टोटल अभी हमारे पास 20 स्क्वाड्स हैं एंड लेट्स सी यहाँ पे आगे का गेम किस तरीके से रहेगा। सदर्न आइलैंड की अगर हम बात करें तो टीम नंबर 7 अभी के लिए मुझे लगता है उनको निकल लेना चाहिए। तो अब जो दौर रहेगा मुझे लगता है काफ़ी रेयर मोमेंट्स पे हमें फाइट देखने को मिलेंगी, रोटेशंस के दौरान कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं। ओम्फो हो गया हाँ ओम्फो तो हो गया TXED स्पिनो ओपी मेरे भाई, स्पिनो ने काम अच्छा किया वैसे। ब्रेंस ब्रार कहते हैं नो ओनली S2K ओपी, ठीक है भाई। ओके, सो अभी के लिए बात करेंगे टीम नंबर 24 की भी, तो देखिए नॉर्दर्न सिटी की तरफ आए हैं, एक अच्छा रिसेंट सा ड्रॉप लोकेशन हमें देखने को मिलता है। नॉर्दर्न सिटी की खासियत है कि यहाँ पे अगर आप फाइट्स में इन्वॉल्व होना भी चाहते हैं तो आपको एक चीज़ का हमेशा खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे कोई भी क्लोज इन करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि कितने सारे अलग अलग एंगल्स होते हैं उसको बताने की कोशिश होती है। ओपन रीजन पर एटलीस्ट आपको ये पता होता है कि कहाँ कहाँ से प्लेयर्स हैं, तो वो चीज़ें शायद बेहतर हो जाती हैं। एंड हियर कम्स अ हॉर्नेट विद मैसिव 100 rupees सुपर चैट एंड थैंक यू सो मच फॉर द 100 राइजिंग अंडरडॉग्स, ये तो पनिशर स्पोर्ट्स का हैशटैग है। सो मेक श्योर गाइस जरूर से देखिए, यहाँ पे कोई भी इनवाइटेड स्लॉट्स नहीं है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा बेहतर बनाती है इस लॉबी को, कि यहाँ पे जितने भी अंडरडॉग्स ने मेहनत करी है, मेहनत मशक्कत करी है, उनको ही यहाँ पे एक चांस दिया गया है। सो इनवाइटेड स्लॉट्स नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक बेहतर लॉबी हमें देखने को मिलता है एंड कुछ नई टीम्स हमें बेहतर गेम प्ले के साथ देखने को मिल जाती हैं। सो बात लास्ट मैच भी इतनी कुछ बेहतर परफॉर्मेंस नहीं थी। आप देखिए यहाँ पे क्रॉन्टन जो कि लास्ट प्लेयर बचे थे लास्ट मैच की कहानी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखिए वहाँ पे कहीं ना कहीं क्या एफर्ट था। अभी के लिए हेड्स एंड जो प्रीत वाइटी हैं वो रिवाइवल के लिए जाना चाहते हैं, बट आई डोंट थिंक अभी के लिए यहाँ पे जाना उनके लिए कुछ बेहतर रहेगा। देखिए इस ब्रिज की तरफ वेट करना एक अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ से ही स्क्वाड्स को आना है, तो आप इस ब्रिज में आराम से कैंप कर सकते हैं। लेकिन क्या टीम वो डिसीजन लेगी मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे कि टीम नंबर 4 जो है वो इस तरीके से अभी रोटेशन आगे बढ़ाती नजर आएगी। टीम DC देखिए इस बार एक चेंज के साथ आई है, स्वे हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस टीम ने भी काफ़ी अग्रेसिव स्टार्ट की थी लास्ट मैच में, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे कैजुअलिटीज़ आपको बढ़ती हैं तो आपका एलिमिनेशन
उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है किसी भी अपोनेंट स्क्वाड के लिए। बात करते टीम 19 के प्लेयर्स की भी, तो देखिए इस टीम ने भी काफ़ी अच्छा अभी तक एक पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है। 1x एक बार फिर से हमें देखने को मिल रही है, सो 1x जब तक है इस गेम में आई थिंक अभी तक वो जिंदा गेम हमें देखने को मिल रहा है। तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उतना आसान सा फाइट हमें देखने को मिलेगा किसी भी स्क्वाड की तरफ से। शुभम शर्मा कहते हैं रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। देखिए अभी हमें फर्स्ट सर्कल देखने को मिल रहा है एंड ये जो फर्स्ट सर्कल है अभी श्रिंक होके कहाँ पे बनेगा उसकी प्रेडिक्शंस अभी से चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पे अभी वर्कलोड बढ़ जाता है आईजीएल्स का, सो लेट्स सी आईजीएल्स यहाँ पे क्या कुछ डिसीजंस लेंगे। लेकर चलते हैं 13 के प्लेयर्स के पास में भी, क्योंकि ये टीम भी काफ़ी ज़्यादा हद तक बिजी नज़र आने वाली है अभी जैसे जैसे आगे मैच बढ़ रहा है। तो वहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये जो एरिया एक्सप्लोर करने की बात है तो वो हमें होती हुई नज़र आ रही है टीम्स के द्वारा। कुछ एक क्लस्टर की अगर हम बात करें टीम पीएससी, देखिए उस क्लस्टर के काफ़ी ज़्यादा करीब है। S2K दिखाओ और लेकर चलते हैं TNM। ओके TNM के पास भी लेकर चलेंगे, जस्ट वेट फॉर द मोमेंट। देखिए टीम MSC के लिए भी लास्ट मैच किया, हमें कहने थे अच्छी कोशिश देखी थी, वहां पे 1x ने ही इनका एलिमिनेशन किया था। तो यहां पे भी एक अच्छे गेम की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस स्क्वाड से भी। थोड़ा सा सर्कल यहाँ पे देखिए सेंटर फोकस होता हुआ नजर आ रहा है। सेकंड सर्कल मुझे लगता है ज़्यादातर ऐसा ही रहता है क्योंकि अभी उतना ज़्यादा रेडियस नहीं रहता, तो यहाँ पे थोड़ा सा श्रिंक होता ज़रूर है लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहता है। गीक एंड T4X OP स्पैम करोगे तो टाइम आउट मिलेगा, बात ही सही है वैसे। प्लीज़ ब्रदर स्पैम मत करो या देखिए ना फिर चार्ज, अगर हमारा मन भी होगा या हम गलती से भी पहुंच जाएंगे तो हमें इंस्टेंटली स्विच करना पड़ जाएगा। प्लीज़ स्पैम मत करिए, हम ज़रूर से दिखाते हैं। देखिए T4X की भी बात करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं ब्रिज क्रॉस करके आए हैं, अभी के लिए एक अच्छे पोजीशन पे हैं एंड अभी एकदम एक्सट्रीम सदर्न पार्ट पे आप हैं सर्कल के, तो वहाँ पे आपको कोई भी स्क्वाड देखने को नहीं मिल रही है। सर्कल के अंदर एंट्री लेने का चैलेंज अभी भी इस टीम के लिए जारी रहेगा। लेकर चलते हैं बाकी स्क्वाड्स की तरफ भी। U7 देखिए यहाँ पे एक लास्ट प्लेयर के भरोसे टिकी हुई, तो ये जो लास्ट खिलाड़ी कितने देर तक कंटिन्यू रख पाएंगे वो चीज़ अभी हमें देखनी रहेगी। कुछ और स्क्वाड्स भी हैं जो यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। टीम गीक की भी एक बार बात कर लेते हैं, तो देखिए अभी के लिए यहाँ पे व्हीकल्स वगैरह लेकर एक अच्छा कंपाउंड तलाशा जा रहा है एंड काफ़ी हद तक वही देखिए सेम राइट लास्ट गेम की जो कोशिशें थी वही सेम यहाँ पे कंटिन्यू करी जा रही है, क्योंकि अगर आपको वही स्ट्रेटेजी से बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं सो नो नीड टू चेंज। यहाँ पे TMK एक बार फिर से देखिए फिनिश पिट पे हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है ये स्क्वाड एंड नॉर्दर्न रीजन यासना एपोलियाना इस टीम के द्वारा फाइट इनिशिएट करी गई। सो टीम ऑफ 4 की प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक प्लेयर्स टारगेट होते नजर आ रहे हैं। सो लास्ट एक प्लेयर बचे हैं तो ओजी एंड आई डोंट थिंक कि वो यहाँ पे फाइट में कुछ और दिलचस्पी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि एक अकेले खिलाड़ी हैं, ज़्यादा देर टिक पाए उसकी कोई यहाँ पे गारंटी नहीं है, तो इंस्टेंटली फॉल बैक करना वो यहाँ पे एक बेहतर डिसीजन रहेगा एंड अब स्टे करके ईजीली इस गेम को आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे देखिए ओजी ने एक शेक को पसंद किया है एंड देखिए पेगासस का भी यहाँ पे एलिमिनेशन हो चुका है। स्पैम करने दो, अरे ब्रदर लेकर चलते टीम TNM के पास। अरे ठीक है भाई यार, आप तो एकदम मतलब एक काम करता हूँ TNM पे ही स्ट्रीम रोक देता हूँ, ठीक है आप उसको ही देखते रहना बस। या बाकी स्क्वाड्स भी फाइट्स ले रही है तो उनके पास भी लेकर चलना बनता है। एंड आपका जो स्क्वाड है टीम TNM आई गेस वो तो इस मैच में नहीं नजर आ रहा मुझे। ओके सॉरी यहाँ पे आपका स्क्वाड नहीं नजर आ रहा ब्रदर, TNM आपका स्क्वाड है ही नहीं यहाँ पे, आप तो मेरे को टोपी पहना रहे हो। स्लॉट 15 का क्या सीन है? स्लॉट 15 टीम डीवी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लास्ट मैच भी काफ़ी अच्छी एक परफॉर्मेंस थी एंड इस मैच में भी सेम देखिए कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट बनाए जा रहे हैं। इस टीम के पास अभी भी 4 फिनिशेस हैं एंड एक डिसेंट सा गेम यहाँ पे इंजॉय करा जा रहा है। सो देखिए M24 यहाँ पे कैरी करी जा रही हैरी के द्वारा एंड अगर एक बेहतर हेडशॉट कनेक्शंस बनाते हैं तो शायद थोड़ा सा काम जो है आसान हो जाए, क्योंकि नॉक्स निकालना इनका ही काम रहेगा।
अभिषेक वेलकम टू दिस स्ट्रीम। जोने चे पाके तोड़ते पहले है क्या समझाने में क्या बोल रहे हो इनसाइड एज यार। ये लो ये वेब सीरीज वाले आ गए यार। ये ना यार प्लीज ऐसा मत करो यार मेरा, आप स्लॉट बता दो मैं स्लॉट पे लेकर चलता हूँ सीधा। एस आर के जी दैविक प्रकाश नायक भाई इसका नेम कितना खतरनाक है। टीएनएम टीएनएम नहीं है ब्रदर, आपका टीम टीएनएम दिख ही नहीं रहा हमें तो फिलहाल। देखिए टीम गीक को मालूम है कि लास्ट मैच विनर विनर चिकन डिनर उनके खेमे में आया है, तो यहाँ पे कोई और ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं रख सकते। वो यहाँ पे कोशिश यही करेंगे कि यहाँ पे एक सर्वाइवल गेम खेला जाए और उसके बाद एक बेहतर पोजीशन अगर इस मैच में भी गेन कर ली देन यही चीज़ आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड खेली जाएगी, तो शायद एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे बन सकता है टीम के लिए। टीएमके ओके टीएमके यहाँ पे फाइट्स में इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है ब्रदर। टीम हॉर्नेट इन कमिंग ओके ओके ठीक है ठीक है। एवेलेक्स गेमर जी कहते हैं स्लॉट चाहिए। देखिए टीम टीएम के ने एक अच्छा फाइट फिनिश किया था, 5 फिनिशेस टोटल ये टीम ऑलरेडी सिक्योर कर चुकी है। देखिए इस सोलो खिलाड़ी के बारे में भी बात कर लेते टीम U7 के। टीम U7 का लास्ट मैच अच्छा परफॉर्मेंस रहा था बट अभी देखिए इस मैच में अभी के लिए आप अपने 3 प्लेयर्स खो चुके हैं, तो एक लास्ट उम्मीद बचे हैं बॉस एंड लेट्स सी कितनी देर तक ये प्लेयर टिका रह पाएगा, क्योंकि सोलो प्लेयर्स का एरेंगल के केस में बचना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपके ऊपर बहुत ही सारी टीम्स का टेंशन होने वाला है। इन केस अगर आप थोड़ा सा भी सर्कल के अंदर एंट्री पहले लेंगे देन आपकी बगी या आपके व्हीकल्स जो हैं अगर वो स्पॉटेड हुए देन आपके एलिमिनेट होने के चांसेस भी कुछ उतने ही हद तक बढ़ जाते हैं। सो देखिए यहाँ पे अभी राइट रीजन से काफ़ी बड़ा एक क्लस्टर मूव करता हुआ नजर आ रहा है, एंसर के अंदर एंट्री इजीली हो भी जाएगी। ईस्टर्न रीजन से काफ़ी सारे स्क्वाड्स हैं, साथ ही साथ सदर्न रीजन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे टीम थंडर हमें नज़र आने वाली है एंड टीम थंडर ने फाइट्स में इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं समझा एंड मेरे ख्याल से बेहतर चीज़ भी क्योंकि लास्ट मैच उतना बेहतर नहीं रहा आपके लिए, तो यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हैं कि लेट फाइट्स में ज़्यादा एक बेहतर एंट्री ली जाए। टीम पीएससी सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ आगे इस मैच में बढ़ रही है एंड नो डाउट इस टीम के लिए भी कहीं ना कहीं वही सेम कहानी, तो अभी तक उतनी अच्छी यहाँ पे कहीं ना कहीं रिजल्ट्स नहीं नज़र आए हैं, तो शायद यहाँ पे एक अच्छी कोशिश एक बेहतर रिजल्ट बना सकती है एंड कुछ पॉइंट्स टेबल पे आपको कुछ वापसी भी करवा सकती है पोजीशन पॉइंट्स में। एंड जब फाइनल स्टैंडिंग्स की बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कौन सी स्क्वाड हमें सबसे ज़्यादा ऊपर नज़र आने लगे। आप पिछले मैच में S2K की फाइट मिस कर दी इस मैच में मत करना ओके, बिल्कुल नहीं करेंगे, कोशिश यही रखेंगे कि आपके साथ आपको सारी फाइट्स दिखाएंगे। देखिए टीम नंबर 9 अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक ओपन रीजन पे नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा करीब से काफ़ी सारे स्क्वाड्स यहाँ पे रोटेट करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जिस पोजीशन पे आप हैं यहाँ पे आपको आपको बैकहैंड से काफ़ी कम स्क्वाड्स का ही यहाँ पे विजन मिलेगा। देखिए यहाँ पे हंटर जो है वो पे करते हुए नज़र आ रहे हैं 1x कातिल को, 1x का स्क्वाड लास्ट में सेकंड पोजीशन जरूर से सिक्योर करता हुआ नजर आया था लेकिन वहाँ पे इनके पास फिनिशेस काफ़ी सारे थे। 1x ने यहाँ पे कैजुअलिटी जरूर से डील करी है लेकिन आगे भी बढ़ना है। T4X के जो प्लेयर्स है वो देखिए यहाँ पे फाइट्स में एक बार फिर से इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे अभी आप फाइट्स में इन्वॉल्व होकर कुछ बेहतर रिजल्ट्स बना पाएंगे क्योंकि एटलीस्ट आपके आसपास यहाँ पे कुछ अगर कम से कम नंबर्स की बात करें तो 3 से 4 स्क्वाड यहाँ पे टोटल नज़र आ रही है। टीम नंबर 7 के भी प्लेयर्स हैं एंड वो शायद आपके लिए और भी ज़्यादा कुछ टफ प्रॉब्लम्स बना सकते हैं कि 9 के प्लेयर्स को रिवाइव लगाने के लिए यहाँ पे ज़रूरत रहेगी। एंड देखिए यहाँ पे हॉक का नेट जाता है, कनेक्शन बनाता है एक और प्लेयर डाउन लेकिन यहाँ पे एक नेट टीम नंबर 9 के प्लेयर को भी कनेक्ट होता है, तो टीम नंबर 22 नंबर्स बैलेंस करने की पूरी पूरी कोशिश करें। यहाँ पे पूरा मैथमेटिक्स लगाया जा रहा है कि आप हमारा एक डाउन करें हम भी आपका एक खिलाड़ी जरूर से पिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टीम जी जो गीक है उनके भी प्लेयर्स हमें देखने को मिल जाते हैं फाइट्स में इन्वॉल्व होते हुए एंड उन्होंने सर्कल के अंदर एंट्री देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से पूरा यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में उन्होंने रोटेट करा है एंड देन ये आसना है कि साइड से एंट्री लेना चाहते हैं। शायद उन्हें लगा हो कि यहाँ पे टीम्स अभी ज़्यादातर सेंटर की तरफ हो सकती है तो वहाँ से आना बेहतर होगा। बट वो प्रेडिक्शन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे उनको अभी काम देती हुई नज़र आ रही है।
स्नाइपर शॉट्स की अगर हम बात करें तो देखिए पर्सी यहाँ पे कार 98 विद 6x है एंड काफ़ी अच्छा एक बोल्ट एक्शन हमें देखने को मिल सकता है एंड इंस्टेंटली यहाँ पे स्नाइपर ड्रॉप करी गई है क्योंकि मुझे अभी जैसे ही अनुमान लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से अभी सर्कल श्रिंक होगा देन उसके बाद स्नाइपर्स का रोल बहुत ही कम देखने को मिलेगा, उतनी ज़्यादा क्लोज फाइट्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट मैच कब होगा भाईजान? नेक्स्ट मैच अभी देखिए अभी तो पहले इसको ही ख़त्म करते हैं, जैसे ही होगा ख़त्म उसके बाद 10 से 15 मिनट्स में नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो जाएगा। देखिए पर्सी बार बार यहाँ पे शॉट्स ट्राई कर रहे हैं लेकिन उतने बेहतर कनेक्शंस अभी तक निकल कर नहीं आए कि किसी भी प्लेयर को पिक कर पाएँ। सर्कल का एक बार फिर से सदर्न रीजन्स की तरफ मूव करना दिस शोज कि यहाँ पे अभी के लिए जितनी भी नॉर्दर्न रीजन्स की तरफ टीम्स हैं उनको यहाँ पे अभी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। आप देखें तो मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, टीम नंबर 21 की तरफ से U7 बॉस एक अकेले प्लेयर हैं लेकिन देखिए यहाँ पे एक बड़ा रास्ता उनकी तरफ से चूज़ करा जा रहा है तो सेफ है तो शायद बेहतर भी है। आप देखिए यहाँ पे बगी का बैक वाला टायर जो है वो बर्स्ट हो चुका है तो शायद अब मुझे नहीं लगता कि ये टीम आगे ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ पाएगी। टीम नंबर 22 एक बार फिर से फाइट्स में इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है लेकिन इस बार उनके कंटेंडर हैं टीम नंबर 9 के प्लेयर्स एंड देखिए यहाँ पे अभी के लिए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाता हुआ नजर आ रहा है। टीम नंबर 22 यहाँ पे कंप्लीट तरीके से वाइप आउट हो जाती है, सच यहाँ पे लास्ट फाइनल फ्रैग सिक्योर करते हुए नजर आए। टीम नंबर 9 एक और टीम का यहाँ पे एलिमिनेशन करके सिर्फ हमारे पास 19 नंबर्स यहाँ पे छोड़ेंगे क्योंकि अभी के लिए ये 19 नंबर्स बहुत ही सारे के हम ऑलरेडी फोर्थ सर्कल पे हैं। लिटरली यहाँ पे अभी हमारे पास 61 प्लेयर्स अलाइव बचे एंड आई थिंक यहाँ पे सर्कल के सेंटर के करीब अगर कोई टीम रहने वाली तो वो है टीम नंबर 19। जब सेंटर के काफ़ी ज़्यादा करीब होते देन आपको सबसे ज़्यादा अटेंशन फेस करनी पड़ती है एंड उस दौरान काफ़ी सारी टीम्स जो हैं आपके ऊपर क्लोजिंग करने का या स्लैम पुश करने का वो ट्राई कर सकती हैं एंड काफ़ी सारी थर्ड पार्टी भी हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बैक टू बैक नेल्स स्पैम करे जा रहे हैं। टीम नंबर 25 फाइनली यहाँ पे सर्कल के अंदर एंट्री लेने में कामयाब रही है तो देखिए एमएससी का स्क्वाड भी उनके द्वारा भी पिक करा जा रहा है। सो सीआईडी लास्ट मैच भी कुछ हद तक एक अच्छा एफर्ट जरूर से देखने को मिला था लेकिन इस बार ही आप देखिए सेंटर आप काफ़ी ज़्यादा करीब है तो आप सिर्फ दो खिलाड़ी बचे हैं, वही सेम सिचुएशन हमें एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। आई डोंट थिंक यहाँ पे अभी ये टीम आगे उतना बेहतर तरीके से बढ़ पाएगी क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स कम होते जाते हैं आपकी वो मैच से पकड़ जो है वो उतनी ही टाइम्स वीकर होती जाती है। तो देखिए यहाँ पे अभी के लिए टीम नंबर 6 के लिए जिस तरीके से लेवी आए हैं आई थिंक व्हीकल को यहाँ पे छोड़ देना चाहिए था काफ़ी ज़्यादा पहले। व्हीकल एक्सप्लोजन के चलते ज्यूज़ वो फिनिश अपने खाते में लेकर जाएंगे एंड यहाँ पे एक और खिलाड़ी एक और टीम को एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे व्हीकल रैन ओवर जिस तरीके से स्नाइपेक्स ने करा है वो देखिए कितना बेहतर इस टीम के लिए एक फिनिश बना सकता है। आपने नॉक करा है लेकिन कंफर्मेशन नहीं अगेन मिलेगी आपको तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना पड़ेगा कि अभी के लिए आप कवर्स की तलाश करिए जल्द से जल्द अदरवाइज आपके पिक होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहने वाले हैं। S2K को दिखाओ, ओके S2K को दिखाते हैं लेकिन U7 का भी यहाँ पे एलिमिनेशन हो चुका है। टीम नंबर 5 एक बार फिर से हमें लास्ट मैच की तरह ही सेम वही बिजी शेड्यूल उनका देखने को मिल रहा है, कितने सारे प्लेयर्स का यहाँ पे एलिमिनेशन उन्होंने कर दिया है, काफ़ी सारे नॉक्स देखने को मिले इस टीम की तरफ से लेकिन फिनिशेज अभी भी दो ही है तो शायद कन्फर्मेशन जो है वो निकल कर नहीं आ रही इस टीम के लिए लेकिन अभी भी इस टीम ने एक अच्छा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन बना कर रखा हुआ है। अगर आप देखें बैकन से टीम नंबर 9 जो आने वाली है उनके लिए यहाँ पे एक खतरे की घंटी है। देखिए ऐसी के साइको जो हैं वो यहाँ पे डाउन होते नजर आ रहे हैं एंड इस दौरान यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि रिवाइव लगाया जा सकता है। आप थोड़ा सा निचले भाग पे ज़रूर है लेकिन आपके भी सामने कुछ खिलाड़ी जो मौजूद है टीम एमएससी के वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। लेकर चलते हैं टीम TMK के पास भी। टीम TMK अभी के लिए इस टीम के पास एक अच्छा खासा नंबर है और स्टार्ट ही कुछ इसने उतना बेहतर किया था। आपके पास अभी से अगर 7 फिनिशेस है तो एक अच्छा गेम आप ही इंजॉय करने वाले हैं। जैसे जैसे आगे मैच बढ़ता जाएगा आपके पास फिनिशेस ऐसे ही आते जाएंगे।
देखिए यहाँ पे अभी भी हमारे पास 15 टीम्स है। ए एल सी हंटर यहाँ पे पिक होते नजर आए, सो टीम नंबर 25 भी कहीं ना कहीं हमें बिजी नज़र आने वाली है। कुछ प्लेयर्स देखिए कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या यहाँ पे बार बार नंबर्स बचाने की जो कोशिश है उसमें कामयाब हो पाएगी। फिलहाल के लिए यहाँ पे पर्स ही देखिए कवर फायर्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड अभी के लिए सर्कल एक बार फिर से अलग ही छोर पर गया है, तो यहाँ पर टीम को थोड़ा सा और मूव करना पड़ेगा। एंड देखिए इंस्टेंटली यहाँ पर व्हीकल लेकर निकलना चाहते हैं पर्स ही। एंड सर्कल की एज की तरफ आप बढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता आपके सर्कल में एंट्री लिए बिना आपको यहाँ पे जरूर से डाउन पड़े, तो क्या पोजाइडन यहाँ पे पिक कर पाएंगे। यूनाइटेड के भी प्लेयर यहाँ पे देखिए कहीं पे शिकार बनते नजर आए। टीम नंबर 25 एक झटके में यहाँ पे पूरा स्क्वाड वाइप आउट हो जाता है, क्योंकि आपने अपना बैक क्लियर नहीं करा था। एंड आप एक बार फिर से ओपन रीजन्स की तरफ बढ़ के आए थे, तो देखिए ये एक बड़ा ब्लंडर देखने को मिल रहा है टीम नंबर 25 की तरफ से। एंड उनकी यहाँ पे एक एग्जिट, मतलब एक और टीम इस मैच से बाहर चलती है। सुना अभी हमारे पास 13 स्क्वाड्स हैं, गीक अभी भी इस मैच में बनी हुई है, लेकिन गीक के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनके दो प्लेयर्स यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। एंड लास्ट टू प्लेयर्स अगर इस मैच में अगर हम बात करें तो गॉड एंड एक्सेल हमें नजर आने वाले, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे शॉट्स आने वाले हैं। एंड R4X यूनिक जो है वो यहाँ पे क्लाउन को पिक करें, TMK के भी जो प्लेयर्स है वो यहाँ पे पिक होते हुए नजर आ रहे। सो टीम TMK अब मुझे नहीं लगता कि अब आगे इस मैच में उतना ज़्यादा बेहतर एक फ्लो बनाकर खेल पाएगी। तो मेक श्योर गाइस आप लोग जरूर से स्ट्रीम को लाइक करिएगा। वी आर सो क्लोज टू 80 लाइक्स टुडे, हम फटाफट से लाइक टारगेट कंप्लीट करते हैं। एंड उसके बाद आप लोगों को 3.94 भी कराना है। एंड आई नो आप लोगों ने सपोर्ट किया है, जिस तरीके से पनिशर चल रही है, तो ये जो सपोर्ट है वही हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग इवेंट्स आप लोगों को लगाने के लिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। एंड एक बार फिर से आप लोग बात करेंगे मैच की तरफ वापस से आते हैं, तो देखिए टीम नंबर 5 जो है वो मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद ही सर्कल के अंदर पहुँचने में कामयाब हो पाई है टीम नंबर 5। अभी देखिए सिर्फ दो प्लेयर्स बचे हैं एंड टीम S2 के ऑलरेडी काफ़ी बड़े लॉसेस फेस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे आकाश एंड डेविल का होना ही कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। लेकिन अभी भी टीम ने एक अच्छा खासा दमखम दिखाया, दो फिनिशेज एंड टोटल टॉप 10 तक आने में आप कामयाब रहे। तो देखिए ऐसे के भी प्लेयर्स हमें फिनिश भी फेस कर फिर से एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जितनी देर तक ये खिलाड़ी लोग हैं काफ़ी ज़्यादा फाइट्स में यहाँ पे हमें एंगेजमेंट देखने को मिल रही है। हेडी देखिए उन्होंने यहाँ पे कुछ और नॉक्स निकाले ज़रूर हैं, लेकिन इस टीम के लिए भी एक वही सेम सिचुएशन है कि अभी आपके पास सिर्फ दो प्लेयर्स हैं। व्हीकल लेकर पहुँचे जरूर सकते हैं अंदर, लेकिन क्या यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। एक मॉली यहाँ पे की जा रही है, लेकिन क्या ये मॉली कनेक्शन बनाएगी वो तो अभी हमें नहीं पता। पाए राइट एंगल से काफ़ी सारे शॉट्स आते हैं, तो अब इंस्टेंटली कवर्स की तरफ यहाँ पे जाना चाहेंगे। मैच में अगर हम बात करें तो देखिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल घड़ी यहाँ पे बनती नज़र आ रही है कुछ सोलो प्लेयर्स के लिए। डिफेंस बैक आपको उनका भी एक एलिमिनेशन देखने को मिल जाता है, तो आप एक और प्लेयर नॉक करें तो यहाँ पे शायद फिनिश कंफर्म करने की कोशिश में खुद एलिमिनेट ना हो जाए, उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन फाइनली देखिए जो किल स्टील करा जा सकता था उसको यहाँ पे मैच करा प्लेयर ने। एंड बर्ड मैंने यहाँ पे वोल्ड डायर्स को भी पिक करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो टीम DB के लिए भी एक एचवेटी अब यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रीस डाउन हो चुके हैं। टीम DB के लिए एक हैरी लास्ट रन स्टैंडिंग बचे हैं। सर्कल के बाहर जाने का क्या डिसीजन था आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे टीम ने एक अच्छा गेम बनाकर रखा हुआ है, तो इस फ्लो को आगे नहीं तोड़ना चाहेंगे एंड इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो MSC स्टिल इन दिस मैच, टीम DZ अभी भी इस मैच में बनी हुई है। एंड देखिए फ्रेगर जिस तरीके से खेले हैं इस मैच में कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाता है कि इस प्लेयर के अंदर क्या कुछ क्षमताएं हैं, क्या कुछ कैपेबिलिटीज है। एंड अगेन लगे पड़े यहाँ पे प्लेयर्स, क्योंकि MSC के स्क्वाड के पास अब एक सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उनको सर्कल के अंदर एंट्री किसी भी हाल से लेनी है। आपके पास अभी तक 4 प्लेयर है, दिस डजंट मीन कि आपके पास विनर चिकन डिनर की कन्फर्मेशन आ जाती है। अभी आपको एक बार फिर से सर्कल के अंदर पढ़ना पड़ेगा एंड उसके बाद जितनी भी क्लोज रेंज सिचुएशन होगी देन आपको उनके ऊपर एक अच्छी दावेदारी दिखानी पड़ेगी। देखिए हैरी कैलमेशन के साथ टीम DB भी इस मैच से बाहर चलती बनेगी। टीम नंबर 16 अभी भी इस मैच में अपने दो खिलाड़ियों के साथ टिकी हुई है। टीम नंबर 16 स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ अच्छी कोशिशें हमने उनकी तरफ से देखी थी, तो टोटल दो फिनिशेज है। टीम नंबर 19 अगेन यहाँ पे देखे तो मुझे लगता है एक काफ़ी फेस कर रही है। देखिए टीम MSC के प्लेयर सर्कल के अंदर एंट्री लेना चाहते जरूर थे, लेकिन यहाँ पे टीम अभी के लिए एक लास्ट प्लेयर पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एड पॉप इन करने का समय उनको शायद मिलेगा नहीं। यहाँ पे फ्रेगर अभी तक सर्वाइव करें, टोटल उनके पास 7 फर्स्ट एड्स हैं, ये 7 फर्स्ट एड्स उनके लिए हीलिंग के लिए इनफ है। एंड लेट्स होप कि यहाँ पे ये जो खिलाड़ी है आगे बढ़ पाए। DZ की प्लेयर्स की बात करेंगे टीम CID के, तो यहाँ पे देखिए बर्ड मैन एक लास्ट स्टैंडिंग बचे हैं, उनके पास भी 2 फर्स्ट एड्स हैं, तो शायद यहाँ पे काफ़ी सारे खिलाड़ी जो हैं
वो हिल बैटल से जाना पसंद करते जस्ट बिकॉज कि आप उनको मालूम है पोजीशन पॉइंट्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है। टीम एमएससी लास्ट मैन अगर कोई खिलाड़ी बचा है तो टीम एमएससी किंग गॉड है एंड क्या ये ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे। सो देखिए एक नेड किया गया है एंड आई डोंट थिंक ये रैंडमली नेड होगा, उन्होंने जो नेड किया वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के किया था। फाइनली यहाँ पे एक और खिलाड़ी का एलिमिनेशन हो जाता है, डीजल के यहाँ पे फ्रेगर का भी एलिमिनेशन हो जाता है, थंडर बनी भी यहाँ पे मैच से समेटते हुए नजर आ रहे। तो एक अच्छी वापसी टीम एमएससी के लिए, टीम नंबर 9 के लिए भी एंड टीम नंबर 19 के प्लेयर्स के लिए भी। तो टॉक्सिक देखिए उनके जस्ट पीछे जब तक पहुँचे जब तक यहाँ पे उन्होंने उनको भनक लगने नहीं दी, यहाँ पे एक बार इंस्टेंटली एक अच्छा एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे किंग हॉक को देखना चाहेंगे जो कि यहाँ पे पेड़ से पीक करने वाले खिलाड़ी के लिए रेडी है क्या, वो चीज़ यहाँ पे पता चलेगी। अब यहाँ पे फाइनली काफ़ी ज़्यादा डैमेज कनेक्ट कर दिया जाता है, एक और प्लेयर यहाँ पे पिक हो जाते हैं इंस्टेंटली। यहाँ पे स्पेशल जो है वो अपने स्प्रे के द्वारा एक और प्लेयर को पिक कर रहे हैं लेकिन स्टॉर्म की यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रही है एंड लास्ट प्लेयर जो थे उनका भी एलिमिनेशन हो जाता है। टीम एमएससी ने यहाँ पे थर्ड पोजीशन सिक्योर जरूर करी लेकिन देखिए आईटी का स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा करीब होके तीन खिलाड़ी सब पे भारी एंड आई थिंक यहाँ पे चार खिलाड़ी थे, चौथा खिलाड़ी भी है लेकिन उनका बिना नाम के खेलना अच्छा ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है। टॉक्सिक एंड घोस्ट जॉर्ज जो है दो दो फिनिशेस, एनएक्सजी यहाँ पे कहीं ना कहीं 13 फिनिशेस का एक बहुत ही अच्छा स्कोर एंड सचू लास्ट फिनिश भी आई गेस उन्होंने ही सिक्योर करा। थंडर यहाँ पे एक बार फिर से देखिए अच्छा परफॉर्मेंस, लास्ट मैच भी फोर्थ पोजीशन, इस मैच में भी फोर्थ। तो टॉप फाइव की यहाँ पे कंफर्मेशन आप बिल्कुल इस टीम से ले सकते हैं। S2K ने भी यहाँ पे एक अच्छा वापसी की है, 5 फिनिशेस। देखना चाहेंगे यहाँ पे बाकी स्क्वाड्स ने क्या करा, टीम गीक से मुझे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी सारी ज़्यादा थी लेकिन यहाँ पे टीम ने सिर्फ और सिर्फ 3 फिनिशेस, 10वें पोजीशन पे यहाँ पे एलिमिनेशन फेस करा। 1x का स्क्वाड भी देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी पहले एलिमिनेट होता हुआ नजर आ रहा है। सो गाइस ये थी इस मैच की कहानी, आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड। सारा तो मैच की बात करें तो सचू रहेंगे 7 फिनिशेस, 940 डैमेज एंड स्टॉर्म ओपी बेस्ट कंपेनियन 4 रिवाइव्स के लिए सचू रहेंगे फाइनल एलिमिनेशन। तो एक शायद ये 1v3 हमें देखने को मिला उनकी तरफ से। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए ब्रेक है, होप यू गाइस हैव एंजॉयड, बी राइट बैक एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक एंड सब, डोंट फॉरगेट टू शेयर द स्ट्रीम विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आप लोगों को हमारा कास्टिंग पसंद आता है जरूर से जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे इंस्टाग्राम का लिंक, आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए ब्रेक है, होप यू गाइस हैव एंजॉयड, बी राइट बैक।
ओके सो गाइस यहाँ पे बढ़ते हैं थर्ड मैच की तरफ। फर्स्ट दो मैचेस की कहानी तो हमने पहले ही देख ली कि यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं टीम्स की तरफ से एंड काफ़ी सारे यहाँ पे शिफ्ट्स हैं। अभी आप देखिए तो पहले आपने खेला कहीं ना कहीं मिरामार जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस मैप माना जाता है एंड उसके बाद आप एरेंगल पे आए तो थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक स्पीड से चलता है। यहाँ पे है शेडो, ये एक सबसे फास्ट सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव मैप माना जाता है। लेट्स सी यहाँ पे टीम्स किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है। हाय गोस्ट क्रिस, वेलकम टू द स्ट्रीम। सो ग्रैंड फाइनल्स का थर्ड मैच यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए फ्लाइट पाथ हमें देखने को मिल जाता है, सो लेकर चलना चाहेंगे फ्लाइट पाथ की तरफ। तो देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन से स्टार्ट होता नज़र आ रहा है एंड एंड ड्रॉप लोकेशन में देखने को मिलेगा सामी। तो इस दौरान काफ़ी सारी फाइट्स हमें देखने को मिल सकती हैं। अगर कोई टीम एक्सट्रीम राइट रीजन्स पर जाना चाहती है जैसे कि मोंगनाई है, कैंप ब्रावो है, लगावी, कैंपोंग डॉग्स, तो ये रीजन्स आई थिंक थोड़ा सा एक्सेसिबल कम होंगे। लेकिन ज़्यादातर टीम्स यहाँ पे कोशिश यही करेंगी कि अर्ली स्टेज पे फाइट्स को अवॉइड करा जाए एंड थोड़ा सा सेफ वे में खेला जाए, क्योंकि ग्रैंड फाइनल्स है, कोई भी छोटी गलती आपको एक बड़ी पेनल्टी का सामना करवा सकती है। लेकिन जाना चाहेंगे एक बार फिर से टीम गीक के पास में। देखिए टीम गीक का इस जगह पर आना मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है इस टीम को। कहीं ना कहीं यहाँ पे टीम गीक थोड़ा सा मुझे लगता है कि अंडर कॉन्फिडेंट हो गई है आफ्टर फर्स्ट मैच, क्योंकि उनको ऐसा सा लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करना ही है उनको एंड इस चक्कर में वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है पैनिक सिचुएशन पे है, थोड़ा यहाँ पे अंडर कॉन्फिडेंट होकर खेल रही टीम। देखिए फाइट्स बार बार अवॉइड करना कहीं ना कहीं वो आपको एक अलग ही यहाँ पे कहीं ना कहीं मानसिकता पे शिफ्ट कर देता है कि आप फाइट्स लेने के लिए रेडी नहीं है। तो उन चीज़ों के लिए शायद यहाँ पे टीम को एक बार फिर से सोच विचार करने की ज़रूरत रहेगी। बात करते हैं यहाँ पे वहाँ की स्क्वाड्स की भी। तो देखिए फ्लाइट पाथ जिस तरीके का था, काफ़ी सारे स्क्वाड्स ने यहाँ पे अग्रेसिव जो ड्रॉप लोकेशन सबसे ज़्यादा मानी जाती है, रोइंस देखिए, बोट कैंप देखिए, तो वो कंप्लीट तरीके से वैकेंट है। टीम U7 एक बार फिर से फाइट्स में इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, शुरू किया है उन्होंने कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की तरफ, तो एक अच्छी शुरुआत है। मतलब फिर यहाँ पे फिनिशर्स कन्फर्म करके आप किस तरीके से आगे बढ़ने वाले। टीम U7 लास्ट में शुरू किया था, काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया था। ब्रॉली एक और प्लेयर को यहाँ पे फिनिश करते हुए नजर आएंगे। सो इसी के साथ साथ टीम U7 अपना एक फर्स्ट फिनिश यहाँ पे इजीली सिक्योर कर ले जाती है। सो यहाँ पे बात करें कुछ और प्लेयर्स की भी, तो देखिए CID की भी प्लेयर्स यहाँ पे पिक होते हुए नजर आ रहे हैं एंड एक और खिलाड़ी यहाँ पे डाउन किए गए थे यूनाइटेड गर्ल्स, तो उनको भी यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया गया है। सो अभी हमारे पास कुछ प्लेयर्स की खबर आ चुकी है जो कि यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, काफ़ी सारे स्क्वाड्स और हैं जो कि यहाँ पे फाइट्स में इन्वॉल्व होने वाली है। लेकर चलना चाहेंगे टीम नंबर 8 गीक। सो इस टीम से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। TMK भी एक बार फिर से इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही है एंड इस बार फिर से अमन का नेम हमें एक बार देखने को मिल रहा है। आई डोंट थिंक यहाँ पे अभी इस स्टेज पे आप उतना ज़्यादा फाइट्स में इन्वॉल्व होइए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसी कैजुअलिटीज़ डील करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप फाइट्स ऑलरेडी लूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे प्लेयर्स को लूज़ करना ही सबसे बड़ी एक मुश्किल बनती है जब आप लास्ट में बढ़ते टुवर्ड्स दी एंड की सर्कल की हम जब बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको फाइट्स में इन नंबर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है एंड इन केस ऑफ थोड़ा सा और ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पे लिए मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, अगर फाइट्स अवॉइड करी जा सकती है तो क्यों ना उनको अवॉइड करा जाए। फ्यूरी एक लास्ट मैन बचे हैं एंड आई डोंट थिंक कि टीम नंबर 17 इनको ये चांस देने वाली है। शेनॉक है तो बिल्कुल यहाँ पे फाइट्स में बिजी होना भी पड़ेगा। ओके तो शायद यहाँ पे फ्यूरी वो ये क्या था सो शायद फ्यूरी ने यहाँ पे पहले ही अपने हथियार डाल दिए थे। देखिए उनके साथ ही साथ यहाँ पे उनकी टीम की भी एक एग्जिट हो जाती है, तो एक और स्क्वाड जिस मैच से बाहर हो जाएगी। देखिए अभी हमें काफ़ी सारी टीम्स जो हैं फाइट्स में बिजी होती हुई नजर आ रही है। शेनॉक में फर्स्ट फेज से लेके एंड तक हमें फाइट्स ही फाइट्स देखने को मिलती हैं, तो उस दौरान काफ़ी सारी टीम्स जो हैं वो ना चाहते हुए फाइट्स में उनको इन्वॉल्व होना पड़ जाता है। अभी हमने रिसेंटली टीम U7 को भी देखा था, तो देखिए सर्कल जिस तरीके का नज़र आ रहा है उस दौरान काफ़ी सारी फाइट्स हमें सदर्न वेस्टर्न पार्ट पर देखने को मिल सकती है। टीम नंबर 10 है टीम TXCD। फर्स्ट मैच एंड सेकंड मैच दोनों ही मैचेस की कहानी इस टीम के लिए अच्छी रही है, सो आई थिंक अभी के लिए यहाँ पे शायद एक बेहतर कोशिश इनकी तरफ से भी हम देखना चाहेंगे, क्योंकि TXCD का स्क्वाड एक बेहतर रिजल्ट बनाना जानता है, चाहे उनके पास नंबर्स हों चाहे ना हो, कंडीशंस उनके खेमे में हों चाहे ना हो, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे बनाना टीम जानती है जस्ट बिकॉज की IGL इनके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे ये गेम भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है इनके लिए। हाँ अतुल कहते हैं कि टीम DB जिंदा है क्या, लेकर चलते हैं टीम डी बी हाँ अभी तक जिंदा है टीम DB, तो उनके पास अभी कोई खास प्रॉब्लम्स अभी उनको फेस नहीं करनी पड़ रही है।
अभी वो आराम से स्टे करें, कोई ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज़ नहीं उनको देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अभी के लिए शेनॉक की कहानी है, तो जो हम इस चीज़ इस मैप में सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं वो है हील बैटल्स, एंड लास्ट सर्कल में हमें क्या वो देखने को मिलेगा। आई थिंक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला ये मैच, एंड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगी वो फाइट्स। तो यहाँ पे बात करते हैं टीम वर्सेस एक्स के भी प्लेयर्स की, तो देखिए यहाँ पे अभी के लिए पैराडाइज रिजॉर्ट काफ़ी ज़्यादा बिजी नज़र आ रहा है। टीम वर्सेस एक्स जो है वो फाइट्स में यहाँ पे कुछ दिलचस्पी दिखा ज़रूर रही है, लेकिन अपने किसी भी खिलाड़ी को नहीं खोना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी खिलाड़ी खोएंगे आप तो वही सेम सिचुएशन आ जाती है कि आप पहले ही एक खिलाड़ी की कमी के साथ किसी भी टीम के साथ भिड़ेंगे तो वहाँ पर आपको आपके हारने के चांसेस उतने ही बेहतर हो जाते। तो शायद उस चीज़ों को आपको जरूर से पहले से ही यहाँ पे रेडी रहना पड़ेगा, एंड यहाँ पे कुछ भी एलिमिनेशन ना लीजिए। किसी भी प्रकार का एलिमिनेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। टीम नंबर 9 अगेन देखिए इस टीम के लिए भी काफ़ी अच्छी कहानी थी, NXG ने काफ़ी एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखाया है। तो लास्ट मैच की अगर हम बात करें तो देखिए काफ़ी हद तक क्लोज पहुंची थी स्क्वाड, काफ़ी एक अच्छा गेम प्ले देखा गया इनके द्वारा, एंड वहाँ पे फिनिशेस काफ़ी अच्छे निकाले थे। सचिन ने 7 फिनिशेस निकाले थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा टीम DB को दिखाते रहिए बीच बीच में, नाइस। ये सही यार, आप लोग ना मतलब एक काम करो, मैं यहीं रख देता हूँ। हाय एग्रेस बॉय, वेलकम टू द स्ट्रीम, GG हियर। आय हाय, देखिए टीम थंडर की भी बात करेंगे, क्योंकि इस स्क्वाड की भी अगर हम बात करें तो देखिए एक अग्रेसिव गेम ज़रूर रहता है, लेकिन अभी तक वो रिजल्ट्स जो हमने इनसे पहले देखे वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो आई थिंक यहाँ पे टीम्स को जो है वो फाइट्स अवॉइड करनी पड़ेंगी, एंड यहाँ पे अभी सिनारियोज इनके अगेंस्ट जा भी सकते हैं क्योंकि आप सिर्फ 3 खिलाड़ियों के साथ आए हैं, एंड पैराडाइज आई डोंट थिंक यहाँ पे एक अकेले टीम के द्वारा होल्ड करना इतना कुछ आसान होगा। डिम्पल कहती है T4X प्लीज़, लेकर चलते हैं T4X के पास में। T4X ओके 22 ठीक है भाई, कैंप ब्रावो में ना ये प्लेयर्स। अभी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है इनके लिए भी, अभी आराम से ये लोग स्टे कर जाएंगे। हाय ईगल, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो ब्रदर। ओके सो फाइनली यहाँ पे टीम नंबर 9 इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो चुकी है फाइट्स में कहीं ना कहीं। यहाँ पे इस बारी जो उनके अपोनेंट है टीम गीक है, एंड लेट्स सी टीम गीक किस तरीके से यहाँ पे फाइट्स में दिलचस्पी दिखाती है। काफ़ी ज़्यादा क्लोज सिचुएशन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक नेड का कनेक्शन बना है, एंड इनके इस नेड से नॉक करा है तो कन्फर्मेशंस की यहाँ पे तलाश हो सकती है। टीम गीक के 2 प्लेयर्स डाउन है, एंड आई थिंक यहाँ पे ये अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है टीम नंबर 8 के लिए। बाकी 2 खिलाड़ी आगे की तरफ अपने कदम जारी रखेंगे। डिम्पल से T4X निक वो लीजिए आपके लिए दिखा दिया है। ओके TNS पनिशर, ओके फाइनली यहाँ पे कुछ और स्क्वाड्स भी हैं जो दिलचस्पी दिखाती हुई नजर आ रही है फाइट्स में, एंड यहाँ पे नॉक जरूर निकाला गया है। एजेंट ब्लैक जो है उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाता है। टीम नंबर 6 का एक और खिलाड़ी यहाँ पे राइट एंगल पे डाउन होता नजर आ रहा है, लेकिन बैक एंड से देखिए टीम 1X नज़र आ रही है, एंड जब वो यहाँ पे आएंगे तब कुछ और ही यहाँ पे सिचुएशंस बनेंगी। जस्ट बिकॉज कि आप देखिए उनके आने से यहाँ पे एक और कंटेंडर आ जाएगा, साथ ही साथ थंडर तो यहाँ पे पहले से वेट करे, टीम नंबर 6 भी यहाँ पे ऑलरेडी वेट कर ही रही है। टीम नंबर 24 ने यहाँ पे कुछ फिनिशर्स ज़रूर से निकालने की कोशिश करी है। टीम 1X को देखिए फर्स्ट मैच के बाद सेकेंड मैच में कोई बेहतर रिजल्ट नज़र नहीं आया, सो अब बाकी मैचेस जो हैं आपके पास आपको उतने में ही काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। एंड देखिए यहाँ पे सिनारियोज थोड़ा सा अलग बनते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा काफ़ी हद तक करीबी एक मामला हो सकता है। नेड्स स्पैम करने की कोशिश हो सकती है, सौरभ अभी प्रोन रहना चाहेंगे, वो अपना यहाँ पे ज़रा सा भी पिक्सल एक्सप्लोर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये एक रैंडम नेड उनको डाउन करता हुआ नजर आएगा, पनिशर का नेड। सब चीज़ आज एकदम ऑन पॉइंट जा रही है। टीम नंबर 24 यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ रही है, काफ़ी सारे मैचेस में हमने देखा है। टीम 1X यहाँ पे अपना एक खिलाड़ी खो देगी, लेकिन गोकू को यहाँ पे डाउन करा गया, फिनिश कन्फर्म करने की कोशिश है कातिल की तरफ से, लेकिन वो कामयाबी उनकी तरफ से नहीं निकल कर आई है। एटलीस्ट उन्होंने नॉक किया, फिनिश तो उनके खाते में आएगा, लेकिन लियोन ने यहाँ पे फाइनली वो फिनिश जो है कंफर्म किया। स्कल देखिए एक बेहतर फ्लैंक यहाँ पे क्रिएट करते नजर आया, लेकिन 1X कातिल भी यहाँ पे पिक हो जाते हैं पनिशर के द्वारा, एंड टीम नंबर 24 इस फाइट में डोमिनेट कर रही है। मुझे लगता है यहाँ पे टीम 1X अभी देखिए फिर से वही सेम सिचुएशंस
आपने फर्स्ट मैच सिर्फ बेहतर खेला, दिस डजंट मीन कि आप कुछ बेहतर कर पाएंगे, कुछ बेहतर यहाँ पे रिजल्ट्स बना पाएंगे। देखिए लियो को काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पे कनेक्ट करा गया है। एक देखिए प्री फायर जो है वो पहले राइट विंडो पे स्पैम किया जा रहा था, देन उसके बाद जैसे प्लेयर को लगा कि वो अब लेफ्ट वाले विंडो पे आएंगे, इंस्टेंटली वहाँ पे स्प्रे स्पैम किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे अब टीम 1x मुझे लगता है इस मैच से एग्जिट लेने वाली है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे अकेली उम्मीद बचे हैं। स्कल तो ज़्यादा समय के मेहमान नहीं रहते, शेनॉक में तो और भी ज़्यादा टफ सिचुएशन फेस करनी पड़ती है एज अ सोलो प्लेयर। यहाँ पे देखिए 10 मिनट का मैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे फर्स्ट एड्स की एक तलाश रहेगी एंड क्या पता हील बैटल्स यहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिले। वैसे शेनॉक में ज़्यादातर पसंद भी किया जाता है प्लेयर्स जो है वॉच टाइम और वॉट आए है, तो क्या चाहते हो ना दें। फाइनली T4X भी हमें फाइट्स में आती हुई नज़र आ रही है, तो शायद T4X जो है वो कहीं ना कहीं फाइट्स वो भी लूज़ कर रही है। सो आई थिंक यहाँ पे डिम्पल आपकी दोनों ही टीम्स जो हैं वो पिछड़ती हुई नज़र आ रही हैं। थंडर को देखो, थंडर को हाँ लेकर चलते हैं थंडर के पास भी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए टीम नॉट 22 का सिचुएशन मुझे लगता है थोड़ा सा हाथ से निकल चुका है। आप ऑलरेडी ये फाइट लूज़ कर रहे हैं। टीम U7 के प्लेयर्स देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे बेहतर एक एंगल जाता है, ये देखिए कितना बेहतर एक कनेक्शन बनाया, निक का स्प्रे अचूक है वेजिता। आई डोंट थिंक यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे एक गोली और एंड इसके साथ टीम नॉट 21 जो है वो एक पहली कैजुअलिटी यहाँ पे डील करती हुई नजर आ रही है। गला सूख गया यार मेरा, इतनी घनी दोपहर में कास्टिंग कर रहा हूँ यहाँ। हाय एलपीडो, वेलकम टू द स्ट्रीम। थंडर के पास लेकर चलते हैं, थंडर के पास लेकर चलने से पहले यहाँ पे रेज को भी देख लेते हैं, क्योंकि रेज ने भी यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा फासले पे एक नॉक निकाला है। एंड जब तक आपका CMP है तो मुझे लगता है थोड़ा सा काम आसान होता है, जस्ट बिकॉज की क्लोज कॉम्बैट्स में आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर बेनिफिट मिलता है। देखिए यहाँ पे निक के द्वारा नेड कुक किया जा रहा है एंड आई डोंट थिंक कि ये नेड इतना कुछ खास बेहतर कनेक्शन बना पाएगा, लेकिन गोकू भी थोड़ा सा करीब था, अगर यहाँ पे बाउंस करके थोड़ा सा और आगे जाता तो शायद बेहतर चीज़ बनती। देखिए राइट एंगल पे स्प्रे आना चालू हो चुका है, प्रोन शॉट यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं निक, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो अलग की तरफ से देखने को मिल पाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे टीम T4X नेक उनकी भी यहाँ पे एक एग्जिट एंड आई थिंक यहाँ पे एक और स्क्वाड इस मैच से बाहर चलता बनाएगा। काफ़ी ज़्यादा एक बेहतर एफर्ट था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे क्लोजिंग करने की ज़रूरत थी। आप यहाँ से फाइट से डिसेंगेज करके निकल भी सकते थे, क्योंकि जिस पोजीशन पे आप हैं आप चाहे तो निचले भाग की तरफ थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके आते, देन उसके बाद सर्कल के अंदर एंट्री ले सकते थे, लेकिन शायद प्लेयर्स ने कुछ और ही चूज़ करा एंड उसकी वजह से एक और एग्जिट हमें देखने को मिल जाती है टीम की। सो टीम नॉट 23 अगेन ब्लैक का जो स्क्वाड है देखिए एक बार फिर से ट्रबल में नजर आ रहा है। एंड अगर देखिए तो लास्ट एक प्लेयर बचे हैं निक, ओके कितने सारे निक हैं एंड ये नेट देखिए कितना परफेक्ट ट्रैजेक्टरी के साथ आता है, कितना परफेक्ट टाइमिंग के साथ आता है एंड एक और स्क्वाड इस मैच से अलविदा कहती हुई नजर आ रही है। तो यही है शेनॉक की कहानी, T4X बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आय हाय क्या कह रहे हो शेडो, योर डिम्पल सेज की माय बोथ टीम आर ऑसम। डिम्पल गुस्सा है, डिम्पल कहती हैं कि ये लोग होल्ड करके नहीं खेलते। डिम्पल अब आप ही समझाएं इन्हें कि इनको होल्ड करके खेलना चाहिए। सो आप लीजिए चपेट में और समझाइए इनको। ये तो सही है यार, आइए मैच की तरफ आगे बढ़ते। यहाँ पे अभी हमारे पास 18 स्क्वाड्स हैं, 58 खिलाड़ी अभी भी इस मैच में मौजूद है। टोटल अभी यहाँ पर अगर बात करी जाए तो देखिए कुछ टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने एक एक खिलाड़ियों के भरोसे यहाँ पे काफ़ी हद तक मैच छोड़ दिया है। देखिए वो जो सोलोज एंड डुओज है उनकी एक बार बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक ही सोलो है 1x की जो स्कल है वो अभी यहाँ पे सोलो सर्वाइव कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर टीम नॉट 25 की तरफ से भी दो प्लेयर्स है, टीम नॉट 24 भी दो प्लेयर्स के साथ है, टीम U7 भी दो खिलाड़ी, जहाँ पर T4X के साथ उनका फाइट्स में इन्वॉल्व होना उनको महंगा पड़ा। एंड लेट्स सी अभी आगे इस मैच में हमें और क्या देखने को मिलता है। टीम नॉट 13 TMK एक शायद उस फाइट में इन्वॉल्व हुई जहाँ पे शायद उनके प्लेयर्स रेडी नहीं थे, देखिए उस वजह से उनको एक अर्ली एग्जिट देखने को मिलती है। टीम गीक इस मैच में अभी भी सर्वाइव कर रही है, डार्लिंग एंड जो गॉड क्यू है वो इस मैच में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। सो देखते कितना अच्छा एक गेम यहाँ पे रहेगा। देखिए PSC हेड्स का एक स्प्रे जाता है, जिन्होंने लास्ट मैच में कहीं ना कहीं एक बेहतर रिजल्ट बनाया था, थर्ड पोजीशन तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, यहाँ पे शायद इस पोजीशन का कोई अनुमान नहीं था क्रॉनटेल को। देखिए इंस्टेंटली यहाँ पे ट्रेड निकल कर जाता है, संचित जो है वो यहाँ पे नॉक एंड फिनिश कंफर्म करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे टीम MSC के लिए भी एक प्लेयर डाउन पड़े, बैक एंड से एक और स्क्वाड आ रहा है, तो इंस्टेंटली यहाँ पे कवर की तरफ जाना जरूरी रहेगा फॉर टीम PSC। एंड NXG हॉक भी यहाँ पे पिक हो जाते, DZ फ्रेगर NXG स्नाइपर का भी यहाँ पे एक एलिमिनेशन करते। सो क्या NXG इस मैच से बाहर हो चुकी है? आई डोंट थिंक यहाँ पे अभी इतना जल्दी कुछ काम होगा, लेकिन अगर प्लेयर ने किया है तो मुझे लगता है शायद टीम को फाइट्स में थोड़ा सा लेट से आना चाहिए। ओके सो DZ फ्रैगर ने अपना काम कर दिया, भाई खत्म है यहाँ तो खेल खत्म हो चुका है। बैक हैंड से टीम नंबर 10 भी आ चुकी है, तो टीम PSC आई थिंक अभी एक सैनिक सिचुएशन में स्टक हो रखी है, लेकिन ना आप आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। डुओ कोई ना कर लेंगे वो, लेट्स सी देखते हैं। अब आपने बोला है तो करना तो पड़ेगा ही उनको, फिर वरना उनको भी डांट सुननी पड़ेगी आपसे। थंडर को देखो, वाह शैडो देखो कितना सही दिमाग लगाया, क्या था थंडर को देखो उसके बाद बहुत सारे इमोजी स्पैम कर दिए। ठीक है लेकर चलते हैं थंडर के पास में, ऐसा नहीं है ब्रदर कमेंट्स हम देख रहे हैं, थोड़ा सा समझा करिए यार। अब हर फाइट को कवर करने की कोशिश रहती है, अब समझते हैं आपका अपनी टीम के लिए बेसब्री से इंतजार करना। देखिए TXED ने यहाँ पे एक रश किया है, लेकिन सर्कल के आप अभी भी बाहरी छोर पे बने हुए हैं, सो यहाँ पे अभी के लिए एक सिचुएशन आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, क्योंकि MAC यहाँ पे बनी हुई है, शायद इस चीज़ की इंफॉर्मेशन TXED के पास नहीं है। ड्रोन व्यू के द्वारा दिखाते, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट एंगल से टीम CID भी आ रही है एंड उनके पास एक अच्छा हायर ग्राउंड रहेगा, देन वो इजिली पिक कर सकते टीम और 10 के प्लेयर्स को। लेकिन टीम MAC एंड टीम PSC, देखिए यहाँ पे इन टीम्स को वेट करना पड़ेगा। सो 10, 11 और 12 की जो स्क्वाड्स है, देखिए शायद ये पहले से क्या सूझबूझ के साथ था, पहले से प्लेयर्स को यहाँ पे शायद मालूम था कि यहाँ पे कौन कौन सा स्क्वाड है। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर यहाँ पे स्प्रेज निकल कर आते हैं टीम नंबर 17 की तरफ से भी, तो यहाँ पे एक और स्क्वाड आ चुकी है। SPXC ऑफिशियल राजा मान, वेलकम टू द स्ट्रीम एंड हाय मार्कस, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो ब्रदर। देखिए यहाँ पे डेविल अभी पिक कर लिए जाते हैं फ्रैगर के द्वारा। CID की मैं देखिए इसी चीज़ की बात कर रहा था, क्योंकि वो बैक कैंड से आए हैं एंड उनका स्प्रे यहाँ पे बिल्कुल चुकेगा नहीं, एंड फाइनली यहाँ पे नॉक करा है तो इंस्टेंटली कोशिश होगी। TXED जो कि यहाँ पे थर्ड पार्टी करने आए थे, अब उनके ऊपर ही यहाँ पे काफ़ी बड़ी एक गाज गिर चुकी है। यहाँ पे देखिए एक साथ दो प्लेयर्स आपके फिनिश हो चुके, अब यहाँ पे स्पिनो एंड यहाँ पे जो विशियस हैं आगे इस मैच को कंटिन्यू करते हुए बताएंगे, बट आई डोंट थिंक इतना आसान हो कुछ होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्क्वाड्स हैं जो आपका वेट कर रही हैं, वो चाहते हैं यहाँ पे आप बाहर तो निकले एंड उसके बाद आपको पिक करा जाएगा। MSC देखिए PSC के प्लेयर्स के साथ यहाँ पे इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रही, लेकिन स्पिनो ने यहाँ पे देखा फिनिश परफॉर्म किया, स्टील किया गया है एक फिनिश, PSC का स्क्वाड यहाँ पे शायद एक बार फिर से एलिमिनेट होता नजर आया, क्योंकि MSC संचित के पास था वो MK का छोटा सा एक ब्लास्टर एंड एक क्विक 1v3। टीम PSC इस मैच से बाहर हो जाएगी एंड संचित वो तीनों ही फिनिशर्स अपने खाते में लेते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी टू एडवांस फॉर 4K सब्सक्राइबर्स आए हैं, थैंक यू सो मच शेडो, वैसे हो जाएंगे इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, एंड आप लोग के सपोर्ट के आगे ये सब्सक्राइबर्स कुछ नहीं है यार, आप लोग ज़रूर से बस ऐसे सपोर्ट करते रहे एंड पलिशरी स्पोर्ट्स के लिए आपका जो प्यार है वही सारे इवेंट्स लाने में हमें हेल्प करता है, एंड इसी वजह से ये सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से लाती है, एंड आई थिंक आप सभी लोग को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो मेक श्योर आप ऐसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, एंड दिल से शुक्रिया आप सभी PSC फैमिली मेंबर्स का।
ठीक है सर, यहाँ पे अभी के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की तरफ हमें श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है। देन अगेन जो टीम्स अभी एजेस के अराउंड है या जो सर्कल के बाहर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइट्स में हमें दिलचस्पी देखने को मिलेगी। टीम नंबर 70 देखिए यहाँ पे हील बैटल के लिए NTO अमन अभी से रेडी होते हुए नजर आएंगे, बट क्या यहाँ पे इतनी फर्स्ट एड्स में इनफ होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे आप फोर्थ सर्कल में एंड सर्कल यहाँ पे थोड़ा लेट से श्रिंक होगा एंड डैमेज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे TXD के प्लेयर्स की भी हम बात करें तो देखिए एक लास्ट उम्मीद ज़रूर से बचे स्पिनो, लेकिन क्या स्पिनो आगे मैच कंटिन्यू कर पाएंगे? आई थिंक उनकी ये स्ट्रेटजी है ही नहीं, उनको यहाँ पे हील बैटल के लिए रुकना है, लेकिन चार फर्स्ट एड्स एंड इतना बेहतर रिजल्ट आई डोंट थिंक यहाँ पे आप इस तरीके से जा पाएंगे। आई लेकर चलते टीम लीग के प्लेयर्स के पास में, देखिए जिस पोजीशन पे ये खिलाड़ी है मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी टीम उनको सबसे प्रॉब्लम्स नहीं करवा सकती है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम्स उनको फेस नहीं करनी पड़ेगी। U7 के एक और खिलाड़ी जो है वो इस मैच से बाहर हो जाते हैं एंड अभी हमारे पास सिर्फ 15 कंटेंडर्स बचे हैं उस वेना चिकन के। यहाँ पे एक और खिलाड़ी रिवाइव के लिए पहुँच रहे हैं, एवेल यहाँ पे रिवाइव की कोशिश पूरी करने की ट्राई करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे खास ख्याल ये रखना है कि आसपास के सराउंडिंग से आने वाली टीम्स के लिए आप रेडी रहें। ये स्मोक करा जरूर गया है लेकिन यहाँ पे अगर रैंडमली स्प्रेस आते देन आपके बचने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। थंडर के प्लेयर्स यहाँ पे देखिए पिक होते हुए नजर आए, सो टीम थंडर अब फाइट्स में इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। मैं थंडर के पास एक बार लेकर जरूर चल रहा हूँ क्योंकि वो प्लेयर जो व्यूअर हैं उन्होंने काफ़ी देर पहले से बोला हुआ था, तो यहाँ पे अभी तक हमने नहीं देखा था लेकिन अब फाइनली यहाँ पे देखना पड़ेगा। गैरोडा के हाथ में एक नीड है एंड लेट्स सी क्या ये नीड कनेक्शन बना पाता है। देखिए टीम नंबर 6 के भी एक अकेले जो प्लेयर थे कार्नेज उनका एलिमिनेशन हो जाता है, TXD स्पेनो उनका भी यहाँ पे एलिमिनेशन है। देखिए फाइटर यहाँ पे डाउन करे गए हैं, फिनिश करने की कोशिश होगी। थंडर का स्क्वाड यहाँ पे एक लास्ट मैन स्टैंडिंग गरुड़ा के भरोसे टिका हुआ है, काफी ज्यादा डैमेज उनको कनेक्ट करा गया है, कवर पे जरूर है लेकिन क्या यहाँ पे गैरोडा अपना फिनिश कंफर्म कर पाएंगे? देखिए यहाँ पे मॉली करी गई है एंड मॉली कनेक्शन भी बनाती है, सो गैरोडा इंस्टेंटली हील करिए अदरवाइज आपका एग्जिट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। काफ़ी कम HP के मेहमान बचे थे, इंस्टेंटली फर्स्ट एड पॉप इन कर ले जाते हैं, 10 फर्स्ट एड्स अभी हैं, तो शायद हील बैटल के लिए आप यहाँ पे पसंद करना चाहेंगे। तो क्या यहाँ पे अगले सर्कल तक वो पहुँच भी पाएंगे एंड इनकेस अगर पहुँच गए तो शायद 10 फर्स्ट उतनी ज़्यादा इनफ ना हो कि आप 7th या 8th सर्कल तक हील कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ थ्रोबल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, NTO के कल ही भी यहाँ पे डाउन होते हैं लेकिन अमन अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं एंड उनके पास हैं वो जो फर्स्ट एड्स का हमने नंबर देखा था 22 फर्स्ट एड्स है टोटल। यहाँ पे 1x के भी प्लेयर को एक बार देखना चाहूँगा क्योंकि स्कल अभी भी सर्वाइव करें एंड सोलो मैन स्टैंडिंग काफ़ी देर से यहाँ पे बचे, मैकविन जॉर्ड यहाँ पे पिक होते हुए नजर आ रहे हैं एंड R4X यूनिक जो है वो उनका एलिमिनेशन करते हैं। NTO कली यहाँ पे वो भी एलिमिनेट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पे फिनिश हो जाते। अभी हमारा मैच 22 मिनट के लिए बढ़ चुका है, फिफ्थ सर्कल हमें देखने को मिल रहा है, छठा सर्कल अभी लगेगा। EZ के स्टार के यहाँ पे देखिए पिक हो रहे हैं, CID फ्रैगर उनको भी यहाँ पे प्ले जोन के चलते डाउन होना पड़ जाता है, तो काफ़ी स्क्वाड जो है वो दिक्कतों का सामना कर रही है। देखना चाहेंगे ये अकेला खिलाड़ी क्या करने वाला है क्योंकि 10 फर्स्ट एड्स हैं ज़रूर। टीम MSC भी सर्कल के अंदर आने के मामले में तो कहीं ना कहीं कामयाब रही ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे आप आगे मैच बढ़ा पाएंगे या नहीं वो चीज़ नहीं मालूम, क्योंकि यहाँ पे आपने अपना एक खिलाड़ी खो दिया है। टीम MSC ऑलरेडी काफ़ी बड़ा एक स्ट्रगल करके आई है, टीम DB के साथ यहाँ पे फाइट्स में इन्वॉल्व होती नजर आ रही है। टीम नंबर 24 है, टीम नंबर 24 देखिए यहाँ पे कैजुअलिटी हुई है, वो भी अभी के लिए डाउन पड़े। बाकी खिलाड़ी यहाँ पे क्या करने वाले क्योंकि 1x की भी प्लेयर हमें सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं, 1x अभी भी इस मैच में बने हुए जस्ट बिकॉज की 1x यहाँ पे स्कल मौजूद है एंड इस खिलाड़ी के होते हुए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे टीम को इतना जल्दी एग्जिट करने की कोई खास ज़रूरत है। टोटल हमारे पास 20 प्लेयर्स हैं, 12 टीम्स हैं एंड देखिए 12 टीम्स हैं तो थोड़ा एक बेहतर चांस बन सकता है। यहाँ पे अभी के लिए एक अच्छा सिचुएशन टीम नंबर 7 जो है वो इन्जॉय करने वाली है क्योंकि एक अच्छा हाई ग्राउंड था आपके पास एंड ऑलरेडी इस टीम ने टोटल 14 फिनिशेस कंफर्म कर लिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा नंबर्स हैं अगर आप शेनॉक में बात करें अभी तक के स्टेज की, तो जितने भी फाइट्स में आपने एंगेजमेंट शो करी है वहाँ पे आपको किसी भी तरीके की कोई कैजुअलिटी फेस नहीं करनी पड़ती। फाइनली आपके एक प्लेयर जो है वो यहाँ पे फिनिश होते हुए नजर आ रहे हैं, पोजाइडन को भी यहाँ पे पिक कर लिया जाएगा। सो लास्ट एक मैन स्टैंडिंग बचे हैं अवेल एंड लेट्स सी वो यहाँ पे क्या सर्कल के अंदर एंट्री ले भी पाएंगे। जैसा कि मुझे नजर आ रहा है इतना आसान नहीं होगा लेकिन फिर भी अपना सफर इसी तरीके से जारी रखना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से आप बुलेट्स डॉज करी जा रही है, एक गोली के और मेहमान है एंड फाइनली वो अभी ने कनेक्शन बनाया एंड टीम
नंबर सेवन इस मैच से बाहर चलती बनेगी। तो ना अब हमारे पास 9 स्क्वाड्स बची हैं, प्लेयर्स से बिना नाम का इंसान भी यहाँ पे समेटता हुआ नजर आ रहा है, कुछ और प्लेयर्स भी हैं यहाँ पे टीम 4 ईसी फ्री जो है वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। सो वी आर लेट्स सी इस कंटेंडेशन में सबसे ज़्यादा आगे निकल कर कौन आने रहा है। टीम डीसी की तरफ से आज खान आए हैं, तो ये खान का वापसी करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इस टीम के लिए, एक बेहतर रिजल्ट यहाँ पे बनाते हैं। अक्सर हमने देखा है ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो वो देखने को मिल जाती है इस प्लेयर के द्वारा। मॉली की गई थी, पनिशर देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज फेस कर रहे हैं। सो आई थिंक यहाँ पे खान का इस तरीके से क्लोजिंग करना वो एक आसान सिचुएशन बन सकता है। इस पनिशर को देखिए काफ़ी ज़्यादा डैमेज करने करा, इंस्टेंटली यहाँ पे नॉक करके वापस कवर में आ जाएंगे। खान को अब हील करना पड़ेगा, एंड देखिए बैक एंड से जो कवर फायर आया वो यहाँ पे एलिमिनेशन कन्फर्म करता है। सो टीम MAC एंड SE वो इस मैच से बाहर करेंगी। देखिए 1X कातिल कल जो थे वो अभी तक इस मैच में बने हुए थे, फाइनली उनका एलिमिनेशन, लेकिन जस्ट बिकॉज की वो प्लेयर की जगह टीम जो है कहीं ना कहीं 1X ने फर्स्ट मैच अच्छा परफॉर्म किया, सेकंड मैच उतनी बेहतर कुछ कोशिश हमें नजर नहीं आई, लेकिन थर्ड मैच आपने एक बार फिर से फिफ्थ फिनिश किया। सो अभी के लिए आप एक बेहतर पोजिशन पर हो सकते हैं। देखिए सर्कल के बाहर सारे प्लेयर्स अभी हील कर रहे हैं, देखिए हंटर भी उनमें से एक है, 15 फर्स्ट एड्स हैं टोटल। टीम CID के भी यहाँ पे एक प्लेयर हील करते हुए नजर आ रहे हैं, टोटल 6 फर्स्ट एड्स हैं इनके पास। सो बर्डमैन यहाँ पे शायद पहले एलिमिनेट होंगे, एंड एक खिलाड़ी काफ़ी देर पहले ही इस काम पे लग चुके थे NTO अमन, आई डोंट थिंक कि वो इस मैच में ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ 4 फर्स्ट एड्स इनफ नहीं होंगी आपको आगे लेकर जाने के लिए, सो मुझे लगता है यहाँ पे आपको भी एग्जिट लेनी पड़ सकती है, एंड लेट्स सी कि आगे गेम किस तरीके से बढ़ेगा। सो एक विनर विनर चिकन डिनर टीम DC लेकर जाती है अपने खेमे में, एंड देखिए कोई हील बैटल की ज़रूरत नहीं है, तो टीम ने एक अच्छा गेम यहाँ पे पहले ही बनाकर रख लिया था, एंड ये सारे प्लेयर जो है सर्कल के बाहर वो इस हीट को मिस करते हुए नजर आएंगे। सो देखिए NTO अमन का यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है, एंड अब बारी होगी हंटर की क्योंकि इनके पास सिर्फ 7 हैं। ओके CID बर्डमैन का यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है, सो सेकंड पोजीशन सिक्योर करने में कामयाब रही फाइनली यहाँ पे ALC का स्क्वाड टीम नंबर 25, लेकिन विनर विनर चिकन डिनर टीम DC लेकर जाती है। देखिए विक्ट्री इन स्टाइल, ये चीज़ कहीं ना कहीं टीम DC बेहतर जानती है, एंड विक्ट्री लेकर जाएगी इस मैच से भी। तो ये एक अच्छा गेम टीम DC के लिए, 4 फिनिशर के साथ एक विनर विनर चिकन डिनर, एंड ALC हंटर यहाँ पर स्क्वाड करा देखिए, लेकिन ALC हंटर स्प्रे स्पैम करते हैं, एक और प्लेयर को पिक करा, एंड विनर विनर चिकन डिनर सिक्योर करने में कामयाब रही टीम DC, लेकिन ALC हंटर आई थिंक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन उनको भी मिलना चाहिए, टीम बैटल के वजह से यहाँ पे सेकंड पोजीशन तक आए हैं। टीम CID भी यहाँ पे थर्ड पोजीशन, 3 फिनिशेस के साथ में, टीम DC 4 फिनिशेस एंड एक अच्छा चिकन डिनर। सो यहाँ पे गाइस ये थी इस मैच की कहानी, आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड, काफ़ी सारे प्लेयर्स ने हील बैटल करके पोजीशन सिक्योर करी, बट आई थिंक जो स्टार्टिंग फेज पे हमने फाइट्स विटनेस करी थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा टीम नंबर 7 ने हमें परेशान किया। देखिए पोजाइडन 7 फिनिशेस टोटल, यूनिक यहाँ पे 5 फिनिशेस, एवेल एंड SAG एक एक फिनिश के साथ में रहेंगे। थंडर ने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक एफर्ट लगाया था, बट रिजल्ट्स उतने ज़्यादा बेहतर नहीं बने। गीक एक बार फिर से मैं वही चीज़ बोला था स्टार्टिंग में, बोला था अंडर कॉन्फिडेंट हो गई वो स्क्वाड, एंड उतना बेहतर परफॉर्म अब नहीं कर पा रही है। स्टार ऑफ द मैच की बात करेंगे तो देखिए पोजाइडन हमें देखने को मिल जाते हैं, 7 फिनिशेज, 1104 का डैमेज है। NTO अमन बेस्ट कंपेनियन, 2 रिवाइज एंड 3 असिस्ट के लिए। सो गाइस ये थी इस मैच की कहानी, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए ब्रेक है, होप यू गाइस हैव एंजॉयड, बी राइट बैक, आते हैं फटाफट।
की। I just
Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how.
No point in blaming you, you did not know. Oh. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. How you crossed by the stormy seas? Oh, you meant the world to me. इस बार ही हमारे पास होगी मिरामार की कहानी. सो लास्ट मैच हम सभी ने देखा शेनॉक था, एंड फर्स्ट मैच मिरामार था, सेकंड मैच इरेंगल, एंड देन उसके बाद शेनॉक. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैप चेंज होते हैं तो साथ साथ टीम्स को भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर एक कोशिश करनी पड़ती है. सो यहाँ पे देखना चाहेंगे इस बार ही मिरामार में क्या कुछ कोशिशें होंगी टीम्स की तरफ से. आप देखिए एम ई सी के प्लेयर एक बार फिर से बिजी नजर आ रहे हैं. एम ई सी ने लास्ट मैच काफ़ी बेहतर एक कोशिश करी थी. आप देखिए ए एन सी गोकू के ऊपर यहाँ पे क्लोज इन होता हुआ नजर आ रहा है. प्लेयर्स ऑलरेडी स्पैम हो चुके हैं. म्यूजिक ऐप करो, ऑफ करो. हाँ कर तो दिया, कर तो दिया. यहाँ पे प्लेयर्स आए एंड यहाँ पे एक प्लेयर को डाउन करा है. इंस्टेंटली नॉक एंड फिनिश करके यहाँ पे एक कैजुअलिटी दे दी अपने अपोनेंट स्क्वाड को. लेकिन देखिए यहाँ पे उनको भी पिक कर लिया जाता तो एन सी गोकू यहाँ पे फिनिश हुए. इसके साथ साथ यहाँ पे टीम नंबर 3 भी एक कैजुअलिटी के साथ, लेकिन टीम 24 वो भी एक कैजुअलिटी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी. सो आप देखेंगे बाकी प्लेयर्स की. अगर हम पिकाडो की रीजन की बात करें तो देखिए यहाँ पे अभी भी कुछ स्क्वाड्स नज़र आ रही हैं. टीम नंबर 25 आई थिंक अभी के लिए इन्वॉल्व होना उनको महंगा पड़ सकता है. लेकिन अगर हम डाउन द रेंज बात करें तो देखिए लेवी काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम में है. देखिए इनके आए थे, देखिए यहाँ पर उतना कुछ खास लूट उनको मिला नहीं. लेकिन टीम नंबर 6 वर्सेस टीम नंबर 25 काफ़ी मुश्किल हो सकता है दोनों ही स्क्वाड्स के लिए. यहाँ पर देखिए 94 का शॉट कनेक्शन क्या बनेगा. ओके मिस किया. देखिए रॉस को भी यहाँ पे पिक कर लिया जाता है. सो इसके साथ एक और कैजुअलिटी, एक और खिलाड़ी इस मैच से बाहर चलता बनेगा. टीम नंबर 6 का भी एक खिलाड़ी यहाँ पे सिमटा है, लेकिन टीम नंबर 25 का यहाँ पे एक खिलाड़ी उनका भी सिमटा. तो यहाँ पे बराबर हो चुकी बात. बात मत करना अनुज भैया, पूरा फेल दिया भाई. अरे 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 देखिए टीम यूनाइटेड के प्लेयर्स ने यहाँ पे एक अच्छी कोशिश दिखाई, एक अच्छी कमिटमेंट शो करी. वो फाइट्स में यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहते थे क्योंकि उनको मालूम है उनके बाकी मैचेस इतने बेहतर नहीं गए. तो यहाँ पे एक बेहतर चांस बनाना पड़ेगा. एंड टीम नंबर 6 यहाँ पे देखिए फॉल बैक करना चाहती है. सो अभी हम बात करें सर्कल की तो देखिए सदर्न एजेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है. एंड इस दौरान काफ़ी मुश्किलें यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती हैं. कवर यहाँ पे छोड़ के निकलने की कोशिश थी, लेकिन देखिए कार्नेज को यहाँ पे पिक कर लिया जाता है. सो एल सी हंटर यहाँ पे गलमिश करते. सो लास्ट मैच हमने देखा जिस तरीके से शेनॉक में यहाँ पे टीम ने एक बेहतर कोशिश की एंड एक और बढ़िया गेम यहाँ पे बनाते हुए नज़र आ रहे हैं अपने लिए.
सो यहाँ पे अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर टिक पाएगी टीम नंबर सिक्स। एंड लास्ट प्लेयर बचे हैं स्नाइपर एक्स, क्लोज इन भी उनके ऊपर होने वाला है। सो एक 1v4 का सिचुएशन अभी हम विटनेस करने वाले हैं। एंड टीम नंबर 25 जो कि लास्ट मैच सेकंड पोजीशन एंड इस मैच में फेस करनी पड़ सकती है, यहाँ पे इंस्टेंटली फिनिश। एंड एक और यहाँ पे टीम को फेस करनी पड़ी, इंस्टेंटली जंप करके आए हंटर एंड उनका भी यहाँ पे एक सामना हुआ एंड उसके साथ यहाँ पे एक और टीम इस मैच से बाहर चलती बनेगी। सो सौरभ कहते हैं कास्टर भाई ओपीआई है, थैंक यू सो मच। लेकिन उसके बाद ही अपनी एक डिमांड रख दी उन्होंने, यहाँ पे डेमोन ने स्पॉट करा था बट शॉट्स उन्होंने ट्राई नहीं करे। यहाँ पे दो क्विक शॉट्स काम आसान कर देंगे। देखिए यहाँ पे फ्रेगर का नहीं कर सकते, फिनिश करने को मिल जाती है, यहाँ पे नॉक करा गया है, फिर स्टील करा जाएगा क्या? ओके एक बुलेट और एंड फाइनली यहाँ पे फिनिश स्टील कर लिया डेमोन ने। सो ये एक अच्छा काम रहा एंड देखिए जाते जाते एक और फिनिश कन्फर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकर चलना चाहेंगे यहाँ पे फ्रेगर के पास में भी। देखिए फिनिश फील्ड पे इनका नेम देखने को मिला लेकिन इंस्टेंटली देखिए ट्रेड में यहाँ पे नॉक किया जाता है उनको भी। तो टीम नंबर 5 ने यहाँ पे एमएससी के एक प्लेयर को जरूर से यहाँ पे नॉक एंड फिनिश किया लेकिन इंस्टेंटली ट्रेड में किंग गॉड जो है वो पिक करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद यहाँ पे दोनों ही टीम्स के लिए फाइट जो है वो महंगी पड़ सकती है। अभी के लिए आप सर्कल के अंदर जरूर हैं लेकिन आप अगर ऐसे ही तरीके से आगे बढ़ते रहे तो आपको ऐसे ही प्लेयर्स खोने भी पड़ सकते हैं। टीम 1x की भी हम बात करेंगे देखिए, क्योंकि मिरामार इस टीम का स्ट्रॉन्गेस्ट, नो डाउट इस मैच में एक बेहतर वापसी की हम गुंजाइश रख सकते हैं। लेकर चलना चाहेंगे टीम नंबर 25 के पास भी, अभी रिसेंटली देखिए अभी उन्होंने एक टीम से फाइट्स में यहाँ पे इन्वॉल्व होकर अपने एक खिलाड़ी को खोया था लेकिन एक बार फिर से आप एक और खिलाड़ी खोते हुए नजर आ रहे हैं। तो शायद ये जो चीज़ें हैं आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लेट सर्कल में एंट्री लेना चाहते हैं तो वहाँ आपके पास एक नंबर होने चाहिए जो कि आपको बेहतर हेल्प करें आगे बढ़ने के लिए। 1x के कातिल यहाँ पे पिक होते हुए नजर आ रहे हैं। सो इसी के साथ साथ यहाँ पे एक और कैजुअलिटी हो सकती है टीम 1x को, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं चाहते होंगे। यहाँ पे टीम गीक के प्लेयर्स की हम ज़रूर से तारीफ करेंगे, क्योंकि देखिए टीम गीक वो स्क्वाड है जिन्होंने फर्स्ट मैच मिरामार में चिकन डिनर लिया था। इरेंगल उतनी बेहतर कहानी नहीं रही लेकिन शेनॉक थोड़ा सा एक बेहतर स्टार्ट मिला था लेकिन उतना बेहतर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं टीम को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है। टीम गीक के प्लेयर्स देखिए यहाँ पे क्लोजिंग करने के एक सिचुएशन में नजर आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं। नीड यहाँ पे आया लेकिन सौरभ आई थिंक उन्होंने थोड़ा सा ओवर कुक किया नीड एंड एक और यहाँ पे कुछ नीड आई गेस यहाँ पे स्पैम किया लेकिन डेक्सटर ने वो कनेक्शन नहीं बना पाएगा। तो 1x कल अभी के लिए यहाँ पे नजर आने वाले हैं, लेकिन लास्ट मैच इस टीम की भी बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा गेम उनकी तरफ से देखने को मिला। इनवाइटेड भी है कोई डोमिनेटर ना, इनवाइटेड तो कोई स्क्वाड नहीं है। थंडर कहाँ है? थंडर के पास लेकर चलेंगे। हारे आमिर फरहान वेलकम टू द स्ट्रीम, स्लॉट 7 ब्रो दिखाओ। लेकर चलते हैं स्लॉट 7 पे फिलहाल के लिए। यहाँ पे टीम नंबर 8 टीम नंबर 20 उनकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सर्कल के बाहर दोनों ही स्क्वाड्स हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ थ्रिबल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गीक किसी भी तरीके की कोई कैचुअलिटी नहीं चाहती, दैट्स वाई वो यहाँ पे हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं। जैसे कि मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद कल की पोजीशन मालूम है ड्रिल को, इस दैट्स वाई वो यहाँ पे बाहर निकलने नहीं चाहते। फाइनली यहाँ पे डार्लिंग का एक स्प्रे आता है, वो यहाँ पे पिक करते नजर आया स्कल को। इंस्टेंटली यहाँ पे देखिए सौरभ को पता चला कि एक खिलाड़ी उनके भी पिछले छोर पे, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे खास ख्याल रखा कि इंस्टेंटली कवर की तरफ वो मूव कर गए। अब यहाँ पे एक बहुत ही टफ सिचुएशन है सौरभ के लिए, वो फुट्स नहीं देना चाहते लेकिन क्या टीम इस चीज़ के लिए रेडी है। यहाँ पे अब एक बार शॉट की गलती करी लेकिन एक खिलाड़ी क्लोजिंग करने आए जरूर थे, इंस्टेंटली उनको नॉक करा जाता है, इंस्टेंटली फिनिश कर दिया जाएगा लेकिन सौरभ को भी यहाँ पे ट्रेड में पिक कर लिया जाता है। सो टीम 8 एक खिलाड़ी खोती है लेकिन दो खिलाड़ियों का यहाँ पे एलिमिनेशन भी कर दिया जाता है। सो टीम 1x के लिए अभी बाकी दो प्लेयर्स जो हैं टाइटन एंड कातिल, तो इन दोनों खिलाड़ियों को देखना चाहेंगे कि किस तरीके से आगे इस मैच को कंटिन्यू करने वाले। थोड़ा सा आपको मुश्किलों का ज़्यादा सामना करना पड़ा क्योंकि आपने फाइट्स में यहाँ पे एक कहीं ना कहीं मुझे लगा थोड़ा सा स्लो पेस वाला जो स्टाइल है वो पिक करा, थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया आपने अपने अपोनेंट्स को स्टेबल होने दिया। उन्होंने जब रोटेट किया देखिए डार्लिंग का वो जो छोटा सा फ्लैंक है उसने इस काम को और भी ज़्यादा आसान किया। फाइनली बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी यहाँ पे क्लोज इन हो रहा है एंड अब एक और टीम यहाँ से हमें एग्जिट लेती हुई नज़र आ सकती है। गी के प्लेयर्स देखिए कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे रोटेट करके आ चुके हैं, हालांकि ये कैजुअलिटी ज़रूर से हुई है लेकिन अभी भी आपके पास नंबर्स की बढ़त है तो शायद वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा एक बेहतर रिजल्ट यहाँ पे देती हुई नज़र आएगी। जैसे सर्कल स्विंग होगा देन देखें कि आगे क्या कुछ फाइट्स होंगी। भाई स्लॉट 14 को दिखाओ, लेकर चलते हैं स्लॉट 14 टीम के दिखाओ, लेकर चलते हैं स्लॉट 7। ओके सभी स्लॉट्स पे लेकर चलते हैं, ठीक है यार एक साथ सभी स्लॉट्स पे लेकर चलते हैं। टीम 7 ओके, सो 4 SQD यहाँ पे ओके, टीम 4 स्पॉट जो है वो हमें देखने को मिले। एनएक्सजी स्नाइपर देखिए टीम डीबी के साथ इन्वॉल्व होती नजर आई, सो टीम 15 भी हमें फिनिश रेट पे देखने को मिल जाती है।
देवी घोष यहाँ पे डाउन जरूर से किए गए हैं, तो रिवाइवल की एक गुंजाइश रहेगी। स्लॉट सेवन अभी जस्ट हमने देखा स्लॉट सेवन को, टीएमके को दिखाओ, लेकर चलते टीएमके के पास में भी। देखिए यहाँ पे डार्लिंग का एक नेट जाता है, वो यहाँ पे पिक करता हुआ नजर आ रहा है एक और खिलाड़ी को। अब यहाँ पे एक लास्ट उम्मीद बचे हैं 1x कातिल, एंड उनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा टीम गीक के द्वारा। सो एक टफ कंटेंडर जो थे टीम गीक के लिए, उनका ही यहाँ पे एलिमिनेशन टीम गीक के द्वारा किया जा रहा है। सो दोनों ही टीम पहले भी भिड़ चुकी है मिरामार के मैच में। बाजू के पचलों से एक प्लेयर को डाउन, दो प्लेयर को डाउन, इंस्टेंटली नॉक एंड फिनिश की कोशिश। तीसरे प्लेयर के लिए यहाँ पे जाना चाहिए था, लेकिन फिनिश कंफर्म करने के चक्कर में यहाँ पे एग्जिट लेती हुई नजर आएगी टीम 1x, एंड टीम 1x की एक बार फिर से घर वापसी होती हुई नजर आ रही है। सो टीम नंबर 8 अभी भी इस मैच में बनी रहेगी, लेकिन अब सर्कल के अंदर एंट्री लेने का चैलेंज रहेगा, क्योंकि आपको 4 किलोमीटर का सफर तय करना है एंड आपके पास समय काफ़ी कम है। 1.5 मिनट का समय आपको मिला जरूर है, लेकिन इतना समय शायद इनफ के साथ इन्वॉल्व होता नजर आ रहा है। एंड वो 1v2 काफ़ी ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि देखिए हेडशॉट कनेक्शन कितने बेहतर बनाए प्लेयर ने। टीम एम एस सी देखिए यहाँ पे टफ सिचुएशन में नजर आ रही है, यहाँ पे एक एक करके प्लेयर को टारगेट किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पे किंग गॉड ने पहले कनेक्ट कर दिया था, मालूम है यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं टिकेंगे। मैंने अभी रिलोड पे लगी थी, तो यहाँ पे देखिए बुलेट्स बार बार मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड उनको मालूम है यहाँ पे फिनिश कन्फर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे खाली हाथ जाने से अच्छा है कि एटलीस्ट 1-2 पॉइंट्स लेकर जाएं अपने साथ में। देखिए एक गोली का मेहमान बच्चे जरूर से आए, देखिए वो फाइनल शॉट कनेक्शन भी हमें देखने को मिल जाता है। सो एम एस सी स्टार जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दूर पे हैं, काफ़ी एक हद तक अलग ही पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं, एंड ये चीज़ बेहतर भी है, क्योंकि अगर वो यहाँ वहाँ पे रहते तो इनका भी एलिमिनेशन होता है, एंड ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे उनको एक एग्जिट लेनी पड़ सकती थी। सो इस टीम के लिए भी एक बेहतर रिजल्ट बनता हुआ नज़र आएगा। टीम S2K के प्लेयर्स यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं। सो नो डाउट टीम S2K जिस तरीके से फाइट्स में इन्वॉल्व होती है, एक अग्रेसिव स्टाइल रहता है वो, जो कहीं ना कहीं अपने एरिया के कब्जे की बात होती है वो हमें देखने को मिलती है, एंड एक अच्छा हीरोइक एंट्री यहाँ पे हमेशा एक ना खिलाड़ी की तरफ से हमें देखने को मिलती है। फ्रेगर यहाँ पे जरूर से रहे, आकाश का भी यहाँ पे कवर फायर रहा, एंड बुलर भी यहाँ पे जैसे सपोर्टिव रोल उनकी तरफ से देखने को मिला। सो एक अच्छा गेम यहाँ पे देखने को मिला है। सौरभ भाई कहते हैं सबसे टफ वर्क कास्टर भाई का है, 1 करोड़ लाइक तो बनता है। आए है, है, है। एक ही तो दिल है सौरभ भाई, कितने बार जीतोगे। टीएमके दिखाओ, टीएमके के पास लेकर चलते हैं। टीएमके कौन सा स्लॉट पे यार, टीएमके है कहाँ पे भाई, मैंने टीएमके मिस कर दिया। ओके टीएमके टीम नंबर 13, सॉरी, फाइनली हमें देखने को मिल जाती है टीम भी। तो देखिए यहाँ पे PSE का स्क्वाड भी हमें इन्वॉल्व होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉन्टन को पिक करा गया, काफ़ी ज़्यादा ओपन में जाने की यहाँ पे गुस्ताखी करी, एंड उस दौरान यहाँ पे उनको डाउन करने में कामयाब रहे। टॉप एंड से यहाँ पे स्प्रेज आ रहे हैं, लेकिन कुछ शॉट्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हेड्स देखिए उनको यहाँ पे कवर की तलाश रहेगी। बात करें तो देखिए यहाँ पे अभी इनका पिक होना, मतलब टीम PSE नो डाउट यहाँ पे एक बार फिर से फाइट्स लूज कर रही है, एंड टीम PSE अभी तक वो बेहतर रिजल्ट्स नहीं बना पाई है जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो फाइनली यहाँ पे मयंक पहुँच चुके रिवाइवल्स के लिए, एंड देखिए यहाँ पे ये रिवाइव होते ही काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो मेक श्योर गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं करा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, एंड साथ ही साथ स्ट्रीम को शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। मोस्ट डेंजरस टीम कौन है, आई थिंक यहाँ पे अभी यार ऐसा तो एक स्क्वाड नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारी स्क्वाड्स हैं जो कि काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। एंड देखिए अभी यहाँ पे परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, काफ़ी सारे स्क्वाड्स हैं जो यहाँ पे एक बेहतर रिजल्ट बनाने के लिए अभी भी फाइट कर रही हैं।
यहाँ पे टीम डीबी देखिए एक चेंज के साथ आई है, एटीबी मार्क का समय देखने को मिल रहा है, ये एक बेहतर नेड हो सकता है प्रीत के द्वारा। देखिए मयंक को जैसे ही पता चला कि उनके ऊपर नेड आया, इंस्टेंटली उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी, हेड्स ने यहाँ पे नॉक निकाला, इंस्टेंटली यहाँ पे फिनिश किया हैरी को। एंड अब बाकी खिलाड़ियों के ऊपर जिम्मेदारी आती है, हेड्स यहाँ पे एक और प्लेयर को पिक कर रहे हैं, तो शायद हेड्स वो प्लेयर हो सकते हैं जो यहाँ पे क्लच कर सकते हैं। ओके सो हम ऑलरेडी 1v3 विटनेस कर चुके हैं हेड्स की तरफ से, टीम नंबर 15 शायद पीएससी हेड्स के ही यहाँ पे हाथों सिमटने वाली है। एंड क्या हमें एक 1v4 देखने को मिलेगा, लेट्स सी। यहाँ पे पीएससी हेड्स अपने फिनिशर्स कंट्रोल करने के बाद क्या कुछ कोशिश करेंगे, देखिए उनके द्वारा कुछ और शॉट्स ट्राई हो रहे हैं, एक लास्ट मैन बचे हैं जो प्रीत, उनके लिए भी यहाँ पे एक 1v1 सिचुएशन है, लेकिन हेड्स के हाथ में एक नेड हमें देखने को मिल रहा है। एंड अगर नेड कनेक्शन बनाता है तो यहाँ पे प्रीत का एलिमिनेशन होगा, लेकिन उससे पहले मयंक यहाँ पे एलिमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ दो खिलाड़ी टीम नंबर 15 पर भारी, एंड एक एग्जिट हमें टीम नंबर 15 की भी देखने को मिल जाती है। सो नो डाउट यहाँ पे एक बेहतर रिजल्ट के एफर्ट जरूर से थी, बट यहाँ पे टीम बाहर जाती हुई नजर आ रही है। तो देखिए टीम पीएससी ने जिस तरीके से फाइट को डोमिनेट करा, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे पीएससी हेड्स मौजूद थे, डाउन द रेंज थे, एक उनके पास बेहतर वेपन था क्लोज कॉम्बैट के लिए, एंड अपने आप को ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ था। सो यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं जब इतनी क्लोज सिचुएशंस में भी प्लेयर्स इतना कूल काम माइंड के साथ खेलते हैं, तो वहाँ पे एक बेहतर रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस हम हमेशा हर बारी रख सकते हैं। लेकर चलना चाहेंगे टीम एलसी के पास में, जो कि ऑलरेडी टीम नंबर 22 के साथ यहाँ पे एक इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाते हुए नजर आ। देखिए ये नेट बेहतर कनेक्शन बना सकता है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पे कनेक्ट हुआ, लेकिन शायद इतना ज़्यादा नहीं कि यहाँ पे प्लेयर जो है वो पिक होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एलसी के भी प्लेयर्स की हम तारीफ करेंगे, इस टीम को काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ फेस करनी पड़ी थी, बट अभी भी टीम इस मैच में बनी हुई है, एंड वही जो गेम फ्लो है वो जारी रखा जा रहा है। मेक श्योर गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं करा स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, स्ट्रीम को शेयर नहीं करा तो शेयर कर दीजिएगा, एंड आई होप आपको हमारा कास्टिंग पसंद आएगा। T4X के पास जल्द से जल्द लेकर चलना चाहेंगे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं इसको एक मिनट थोड़ा स्ट्रीम को थोड़ा सही करने की ज़रूरत है। देखिए टीम नंबर 25 वर्सेस टीम नंबर 22, तो ये जो फाइट है 3v2 का सिचुएशन है, एक कंपाउंड का सिर्फ फासला है बीच में, एंड फाइनली यहाँ पे एक नेड कुक किया जा रहा है, तो क्या ये नेड कनेक्शन बना पाएगा। हंटर को जैसे ही पता चला कि उनके ऊपर नेड आ रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे से छोड़ दी है, एंड अभी के लिए एक बार फिर से वही सेम नंबर्स के साथ रहने वाली को, तो कोई आपको ओपनिंग नहीं मिली है। सो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे कनेक्शन बना पाते पर्सी के ऊपर, अभी एक बड़ी जिम्मेदारी थी पर्सी को, यहाँ पे जैसे मालूम पड़ा कि एक प्लेयर यहाँ पे क्लोजिंग करने जा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे अपना एंगल क्रिएट किया है, एक खिलाड़ी का यहाँ पे नॉक करते ही सीधा एलिमिनेशन कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। टीम नंबर 22 जिनके पास प्लेयर ज़्यादा है वो देखिए यहाँ पे फाइट अभी लूज करते हुए नजर आए थे, लेकिन निक ने काम आसान किया, एक प्लेयर को उन्होंने पिक किया, इंस्टेंटली यहाँ पे फिनिश कर दिया था। सो टीम नंबर 25 एलिमिनेशन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुँच चुकी है, बैकेंड से भी प्लेयर्स आए हैं, हेलमेट आपका ऑलरेडी यहाँ पे उड़ चुका है, सो अब आप एक लास्ट मैन स्टैंडिंग बचे हैं हंटर, एंड लेट्स सी आप आगे यहाँ से बढ़ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि टीम T4X जो है वो मुझे नहीं लगता यहाँ पे रुकने वाली है। गेमिंग स्टार प्रो बोलते हैं टीम 7, लेकर चलते हैं टीम 7 के पास पे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट ब्रदर, आप तो एकदम से आते ही सीधा एकदम स्पैम ही स्पैम। भाई अब तक नहीं बोला, फर्स्ट बार बोल रहा हूँ, TXCD को दिखा दो, लेकर चलते हैं TXCD के पास भी। हाँ ठीक, यहाँ पे अभी टीम नंबर 22 इस फाइट को इजीली डोमिनेट कर रही है, इस सिचुएशन पे कैपिटलाइज करना ज़्यादा कुछ खास मुश्किल नहीं है, लेकिन देखिए ये मौली कनेक्शन अगर बनाती है तो शायद काम और ज़्यादा आसान हो जाए। हंटर के लिए अभी ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा, वो यहाँ पे चाहे तो नीचे आए या तो ऊपर ही वेट करें, ये इस मौली का कनेक्शन बने। तो यहाँ पे देखिए हंटर ने नॉक करा, एंड शायद यहाँ पे फिनिश कंफर्म करने की जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हंटर एक और प्लेयर को पिक कर ले जाते हैं, एक साथ दो खिलाड़ियों को आप डाउन कर चुके हैं, एक एक कर कर खिलाड़ी को टारगेट की जा रहा है। सो नाउ लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर टीम नंबर 22 इज निक राइट नाउ, एंड लेट्स सी वो क्या यहाँ पे क्लोज इन करेंगे। हंटर के ऊपर क्लोज इन अब तक तो हो जाना चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने देखिए हील पॉप इन कर लिए, अब वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, एंड क्लोज कॉम्बैट से पिक नहीं जाने वाले, लेकिन निक ऐसा चांस देंगे नहीं, वेट किया जा रहा था, TPP लेना चाहते थे हंटर, लेकिन उनकी यहाँ पे एक एग्जिट, लेकिन बहुत ही प्यारा एक एफर्ट हमने अभी विटनेस करा, एंड आई डोंट थिंक इन्हें कि यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। T4X ने कभी यहाँ पे एक एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। सो टीम नंबर 25 काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट होंगे कि वो जाते जाते इतना एक बड़ा कारनामा कर गए, एंड एक और टीम को यहाँ से एग्जिट का रुख कराते हुए नजर आए। तो गाइस यहाँ पे ये जो मैच है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता हुआ नजर आ रहा है, सारी ही टीम्स को सदर्न रीजन्स की तरफ आना पड़ा है। अगर हम सर्कल की बात करें तो देखिए सबसे अंदर ज़्यादातर स्क्वाड्स ऑलरेडी पहुँच चुकी है, लेकिन
लेकिन राइट रीजन्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स हैं। लेकिन यहाँ पे फाइनली कुछ ना कुछ फाइट जो है टीम नंबर 10 की तरफ से भी देखने को मिल रही है। ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेयर दिख रही है। लास्ट एक प्लेयर बचे हैं जिनके पास वो M249 का जो एक कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है। सो देखिए क्लोज कॉम्बैट में ये वेपन कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव माना जाता है, कुछ ज़्यादा ही बेहतर माना जाता है, जस्ट बिकॉज की 150 बुलेट्स आपको स्पॉट करा। अभी काफ़ी ज़्यादा आपने समय दे दिया विशियस है। देखिए अब तो कोई भी खिलाड़ी आपका एलिमिनेशन कर ही जाएगा। सो TXCD विशियस एक काफ़ी क्लोज एफर्ट था ज़रूर, बट मुझे लगा शायद वो कर सकते थे यहाँ पे, कुछ एक आधे नॉक्स निकाल भी देते तो शायद एक चांस बन सकता था। बट CID देखिए एक भी खिलाड़ी नहीं खोया एंड पूरी TXCD का जो स्क्वाड है वो इस मैच से बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे राइट रीजन्स की तरफ लेकर चलेंगे जहाँ पे गीक ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही है। तो गीक आई थिंक यहाँ पे मिरामार को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है। जब मिरामार की बात आ रही है तो देखिए गीक ने काफ़ी बेहतर फाइट फिनिश करा था 1X के साथ में, जो कि हमने ऑलरेडी नॉर्दर्न रीजन्स की तरफ देखा था। तो उसके बाद यहाँ पे अभी तक सिर्फ ये डुओ बचे हुए हैं एंड काफ़ी अच्छा गेम यहाँ पे अभी भी जा रही है। तो टोटल इस टीम के पास 8 फिनिशेज हैं। सो नो डाउट मिरामार इस टीम का स्ट्रॉन्ग है एंड बाकी मैप्स में भी क्या उतनी बेहतर कोशिशें कर पाएंगे तो वो चीज़ देखने वाली बात रहेगी। टीम नंबर 19 आई थिंक यहाँ पे उनकी भी एक एग्जिट हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि टीम नंबर 4 जो DC का स्क्वाड है उनके साथ यहाँ पे आपका पाला पड़ा। टीम DC देखिए शेनॉक में एक अच्छा चिकन डिनर लिया था उन्होंने, ज़्यादा फिनिशेज नहीं थे बट फिर भी एक अच्छा यहाँ पे गेम उनके तरफ से देखने को मिला। टीम नंबर 7 ग्रीन चिली, अरे यार ऐसे मत करो यार प्लीज़। अभी देखिए अभी हमने जस्ट रिसेंटली देखा तो टीम नंबर 7 को एक बार फिर से लेकर चलेंगे थोड़ी देर बाद। अभी थोड़ा सा वेट करिए यार, ऐसा थोड़ी होता है कि आप एकदम से कहें और झटपट हम आपके उस टीम के पास पहुँच जाएँ। तो मेक श्योर गाइज वी आर सो क्लोज टू हिट अवर 70 लाइक्स टुडे एंड फटाफट से लाइक कर दीजिए एंड साथ ही साथ यहाँ पे सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि ये मैचेस हैं आपके, ये मोमेंट्स हैं आप सभी लोगों के एंड ये मोमेंट्स को ज़रूर से आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो आज सब्सक्राइबर्स टारगेट जो है 3.95 का वो कंप्लीट करते हैं एंड वेरी सून हम 4K फैमिली के एक हकदार हो जाएंगे। सो आपकी वो जो फैमिली धीरे बड़ी हो जा रही है, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है लेकिन बड़ा परिवार भी सुखी रह सकता है अगर अच्छे लोग हैं तो। देखिए टीम नंबर 7 जो है टीम नंबर 4 जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइट्स में इन्वॉल्व होना चाहती है। देखिए अभी आए हैं जरूर से क्लोजिंग करने के लिए। टीम नंबर 4 DC का स्क्वाड दो कैजुअलिटीज के साथ है, खान एंड ओजी जो है वो इस मैच से ऑलरेडी एग्जिट ले चुके हैं, लेकिन अभी स्वे एंड अभी बचे हुए तो शायद ये मैच और ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पे जा सकता है। देखिए यहाँ पे अभी को इंस्टेंटली पता चला कि 2 प्लेयर्स हैं वहाँ पे, तो एक बेहतर छोटा सा बर्स्ट हमें देखने को मिलता है ना। ये बेहतर एक स्प्रे था, काफ़ी कम बुलेट्स में यहाँ पे उन्होंने एक बेहतर कनेक्शन बनाया एंड एक प्लेयर को डाउन करते हुए नजर आए। तो यहाँ पे अभी इतने सारे स्मोक्स अगर आप अभी इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है शायद आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती है थोड़े से जब लेट फाइट में जाएंगे। ब्रो मैं अभी आया सर और पता चला अपनी टीम खेल रही है, सो रिक्वेस्ट किया, इट्स ओके मैं ज़रूर से लेकर चलूँगा उनके पास में, गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे देखिए अभी को पिक कर लिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा आप ओपन स्पेस में है एंड ऐसे सिचुएशंस में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। आई थिंक यहाँ पे स्वे के लिए अभी एक बड़ा चैलेंज है, क्या वो रिवाइवल के लिए जाना पसंद भी करेंगे। अगर आप देखें तो जिस पोजीशन पे ये है उनको यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा है टीम नंबर 9 के प्लेयर्स की तरफ से। सो टीम नंबर 9 एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पे बनाने के लिए फिर से ज़रूर से एक जुझारूपन दिखाएगी, क्योंकि देखिए सेकंड मैच में इरेंगल की हम बात करें तो वहाँ पे इस टीम का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। इस बार उनकी तरफ से MG3 नज़र आ रही है जो कि ऑलरेडी अपने आप में काफ़ी एक अच्छी गन है, जो क्लोज कॉम्बैट में मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस वेपन का कोई तोड़ नहीं है। एंड LMG है तो नो डाउट एक मशीन गन हमेशा वो जो इफेक्ट है क्लोज कॉम्बैट वाला वो लेकर आती है अपने साथ। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 8 कंटेंडर्स एंड लेट्स सी इस मैच में कौन चिकन डिनर लेकर जाएगा। यहाँ पे गीक का अभी तक सर्वाइवल मेरे को लगता है नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गीक जिस तरीके से आ रही थी सर्कल के अंदर वहाँ पे एजेस के अराउंड काफ़ी सारी टीम्स हैं, जो शायद गीक एलिमिनेट हो चुकी है। ओके हाँ गीक एलिमिनेट हो चुकी है, वो शायद स्लॉट नंबर 2 पे थे मुझे याद, सॉरी स्लॉट नंबर 8 पे थे, ठीक है फाइनली मुझे ये चीज़ याद आई। मैं लेकर जाना चाहूँगा आपको स्लॉट नंबर 7 की स्क्वाड के पास, क्योंकि इस स्क्वाड ने
अभी तक ज़्यादा कुछ फाइट्स में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जस्ट बिकॉज कि उनको ये लगता है कि लेट सर्कल में एंट्री लेना फाइट्स में वो ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी, एंड आई थिंक वो एक अच्छा डिसीजन भी है। आईजल के यहाँ पे जरूर से दाद देंगे कि शायद अभी तक इस तरीके से प्लेयर्स को सर्वाइव करके रखा हुआ है, ये कोई आसान काम नहीं है। अभी तक आप अपने चारों प्लेयर्स के साथ टिके हुए हैं, तो ये रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा हद तक काफ़ी क्लोज सिचुएशंस में आप देखिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आईजीएल काफ़ी बेहतर तरीके से वर्क कर रहे हैं, एंड यहाँ पे अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे स्प्रे स्पैम करके शायद स्मोकी ने अपना पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, लेकिन इस दौरान बाकी टीममेट्स जो हैं वो क्लोज सर्कल के अंदर एंट्री ले जाएंगे। मीनवाइल हम थंडर के भी प्लेयर्स की जरूर से तारीफ करेंगे। देखिए थंडर बनी अभी तक इस मैच में टिके हुए, एंड यहाँ पे पूरी की पूरी टीम थंडर अभी तक सर्वाइव कर रही है, अभी तक वो बेहतर रिजल्ट्स निकल कर नहीं आए। लेकिन यहाँ पे ये आपका फोर्थ मैच है, इसके बाद एक लास्ट मैच बनेगा एंड वो डू और डाई सिचुएशन होगा, तो शायद यहाँ से आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, देन आप नेक्स्ट मैच में शायद और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट बना पाए। फाइनली यहाँ पे स्पॉट कर जाता है जोकर के द्वारा, तो यहाँ पे देखिए एक प्लेयर को नॉक कराए, इसलिए यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश हो सकती है। राइट एंगल से कुछ शॉट्स आ जरूर रहे, लेकिन उतना बेहतर यहाँ पे कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। लोटस में यहाँ पे स्मोक करा जाएगा, थंडर बन यहाँ पे पिक हो जाता है, इसलिए नॉक एंड फिनिश कर दिया जाता है, तो यहाँ पे स्मोकी वो फिनिश कन्फर्म करने में कामयाब रहे। टीम ऑफ सेवेंटीन के प्लेयर्स मुझे नहीं लगता सर्कल के अंदर एंट्री ले पाएंगे, रियल और फेक इस प्लेयर के नाम के साथ देखिए कहीं ना कहीं हमने लास्ट मैच में जो एक काफ़ी क्लोज सिचुएशन देखी थी वो काफ़ी अच्छा था। टीएमके के भी प्लेयर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं क्या? ओके टीएमके अभी भी सर्वाइव कर रही है, आई रियली डोंट थिंक यहाँ पे टीएमके अभी तक है। टीम U7 फाइनली ये स्क्वाड हमें लेट सकता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा काम हो रहा है, कुछ स्क्वाड हैं जो काफ़ी बेहतर यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं। यहाँ पे फाइनली एनटीओ स्नो है जो वो एक बार यहाँ पे फिर से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अभी अगर हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस यही है कि जो कहीं ना कहीं सीआईडी है वो यहाँ पे जीत सकती है। टीम थंडर के पास भी अभी तक नंबर्स है, लेकिन पेटू का एलिमिनेशन भी यहाँ पे कर दिया जाता है, तो टीम नंबर 7 अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे हेलमेट की तलाश होनी चाहिए जरूर से गैरोडा के लिए। एनटीओ का यहाँ पे नेट जाता है, एंड टीम U7 के देखिए कहीं ना कहीं तीन धुरंधर यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। लास्ट एक मैन स्टैंडिंग बचे ब्रॉली, एंड वो यहाँ पे शायद व्हीकल रैनओवर का एक ट्राई जरूर करेंगे। देखिए व्हीकल रैनओवर के द्वारा नॉक करा, एंड ऑफ भी कर दिया जाएगा। ये प्लेयर देखिए कितना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। आप देखें अगर उनके पास आर्मर की बात करें इस बार तो आर्मर की कमी ज़रूर से रहने वाली है, क्योंकि क्लोज कॉम्बैट्स में काफ़ी ज़्यादा एक हद तक सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा सकती है अगर आपके पास इस तरीके से आर्मर्स है। टीम नंबर 7 अभी देखिए दो प्लेयर्स आपने खो दिए, आप अभी तक चारों प्लेयर्स के साथ आए थे, लेकिन इस मामले में टीम CID मुझे काफ़ी ज़्यादा आगे लग रही है। सिर्फ एक फ्रेगर का एलिमिनेशन उनकी तरफ से हुआ है, अदरवाइज कोई भी खिलाड़ी अभी इस मैच से उनकी तरफ से एग्जिट नहीं ले पाया। तो तीन खिलाड़ियों के साथ है, लेकिन यहाँ पे चांसेस अच्छे हैं चिकन डिनर के, तो यहाँ पे प्रोबेबली यहाँ पे ये टीम चिकन डिनर लेकर जाए। एंड टीम नंबर 17 एक और प्लेयर खोती हुई नजर आएगी, क्योंकि स्मोकी ने पैक करा है एक और खिलाड़ी को। रियल फेक यहाँ पे डाउन हो जाएंगे, अमन एक लास्ट मैन स्टैंडिंग बचे हैं। एंड टीम नंबर 16 के लिए ये खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। यहाँ पे शायद पहले एलिमिनेशन इस खिलाड़ी का ही होना चाहिए। देखिए रियल फेक उनकी जो एग्जिट है वो कन्फर्म हो जाती है। टीम U7 स्टिल इन दिस मैच, एंड यहाँ पे इस टीम के पास भी 6 फिनिशेज हैं। अभी देखिए यहाँ पे जैसे ही एंट्री ली थी ब्रॉली ने तो इंस्टेंटली उन्होंने सबसे पहले लूट क्रेट पर ध्यान दिया, क्योंकि उनको हेलमेट एंड आर्मर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। देखिए यहाँ पे फाइनली जोकर निकल कर आते हैं, जोकर ब्रॉली का एलिमिनेशन करेंगे। सो टीम नंबर 7 अभी भी चार्ज में ही है। देखिए यहाँ पे स्मोकी वेट कर रहे थे, आने दीजिए, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे इंस्टेंटली फिनिश कंफर्म करने की भी कोशिश होगी। वो चाहते हैं यहाँ पे अब जो खिलाड़ी हैं वो वापस ना जा पाएँ, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे देखिए खिलाड़ी पहुँचने की कोशिश करें, शायद यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं स्मोकी अपना फिनिश कंफर्म करने का, बट आई डोंट नो वो शॉट्स क्यों नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए टीम CID जिनके पास अभी भी नंबर्स थे वो यहाँ पे शायद लूज कर रहे हैं। एंड देखिए यहाँ पे थंडर दे दिया, वो पिक कर ले जाता है। गरुड़ा यहाँ पे अपने फोर्ट्स नहीं देने वाले हैं एनटीओ ना अमन के लिए, एक 1v1 सिचुएशन हो सकता है। एंड इस प्लेयर ने अपनी टीम को लास्ट मैच में शैनॉक में भी कहीं ना कहीं एक बेहतर पोजिशन तक पहुँचाया था, सो अगेन वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। सो एक प्लेयर कितना कंसिस्टेंट हो सकता है आई रियली डोंट नो यहाँ पे क्या किया जा रहा है इन प्लेयर्स के द्वारा, बट अगेन वही कंसिस्टेंसी, वही सेम फ्लो, वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। वही कुछ खिलाड़ी हैं जो बार बार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे देते जा रहे हैं, शायद अपने टीममेट्स की तरफ से उतना ज़्यादा बेहतर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इनको। आप देखिए CID की दया जो है वो यहाँ पे कुछ होते नजर आ रहे हैं। तो CID का स्क्वाड मुझे लगता है एलिमिनेशन के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच चुका है। बर्डमैन एक लास्ट प्लेयर है, देखिए यहाँ पे स्मोक्स करे जा रहे ताकि डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे क्रिएट करी जा सके, लेकिन मुझे नहीं लगता है इतना कुछ काम आसान होगा। आधे घंटे का मैच ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है, एंड
लेट्स सी आगे ये मैच कैसे बढ़ने वाला है। सो देखिए यहाँ पे टीन और सेवन के प्लेयर्स अब एक सर्च ऑपरेशन में यहाँ पे जुड़ जाते हैं एंड फाइनली ये कह सकते हैं कि विनर विनर चिकन डिनर परफॉर्मेंस इस टीम की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। ना ही सिर्फ इस टीम ने अपने प्लेयर्स को जिंदा रखा है, देखिए यहाँ पे सिर्फ डुओ डोमिनेशन जारी है काफ़ी देर से। चार फिनिशर्स स्मोकी ने सिक्योर कर लिए, इस टीम ने जीरो फिनिशर्स के साथ एंट्री ली थी सिक्स सर्कल में हमने देखा था एंड उसके बाद जिस तरीके से फिनिशर्स निकाले हैं आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन यहाँ पे डिजर्व करती है स्क्वाड। गेरोडा अभी भी इस मैच में बने हुए हैं एंड एक और सोलो खिलाड़ी है जो कि बर्डमैन है एंड ये छोटा सा कंपाउंड कितनी देर तक उनको जीवित रख पाएगा। वन वी वन टू का सिचुएशन है तो लेट्स सी यहाँ पे क्या कुछ सिनारियोज होंगे आगे आने वाले समय में। एंड जैसे सर्कल यहाँ पे श्रिंक होना स्टार्ट होगा तो ये डेथ सर्कल होगा एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे स्क्वाड इस चीज़ के लिए रेडी है। एंड अगर फर्स्ट एड्स की हम बात करें तो किसके पास कितनी फर्स्ट एड्स है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। बर्डमैन उनके पास तीन फर्स्ट एड्स हैं एंड साथ ही साथ गेरोडा उनके पास एक ही फर्स्ट एड है, तो क्या वो हील बैटल करके यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। सो गाइस यहाँ पे जरूर से आप प्रेडिक्शंस लगाइए कौन सा टीम यहाँ पे चिकन डिनर लेकर जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद थंडर के प्लेयर्स के पास ज़्यादा बेहतर चांस हो सकता है। ना ही सिर्फ नंबर्स की वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ एक प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे टीम नंबर सेवन के अभी पास दो प्लेयर्स हैं तो शायद यहाँ पे क्लोज इन करने की कोशिश हो सकती है अगर यहाँ पे उनको फर्स्ट एड प्रोवेंट करने की आवाज़ आई तो। एक प्लेयर यहाँ पे हील बैटल के लिए जाएगा, एक प्लेयर क्लोज इन करने के लिए, शायद उनके पास बेहतर चांस है। सर्कल श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है, ये डेथ सर्कल है एंड लेट्स सी यहाँ पे टीम कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगी। सो फाइनली मुझे लगता है यहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर टीम नंबर सेवन के खेमे में जाएगा। गेरोडा का भी यहाँ पे एक एग्जिट हमें देखने को किसी भी मोमेंट देखने को मिल सकता है। स्मोकी यहाँ पे डाउन कर दिए जाते हैं, इंस्टेंटली नॉक एंड फिनिश किया एंड क्या यहाँ पे चिकन डिनर टीम नंबर सेवन लेकर गई है? यस बिल्कुल लेकर गई है एंड चार और चार फिनिशेस, टोटल एट फिनिशेस के साथ में एक विनर विनर चिकन डिनर टीम 4SQD एंड इसके साथ एक देखिए गेम किस तरीके से फिनिश करना है, किस स्टाइल में फिनिश करना है वो इस टीम को मालूम है। इन्हें एक अच्छा परफॉर्मेंस, टीम थंडर यहाँ पे देखिए सेकंड पोजीशन लेकर गई दो फिनिश के साथ में, टीम CID भी छः फिनिश के साथ में। सो एक अच्छा गेम इस टीम की तरफ से देखने को मिला। एंटी अमन एक बार फिर से देखिए इस खिलाड़ी का नाम हमें लेट सर्कल में देखने को मिला, तो ये खिलाड़ी कितना कंसिस्टेंट है नो डाउट बताने की ज़रूरत नहीं है, अपनी टीम के लिए बराबर परफॉर्मेंस जारी है। U7 का स्क्वाड यहाँ पे फाइनली आया लेट सर्कल में एंड देखिए छः फिनिश के साथ फिफ्थ पोजीशन पे रहे। सो एक अच्छा गेम उनकी तरफ से भी देखने को मिला। टीम DC ने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाया। सो गाइस ये थी इस मैच की कहानी, आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक एंड सब, डोंट फॉरगेट टू शेयर द स्ट्रीम एंड शायद ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना जिस तरीके से हमने डेथ सर्कल देखा, तो वहाँ पे देखिए हीलिंग्स उतनी ज़्यादा थी नहीं प्लेयर्स के पास में, एक प्लेयर को नॉक किया इंस्टेंटली फिनिश कर दिया लेकिन उस दौरान यहाँ पे लास्ट प्लेयर बचे थे तो वहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर कंफर्म हो जाता है एंड जोकर ने वो फाइनल एलिमिनेशन लिया, जोन से एलिमिनेट नहीं हुए वो प्लेयर। तो यहाँ पे सारा तो मैच हंटर रहे 6 फिनिशेस एंड 819 का डैमेज है, दया यहाँ पे रहे बेस्ट कंपेनियन 4 रिवाइव्स एंड देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जोकर का एलिमिनेशन, देखिए जोकर ही यहाँ पे लास्ट फाइनल एलिमिनेशन सिक्योर करने में कामयाब रहे एंड ये चौथा फिनिश उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहा है, चिकन डिनर कन्फर्मेशन का फिनिश था। सो गाइस आप मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक लिए ब्रेक है, होप यू गाइस हैव एंजॉयड, बी राइट बैक एंड नेक्स्ट मैच की कहानी जल्दी शुरू हो जाएगी। सो अभी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम तो रूम के अंदर भी आ चुके हैं।
to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh, you think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless praying. Redemption ever came. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change.
Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world.
ओके 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 भाई 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 यहाँ तक लेट हो गया मैं। सो गाइस एक बार फिर से आते हैं एंड बसंती हवा चल रही है, TXD मैच को चल रही है, हाय हाय। ये खतरनाक था, बसंती हवा चल रही है, TXD को चल रही है, ये अच्छा राइम था सौरभ, ये सही है यार, ऐसा सपोर्ट चाहिए सारी टीम्स को। हेलो भाई एवरीवन, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। देखिए इस बार ही है डू और डाई सिचुएशन एंड इस बार ये कहानी है एरेंगल की। सो देखना चाहेंगे यहाँ पे टीम्स किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है। टीम CID की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक के बाद एक तीन खिलाड़ी टोटल डाउन हो चुके हैं। लास्ट मैन अगर कोई बचा है तो वो है चिड़ी मैन अगर बचे हैं एंड बर्ड मैन इनका नेम है। एंड हाय एक्स वॉर्ड, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक यू कास्टर्स भाई। अरे थैंक यू, अरे बढ़िया है, स्पैम करते रहो, आपका टीम है, आपका अब सपोर्ट बने रहना चाहिए। सो गाइस यहाँ पे देखें तो बर्डमैन अभी के लिए एक लास्ट प्लेयर बचे हैं, देखते कितना देर ये सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे फाइट की अगर हम बात करें तो TMK नो डाउट ये टीम डोमिनेट कर रही है एंड इजिली यहाँ पे एलिमिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। बात करना चाहेंगे उन स्क्वाड्स की जिन्होंने लास्ट मैच में कुछ ज़्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं करा। अभी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ उन टीम्स के लिए है जिन्होंने अब जो कहीं ना कहीं फर्स्ट स्पॉट के आसपास रहने वाली, उन स्क्वाड्स को यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस मैच के बाद प्लेसमेंट पॉइंट्स में क्या कुछ फेर बदल होंगे वो हम भी देखना चाहेंगे। आप देखिए यहाँ पे फाइनल स्टैंडिंग्स की अगर हम बात करें तो TXCD भी हमें काफ़ी ज़्यादा करीब नज़र आ सकती है, टीम गीक भी नज़र आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक और अच्छा मैच एंड टीम गीक एक बार फिर से उसी पोजीशन पे वापस पहुँच जाएगी। थंडर का कैसा चल रहा है परफॉर्मेंस? आई थिंक थंडर अभी तक तो ठीक परफॉर्म कर रही है, लास्ट मैच कम से कम एक बार फिर से वही लेट सर्कल में एंट्री ना मारी उन्होंने, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट उनके द्वारा भी बनाने की कोशिश है। अभी तक वो विनर चिकन डिनर नहीं आया, लेकिन टीम ने आई थिंक तीन मैचेस अच्छे किए हैं, लेकिन यहाँ पे शायद इस मैच में भी वही सेम अगर कुछ कंटिन्यू रख पाती है तो शायद मुझे लग सकता है कि ये स्क्वाड हमें बेहतर पोजीशन पे नजर आए। टीम नंबर 17 के प्लेयर्स की हम बात करेंगे, NTO अमन, इस खिलाड़ी ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है यहाँ पे सभी खिलाड़ियों को, सारी टीम्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा दिया कि NTO के भी प्लेयर्स जिस तरीके से खेलते, अमन अकेले ही कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि एज अ इंडिविजुअल परफॉर्मर वो काफ़ी हद तक क्लोज ले जाते हैं फाइट्स को। देखिए यहाँ पे नेड किया जा रहा है स्नाइपर एक्स के द्वारा, बट कनेक्शन बनेगा या नहीं वो चीज़ अभी यहाँ पे मालूम नहीं फिलहाल के लिए। TXCD देखिए स्पेनो यहाँ पे पिक होते हुए नज़र आ रहे डार्लिंग के द्वारा, तो गीक एक बार फिर से इन्वॉल्व होते नज़र आ रही है। नेड देखिए एक नेड इनकी तरफ से, एक नेड रियल ऑफ एक की तरफ से आया था, लेकिन कनेक्शन उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं बना पाए। अगेन यहाँ पे स्नाइपर एक्स को मुझे लगता है पोजीशन छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि रियल फेक के हाथ में भी एक नेड है एंड क्या वो नेड कनेक्शन बनाएगा। वन नेशन हितेन, वेलकम टू द स्ट्रीम एंड लेकर चलते हैं वन नेशन के पास में। वन नेशन आई थिंक अभी काफ़ी ज़्यादा बिजी नज़र आ रही है क्या अभी वन नेशन? आई डोंट थिंक अभी फाइट्स में अभी तो इन्वॉल्व है, लेकिन फिलहाल के लिए कातिल ने एक जरूर से फिनिश निकाला था, मैंने फिनिश फीड पे देखा था। तो यहाँ पे देखिए स्नाइपर एक्स भी एक और नेड उनके द्वारा किया जाता है एंड फाइनली यहाँ पे डाउन कर दिया गया है रियल फेक को, तो शायद फिनिश कन्फर्म करने के लिए
खिलाड़ी यहाँ पे आ सकते हैं। ट्रिपल स्टोरी तक आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि टॉप एंड से कुछ और प्लेयर्स आ रहे हैं, ओनेक्स के भी यहाँ पे प्लेयर्स जो है वो पिक होते हुए नजर आ रहे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ओनेक्स के लिए भी अब प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। क्लोजिंग करने की अगर बात है तो देखिए यहाँ पे टीम टीएमके जो है कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव गेम स्टाइल यहाँ पे अभी तक फॉलो किया जा रहा है, तो टीम यहाँ पे कुछ बेहतर रिजल्ट्स बनाना चाहती है। एंड लेट्स सी कितना देर तक इस मैच में बने रह पाएंगे। अगर हम बात करें फार्म की रीजन्स की तो यहाँ पे आसपास जितनी भी टीम्स हैं वो स्प्लिट ड्रॉप लेना ज़्यादा पसंद करती हैं एंड उसकी वजह से एक अच्छा रिजल्ट बनता भी है। टीम U7 इस टीम ने काफ़ी इंप्रेसिव गेम्स दिखाया हमें लास्ट मैच में। देखिए कहीं ना कहीं एक अच्छे फिनिशेस के साथ में एक अच्छी पोजीशन एक अच्छी स्टैंडिंग्स के साथ रहना वो चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छा यहाँ पर आपको एक बढ़त दे सकती हैं। देखिए एक अलग ही एंगल पर गए हैं अमन एंड देखिए यहाँ पर बहुत यहाँ पर चालू हो जाता है कैच कैच की बात है तो यहाँ पे कुछ हैवी कनेक्शंस उतने बने नहीं, लेकिन लेवी को अब यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि लेवी की एचपी उतने कुछ खास है नहीं और उनको सिर्फ एक गोली और एंड उनको किसी भी मोमेंट डाउन कर सकते हैं अमन। मुझे लगता है यहाँ पे बर्स्ट मोड की वजह से यहाँ पे शायद थोड़ा सा उतना बेहतर कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन अगर सिंगल टैप्स की बात करें तो M16 बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। M16 वर्सेस M16 है एंड ये देखिए यहाँ पे सामने से आए हैं सिंगल टैप्स, आपने बर्स्ट इस्तेमाल करा सो बर्स्ट में उतने ज़्यादा कनेक्शंस नहीं बनते हैं एंड सभी को मालूम है, लेकिन यहाँ पे शायद अमन ने इस चीज़ को इग्नोर करा एंड उसकी वजह से ये देखिए इतने बेहतर शॉट्स कनेक्ट आप नहीं कर पाए। लेवी अभी उनके पास एक बार फिर से चांस होगा, 1x के स्कल भी यहाँ पे पिक होते हुए नजर आ रहे हैं, P4UAVL भी यहाँ पे हमें एक बार फिर से नॉक होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि काम उनका भी यहाँ पे डाउन था तो आप कहीं ना कहीं एक बुलेट और एंड शायद लेवी किसी भी मोमेंट डाउन हो सकते हैं। मैं देखना चाहूँगा लेवी यहाँ पे क्या कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं क्योंकि देखिए अभी जैसे वो प्रोन हुए तो अब शॉट्स आना एटलीस्ट आपके ऊपर बंद हो चुके हैं, एक बुलेट और एंड दैट्स इट एंड यहाँ पे देखिए रियल फेक वो फाइनल यहाँ पे बनाने में कामयाब रहेंगे। सो टीम नंबर 6 अभी देखिए स्नाइपर एक्स को रिवाइव जो है वो उसको उनको काम मिला गया है मिला है तो फाइनली यहाँ पे ठीक क्या हो गया इसको रुकना। टीएफ जॉर्ड वेलकम टू द स्ट्रीम मैनेजमेंट ओपी आई है थैंक यू सो मच। तो अभी देखिए यहाँ पे डोज हमें सर्वाइव करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रूबल्स का इस्तेमाल एक बार फिर से जारी हो चुका है। तो जब स्क्वाडाउस की बात करते हैं तो इस तरीके की चीज़ें अक्सर हमें देखने को मिलती है क्योंकि प्लेयर्स को मालूम है वो कौन से स्पॉट्स में ज़्यादातर प्लेयर्स रहना पसंद करते हैं। U7 के प्लेयर्स ब्रॉली एक बार फिर से सौरभ को पिक करते हुए नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पे 2v4 का जो सिनारियो है स्नाइपर एक्स आई थिंक आपको स्टेयर्स का एंगल अब छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पे चार खिलाड़ी जब आपके ऊपर पुश करेंगे देन काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको ये जो फाइट है पड़ सकता है। यहाँ पे बॉट है उनका भी यहाँ पे कनेक्शन मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा शॉट कनेक्शन मिल चुके हैं। सैम जॉर्ड यहाँ पे पिक हो जाते हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पे इंस्टेंटली निकल कर आए हैं रियल फेक एंड वो एलिमिनेशन कंफर्म करते हैं एंड कंप्लीट तरीके से यहाँ पे टीम नंबर 6 मैच से बाहर हो जाएगी। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 19 टीम्स एंड पोचिंग की के क्लस्टर पे भी एक बार लेकर जाना चाहेंगे क्योंकि टीम नंबर 23 इज स्टिल एंगेज एंड यहाँ पे मल्टीपल स्कोर्स हैं तो मल्टीपल एंगेजमेंट्स भी होंगी, मल्टीपल एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेंगे। TXCD एक बार फिर से फाइट्स में लूज करती हुई नजर आ रही है। अरे कास्टिंग इज नाइस थैंक यू TMK को दिखा मेरी जान फाइट हो रहा। अच्छा लेकर चलते हैं एक्सपोर्ट बस गिव मी अ मोमेंट हम एक मिनट में उनके पास लेकर चलना चाहेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो TXCD जो है वो 3 प्लेयर्स को खो चुके हैं, एक लास्ट मैन स्टैंडिंग अगर उनके बचे तो ज़्यादा देर के मेहमान नहीं रहते। अगर आप देखें पोचिंकी का एरिया ही कुछ इस तरीके का है, यहाँ से अगर खिलाड़ी निकलने की सोचता भी है तो काफ़ी ज़्यादा ओपन फील्ड्स आपको आसपास के देखने को मिलते हैं। TXCD 11 उनकी तरफ से एक स्प्रे आता है, देखिए उन्होंने यहाँ पे अब एक जाके पहला फ्रैग कन्फर्म करा तो एटलीस्ट यहाँ पे कुछ ना कुछ एक अच्छी खबर आई है TXCD के लिए। थंडर के भी प्लेयर्स हमें फिनिश स्पीड पे एक बार फिर से देखने को मिल जाते हैं। सो थंडर क्या यहाँ पे अपने काम कर पाई वो एक चीज देखने वाली रहेगी, काफ़ी ज़्यादा दूर पे यहाँ पे काम कर रहा है तो अभी यहाँ पे सिंगल टैप के द्वारा कन्फर्म करने का यहाँ पे ट्राई हो रहा है। अभी आप देखें तो यहाँ पे डेविल के पास चांस था ज़रूर, बगी के थोड़ा सा क्लोज रह सकते थे बट स्टिल आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों बाहर की तरफ रहना पसंद किया, उसकी वजह से एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ी। गीक को दिखाओ ओके लेकर चलते हैं गीक के पास में एंड उसके साथ ही साथ टीम DB की भी फाइट हमें देखने को मिल रही है। टीम नंबर 15 जो है वो हमें फाइट्स में इन्वॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। टीम DB इस मैच में देखिए कितना अग्रेसिवली खेल रही है क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ही इस टीम के पास ऑलरेडी 7 फिनिशेज हैं एंड ये बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर देखिए तो आपने अगर इतने शुरू होते ही मैच के स्टार्ट होते ही आपने इतने फिनिशेज निकाल लिए हैं तो आप आगे करने के टेस्टिंग पॉइंट पर आराम से फोकस कर सकते हैं। फाइटर को यहाँ पे खास ख्याल रखना पड़ेगा कि वो निक के एंगल पे ना आ जाए क्योंकि निक के पास जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एक कार 98 सिर्फ एक हेडशॉट कनेक्शन है, जैसे वहाँ पे आप डाउन हो सकते हैं।
यहाँ पे फाइटर देखिए सामने की तरफ अब आए हैं एंड क्या यहाँ पे कनेक्शन बना पाएंगे निक, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मुझे लग रहा है यहाँ पे पीक करेंगे ज़रूर। ठीक है, बिल्कुल पीक किया एंड इसी शॉट की मैं बात कर रहा था, कितना क्विक यहाँ पे रिएक्ट किया निक ने एंड एक हेडशॉट कनेक्शन। टीम डीबी के लिए एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे फिनिश कंफर्म करने के लिए ज़रूर से जाना चाहेंगे निक एंड आई थिंक यहाँ पे फिनिश कंफर्म के लिए जा रहे हैं। यस बिल्कुल, वो फिनिश कंफर्म के लिए जा रहे हैं। टी फोर एक्स यहाँ पे एक बार फिर से बेहतर स्टार्ट कर चुकी है। तो देखिए ये फाइट एक क्लोज सिचुएशन में आ चुका है, यहाँ पे ब्लेस स्पैम किए जा रहे हैं 4x। यहाँ पे जो T4X के रेज हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ ब्लेस ज़रूर से ट्राई करी बट अगेन प्लेयर जो थे वो इंस्टेंटली कवर की तरफ रहने वाले। मैं घोस्ट की तरफ से ज़रूर देखना चाहूँगा क्योंकि इस प्लेयर का नीड आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सा करीब हो सकता था, थोड़ा सा यहाँ पे और आगे की तरफ अगर जाता तो शायद नेक को कनेक्ट होता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करीब था एंड इंस्टेंटली। अभी देखिए जो फाइट थी उसमें बढ़त मुझे नजर आ रही थी टीम डीबी की, लेकिन यहाँ पे एक कैजुअलिटी उनको फेस करनी पड़ जाती है। वाइपर ब्लैक यहाँ पे फिनिश होते हुए नजर आ रहे हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पे टीम डीसी भी फाइट्स में इन्वॉल्व हो रही है। टीम 19 दिखा दो भाई, रुचि लेकर चलते, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हम एनटीओ के पास भी लेकर चलेंगे एंड अभी जो फाइट चला है हम उसको एक बार विटनेस कर लेते हैं यार। और यहाँ पे जो फाइट है हम किसी भी फाइट को मिस करने की तो भाई वो नहीं रखते, लेकिन फिलहाल देखिए T4X इजीली यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकती है क्योंकि आपको दो नॉक्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, नॉकआउट्स आपने निकाल दिए थे तो आप आराम से यहाँ पे क्लोजिंग कर सकते हैं। थंडर देखिए लेफ्ट एंगल से आने की ट्राई कर रहे हैं एंड देखिए एक नीड किया जा रहा है, जस्ट यहाँ पे एक प्रिडिक्शन है उनके द्वारा कि शायद यहाँ पे कोई खिलाड़ी हो। दैट्स व्हाई यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अभी टीम डीबी का एलिमिनेशन इतना कुछ आसान होगा। क्या टीम डीबी यहाँ पे एक पैसिव गेम स्टाइल के लिए अब जाने वाली है, क्या यहाँ से फाइट से डिसएंगेज करके आगे की तरफ मूव करना चाहेगी? बट अभी आप देखें तो इनके पास चारों प्लेयर्स थे, एक झटके में आप अपने आधे नंबर्स पे आ चुके हैं एंड सिर्फ अब दो प्लेयर्स आपके पास बचे हैं। तो प्लीज जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ देखिए फॉल बैक करना चाहते हैं, घोस्ट का यहाँ पे स्प्रे जारी रहेगा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है, प्लीज करना उनके लिए महंगा पड़ सकता है। सामने तीन प्लेयर्स हैं, तीनों ही प्लेयर्स का स्प्रे यहाँ पे जारी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे घोस्ट को भी पिक कर लिया एंड उसके बाद यहाँ पे अब बारी है सिर्फ प्रीत की, क्योंकि यहाँ पे प्रीत फॉल बैक जरूर से करना चाहते थे लेकिन इतना चांस आपको मिलेगा नहीं। देखिए बैक टू बैक सर्वर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं एंड देखिए स्क्वाड हाउस में सभी को मालूम है किस रूम में कहाँ पे प्लेयर्स अक्सर होते हैं एंड वहाँ पे नीड्स करना किस एंगल से ज़्यादा बेहतर होगा एंड देखिए परफेक्ट टाइमिंग के साथ गया। सो टीम डीबी भी इस मैच से बाहर चलती बनेगी एंड सोलवे पायदान पे एलिमिनेट होना वही एक अर्ली एग्जिट का ही नाम आएगा। सो यहाँ पे देखिए जो बड़ा क्लस्टर हमें देखने को मिल रहा है, आई डोंट थिंक कि इस मैच में हमें ज़्यादा टीम्स लेट सेक्टर में देखने को मिलेंगी जस्ट बिकॉज कि देखिए टीम्स कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड है यहाँ पे फाइट्स में इन्वॉल्व होने में। सभी लोग जानते हैं डू और डाई सिचुएशन है तो यहाँ पे जितने ज़्यादा फिनिशेज हो सके बैठो लीजिए एंड एक विनर विनर चिकन डिनर अगर आ गया तो दैट्स इट ठीक रहेगा, अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आप ऑलरेडी इस मैच से बाहर जा रहे हैं। ओके लेकर चलते गीत के पास, आपने गीत की बात करी है, यहाँ पे इंगेज नज़र आ रही है, टीम S2K भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, TMK भी यहाँ पे आ चुकी है। TMK ने इस मैच में एक अग्रेसिव स्टार्ट करी थी, देखिए ये टीम ऑलरेडी डबल डेजेस में खेल रही है, अगेन वही टीम DB वाला हाल ना हो जाए क्योंकि वहाँ पे हमने टीम DB को देखा था, मुझे लगा था टीम DB इस अग्रेशन के साथ अगर ऐसी बढ़ती रही तो शायद बेहतर रिजल्ट बना पाए। बट यहाँ पे देखें तो टीम नंबर 13 के पास अभी जो 10 फिनिशेज हैं तो उनके पास चारों प्लेयर्स भी अभी तक जीवित है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाती है इस गेम को, काफ़ी ज़्यादा एक इम्प्रेसिव गेम दिखाती है आपने कि किस तरीके से इस गेम में परफॉर्म किया है। आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा गेम जारी है टीम के द्वारा, एक प्लेयर के ऊपर यहाँ पे क्लोज इन किया जा सकता है। आई थिंक यहाँ पे फ्रेगर अभी डाउन पड़े तो फिनिश करने के लिए क्या फ्री जाएंगे, ओके फेस से ना वो जो फिनिश है वो कंफर्म कर लेते हैं एंड ये इस टीम के लिए 11वां फिनिश है। गीक को दिखाओ भाई, अरे यार यार आप ना यही चीज़ है यही चीज़ मतलब खराब हो जाती है यार। अब आप लोग चाहते हो सिर्फ गीक को दिखाओ ठीक है, अब गीक पे ही बने रहे तो लो स्ट्रीम ही निकल देता हूँ मैं यहाँ पे रख के सर समझा करिए, थोड़ा सा जो फाइट्स हैं हमें हर तरीके का ध्यान देना है। अब आप तो एक ही टीम को देखने आए हो, हमें तो यहाँ पे सारी टीम्स को दिखाना पड़ता है।
गीक जब फाइट में आएगा तब दिखाएंगे ना, अभी तो वहाँ पे फिलहाल के लिए उनका कुछ चल नहीं रहा, जैसे ही आएगा वैसे ही हम दिखाते हैं। डोंट वरी, आपके हम सारी टीम्स की फाइट में एक बार लेकर चलना चाहेंगे, कुछ अगर मिस हो जाते तो दैट्स इट। देखिए टीएमके के प्लेयर्स को भी यहाँ पे कैजुअलिटी फेस करनी पड़ रही है, पीएससी के प्लेयर्स आए थे यहाँ पे क्लोजिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हेड्स का डाउन होना एटलीस्ट इस टीम ने एटलीस्ट यहाँ पे कुछ फिनिशेस तो जरूर सिक्योर करें। एस टू के भी यहाँ पे अब अपने हाफ नंबर्स के साथ बची हुई है, आकाश एंड बुलर जो है वो आगे का मैच कंटिन्यू करने वाले। अगर हम हेलमेट की बात करें तो यहाँ पे आकाश का हेलमेट मुझे उतना कुछ खास बेहतर नज़र नहीं आ रहा कि वो उनको बचा भी पाएगा। देखिए यहाँ पे बुलर के ऊपर क्लोज इन हो रहा है तो यहाँ पे कवर फायर प्रोवाइड किया जाएगा आकाश की तरफ से, आकाश ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पे कनेक्ट किया है क्रॉन्टेन को, नीड एक और जाएगा तो शायद बुलर यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था वो हमें देखने को मिल जाता है एंड क्रॉन्टेन यहाँ पे इजीली एलिमिनेट करेंगे। सो ये देखिए एक नेड किया गया है एंड आई थिंक लोटॉस पे नेड क्यों, बट यहाँ पे इसकी क्या जरूरत थी आई डोंट नो, यहाँ पे आकाश ने क्यों वो लोटॉस पे नेड करा, वो शायद उनको लगा हो कि शायद जा रहा है तो ठीक है जाने देते हैं। बट यहाँ पे फाइनली एक और प्लेयर जो है, ओके ब्रो यू कैन प्रोसीड नाउ। वाह ये देख रहे हो ये तो डॉक्टर्स वाली वो लाइन बोल रहे हैं यार, वो डॉक्टर्स वाली क्यों, वो जज वाली ना, जज ऐसे ही बोलते हैं, नाउ यू मे प्रोसीड, ऐसा सही है यार अच्छा अभी के लिए मुझे लगता है टीएमके इस मैच को डोमिनेट कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा लॉस आपके लिए बनाती हुई नजर आएगी। टोटल यहाँ पे आप चार प्लेयर्स के साथ आए थे, एक एबिलिटी आपके लिए यहाँ पे हुई है। यहाँ पे क्रॉन्टेन को संभल कर रहना पड़ेगा क्योंकि आप भी उतने कुछ खास बेहतर पोजीशन पे नहीं है। यहाँ पे डबल्स का स्प्लिट फॉलो किया जा रहा है टीम पीएससी के द्वारा, राइट एंगल पे दो प्लेयर्स हैं, ठीक है वो यहाँ से निकलने का डिसीजन लेते हैं एंड इंस्टेंटली इस पोजीशन को छोड़ना ही उनको बेहतर भी लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है शायद यहाँ पे क्लोज इन करना एक बेहतर चीज़ होगी क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ फिनिशर्स मिल जाएंगे एंड डू ऑर डाई का सिचुएशन है ही, सभी को मालूम है। लेकिन यहाँ पे आप अगर इस तरीके से ब्लाइंडली पुश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ खास बेहतर होगा। क्लाउन यहाँ पे वेट कर रहे हैं, हाँ थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड आई एम डूइंग एंड ऑल्सो डू द थिंग्स पॉसिबल नहीं है लॉल आई यार ब्लेजी यार प्लीज यार ये क्या कर रहे हो यार आप लोग कमेंट सेक्शन पे। देखिए यार अगर आप लोगों को पर्सनल चैट्स करनी है आप जाइए इंस्टाग्राम वगैरह पे एंड आप लोग अच्छा ये मुझे ये क्लियर कर दो, आप लोग वो बंदे तो नहीं हो ना जो स्टोरीज लगाते हो, स्टोरीज लगा लगा के फाइट करते हो। अब हमने ऐसे मतलब मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो ऐसी लड़ाइयाँ करते हैं कि हमें भी पता चला है कौन कैसा है, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं यार तो देखिए एक बेहतर नेड आया एंड एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ आया तो यहाँ पे डाउन किया गया है ज़रूर से क्लाउन को। सो अब बाकी दो खिलाड़ी जो कि फासले पे हैं मुझे नहीं लगता वो जाके यहाँ पे रिवाइवल का एक एफर्ट ट्राई भी करेंगे। ओवरऑल स्टैंडिंग्स आपको डिस्कॉर्ड सर्वर एंड इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा, सो प्लीज़ वो सब चीज़ें एक तरफ तो अभी लेकर चलते हैं यहाँ पे। ए भाई यार ये फाइट वेट मत करो यार, तुम लोग यार पूरा चैट गंदा कर रहे हो, इतना अच्छा खासा चैट चल रहा था। देखिए टीम गीक अगेन एक बार बेहतर पोजीशन पे है एंड आई थिंक यहाँ पे अगर चिकन डिनर इस टीम के लिए निकलता है तो शायद ये टीम हमें सबसे टॉप पे नज़र आ सकती है टेबल टॉप पे, क्योंकि फर्स्ट मैच अच्छा रहा था एंड उसके बाद ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लेकिन फिर भी ठीक ठाक मैचेस निकाले यहाँ पे टीम ने। T4X एक बार फिर से देखिए यहाँ पे हमें एक अग्रेसिव गेम उनकी तरफ से फिर से देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे कुछ फिनिशेस भी इन्होंने सिक्योर करे, 7 फिनिशेस टोटल इस टीम के पास ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन अभी अगर आगे मैच की बात करें तो आप पोटैटो हिल की जिस पोजिशन पर हैं इस पोजिशन को होल्ड करके रखना सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्कॉर्स आने वाली हैं। ये ब्लेज़र भाई को पीएससी मैनेजमेंट से प्रॉब्लम है और अब भी यहाँ है या देखिए प्रॉब्लम मैनेजमेंट से नहीं होगा, आपको आपका आपके साथ कुछ ऐसा इशू हुआ होगा जो कि आपके जहन में आज भी घूम रहा है, तो ठीक है यार मतलब जाइए प्लीज़ उसके बारे में, अगर आपको कुछ गिला शिकवा है आप ज़रूर से जाइए मैनेजमेंट से आप बातचीत करें, ऐसा नहीं होता है कि कोई फालतू में करे। खैर ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, अगर आपको ऐसे इश्यूज़ हैं तो आप जाइए ज़रूर से मैनेजमेंट से बात करिए यार, सॉर्ट आउट करें। क्या यहाँ पे आप चैट पे सब कर रहे हो, रात तक आ जाएगा रिजल्ट, ओके गाइस जस्ट स्पैम कास्टर ओपी आई है, थैंक यू करण
हमारे पास सिर्फ लास्ट 11 टीम्स बची है एंड इसके बाद यहाँ पे क्लैश ऑफ अंडरडॉग्स का सीजन 1 आज एंड होने वाला है। एंड देखिए यहाँ पे थंडर का स्क्वाड भी जो कि काफ़ी देर से अभी इस पोजीशन पे बना हुआ था, थोड़ा सा ही मूव करना पड़ा है। राइट एंगल पे काफ़ी सारे शॉट्स की हमें आवाज़ आ रही है, तो टीम नंबर 19 भी यहाँ पे हमें बिजी नजर आने वाली। टीम नंबर 14 के एक और खिलाड़ी यहाँ पे डाउन हो जाते हैं। T4X के प्लेयर्स देखिए गीक के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो आई थिंक यहाँ पे गीक का एक एलिमिनेशन हमें जल्दी देखने को मिल सकता है, क्योंकि गीक के प्लेयर्स अभी जिस पोजीशन पे स्टक हो रखे हैं उनके आगे और पीछे अलग अलग एंगल्स पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। सो नो डाउट इस टीम का जिस तरीके से अभी तक गेम चल रहा था, अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि उतना बेहतर आप कंटिन्यू कर पाएंगे। आप अगर बैक एंड पे देखें तो टीम नंबर 4 के भी ये खिलाड़ी थे, नेड आया है, काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक दिया एंड आई थिंक ये ट्रैजेक्टरीज इतना बेहतर कनेक्शन तो नहीं बना पाएंगी, लेकिन यहाँ पे शायद टीम नंबर 8 जो है वो अभी के लिए एक अच्छा पोजीशन होल्ड करती हुई नजर आएगी। PSC क्राउन 10 उनको भी पिक कर लिया जाता है, सो साथ ही साथ टीम नंबर 4 का भी यहाँ पे एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाता है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 10 टीम्स एंड 25 प्लेयर्स अभी भी हमें देखने को मिल रहे हैं। कास्ट टोपी बाकी सब टोपी 24 को दिखाओ, फ्री में कास्टिंग कर देंगे, किसी को करवाना तो करवा लेना। ये सही है, यहाँ पे बर्फ से बुलेट स्पैम की जा रही है, बनाना चाहती है। अभी तक वो जो चिकन डिनर नहीं निकल कर आया है उसकी यहाँ पे कोशिश है। आप देखिए शहरों के मैच देखें, एंटी और अमन फील्ड बैटल जो कंटिन्यू किया था उसकी वजह से टीम ने टॉप 2 पे फिनिश किया था। एंटी अमन अभी भी इस गेम में बने हुए हैं, हालांकि यहाँ पे अभी रिवाइवल की एक जो कोशिश है वो जारी है। टीम U7 भी यहाँ पे एक बार फिर से हमें देखने को मिल जाती है, सो कंसिस्टेंसी यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल रही है। आप वही सेम कहीं ना कहीं स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके यहाँ पे एक बार फिर से आ चुके हैं, तो अच्छा गेम यहाँ पे इंजॉय किया जा रहा है टीम्स के द्वारा। एंड यहाँ पे इस टूर्नामेंट की खासियत ये थी कि देखिए ज़्यादातर वही अंडरडॉग टीम्स हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस बिल्कुल कुछ उस तरीके का ही है एंड कुछ ज़्यादा ही इंटेंस सिचुएशन यहाँ पर हमने फेस करी है। टीम U7 देखिए एक के बाद एक प्लेयर्स डाउन होते चले गए, तो यहाँ पे रोक नहीं पाए हैं एंड अभी के लिए एक लास्ट मैन स्टैंडिंग बचे हैं गोकू एंड स्मोक्स करी जा रहे हैं ताकि यहाँ पे विजिबिलिटी ब्लॉक करी जा सके अपने अपोनेंट्स की तरफ से। देखिए नेट जाना यहाँ पे बंद नहीं हो रहे, TNS सौरभ उनका अभी यहाँ पे फिनिश फिट में हमें देखने को मिलता है लेफ्ट साइड पे, तो दिस शोज़ की वो प्लेयर जो है वो कुछ फिनिशेज और सिक्योर करने वाले। आई थिंक यहाँ पे गोकू को हील करने पे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है, तो यहाँ पे अभी अगर आप हील कर लेंगे तो थोड़ी सी HP आपको और मिल जाएगी। यहाँ पे MG3 एक्शन भी हमें देखने को मिल जाता है, तो कुछ और खिलाड़ी भी हैं जो इस मैच से एग्जिट लेकर निकल रहे। फाइनली यहाँ पे सर्कल आ चुका है एंड सर्कल अभी आपको डैमेज देगा, NTO के प्लेयर्स के लिए यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। गोकू एंड लेट्स सी गोकू यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करें, आई थिंक यहाँ पे गोकू ने मिस करा, फर्स्ट एड भी पॉप इन करने में लेट हो गए। U7 का यहाँ पे एक एग्जिट देखने को हमें मिल जाता है, सो ना अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पांच टीम सर्वाइव करती हुई नजर आ रही है। T4X यहाँ पे शायद एक विन अवेन चिकन डिनर की जाने वाली है, जी के प्लेयर अभी भी इस मैच में बने हुए। आप देखिए यहाँ पे एक प्लेयर को डाउन करा, इंस्टेंटली कवर दिया, प्लेयर मूव कर रहे, कितना क्विक है ये प्लेयर्स। डार्लिंग की यहाँ पे पिक्चर इसके साथ सर्वाइव करें, डैमेज कनेक्ट जरूर से करा, लेकिन जीक गॉड यहाँ पे अब फाइनली आ गए। चलो बुलेट्स हैं उनके M4 में, गन यहाँ पे स्विच करके आना चाहेंगे, चार बुलेट्स एंड आई थिंक वो चार बुलेट्स इनफ नहीं होंगी, दोनों ही गन में क्या एमओ नहीं है, तो यहाँ पे रिलोड की जा रही थी। एंड ये देखिए नेड, आई थिंक ये नेड किसकी तरफ से था, मुझे लगता है ये नेड NTO स्नो की तरफ से आया, उन्होंने यहाँ पे एलिमिनेशन कंफर्म किया। एक 2v4 की फाइट में एक अलग ही टीम यहाँ पे हेल्प करती हुई नजर आई, गीक इज स्टिल इन दिस मैच एंड टीम NTO, वो जो हेल्पिंग हैंड था वो अनएक्सपेक्टेड था गीक गॉड के लिए। PSC के प्लेयर्स इस मैच में अभी भी बने हुए, टोटल 8 फिनिशेस, वो डोमिनेशन अभी भी जारी है, 4v2v1 का सिचुएशन एंड आई थिंक विनर बना चिकन डिनर टीम NTO लेकर जा सकती है। यहाँ पे टीम गीक के लिए एक और अच्छा मैच हमें देखने को मिल जाता है। टीम साइलेंट रशर, आई डोंट थिंक टीम साइलेंट रशर अभी बची हुई है यार, PSC बजरंग की एक लास्ट उम्मीद बचे है। देखिए रियल फेक जो है वो यहाँ पे क्लोजिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक बुलेट और है उसके बाद उनकी यहाँ पे बन जाएगी। सो फाइनली यहाँ पे देखिए रियल फेक जो है वो मुझे लगा था थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आया, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पे चार्ज करते हैं, तो ओवर कमिटमेंट की जब बात करें तो कहीं ना कहीं वही चीज़ रहती है। वाह मेरी टीम आपस में लड़ ली। सो देखिए यहाँ पे एक विनर विनर चिकन डिनर कन्फर्मेशन निकल कर आता है फॉर टीम NTO एंड टोटल 8 फिनिशेस स्नो की तरफ से निकल कर आए हैं एंड टोटल इस टीम ने 14 फिनिशेस सिक्योर करें। सो एज अ सोलो यूनिट स्नो नो डाउट एक टॉप नॉच परफॉर्मेंस एंड एक ब्रिलियंट चिकन डिनर अपने खेमे में किया।
टीम पीएससी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखी है, यहाँ पे टोटल 8 और टोटल 9 फिनिशेस टीम पीएससी। तो फाइनली एक कमबैक हमें देखने को मिला, लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। टीम गीक यहाँ पे फर्स्ट मैच के बाद अब जाके एक बेहतर स्टैंडिंग पे नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टीम गीक ने भी एक अच्छा एफर्ट लगाया, 9 फिनिशेस। एंड ये जो 2v4 का फाइट था, देखिए डार्लिंग एंड गॉड ओपी जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, उस एक पत्थर के अराउंड वो डांस करते हुए नजर आए। एंड T4X का स्क्वाड भी वहाँ पे समझ नहीं पाया, मुझे लगा शायद उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। एंड उसके बाद प्रिपेयर तो उस नेड के लिए भी नहीं थे जो कि स्नो की तरफ से आया था, एंड वो एलिमिनेशन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था फॉर टीम गीक, क्योंकि अगर टीम गीक वहाँ पे एलिमिनेट होती तो T4X हमें थर्ड पोजीशन पे देखने को मिल सकती थी, एंड वो जो पॉइंट है शायद उनको ज़्यादा मिलता। सो गाइस, आज की मैचेस की कहानी यहीं तक थी, हमारा सीजन 1 का आज यहाँ पे खात्मा होता है। ग्रैंड फाइनल्स के 5 मैचेस कंप्लीट हुए, थैंक यू सो मच जितनी भी टीम्स ने यहाँ पे परफॉर्म किया, थैंक यू सो मच आप सभी व्यूवर्स का आने के लिए, थैंक यू सो मच एंड पनिशर स्पोर्ट्स के लिए भी कि यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी था हमें मिला। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट इवेंट्स में, लेते हैं आप सभी लोगों से अलविदा। लेकिन ये लास्ट मैच की कहानी काफ़ी ज़्यादा डामाडोल रही, काफ़ी ज़्यादा टीम्स के लिए यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमने देखी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे एक हीट एंजॉय किया। सो आई होप गाइस आप सभी लोगों ने भी एंजॉय करा होगा। मेक श्योर आप हमारे कास्टिंग बारे में एक फीडबैक ज़रूर से दे सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई फीडबैक है, अगर आपको कोई भी चीज़ लगती है तो आप ज़रूर से शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, कि फीडबैक्स थोड़ा सा बेहतर एक मौका देते हैं हमें कुछ अच्छा करने का। यहाँ पे 7 मैच की बात करेंगे तो एंटी ओस्नो हमें देखने को मिलते हैं, 1084 का डैमेज है, 3 बोनस एंड 8 फिनिशेस उनके खेबे में, बेस्ट कंपेनियन 5 रिवाइव्स हैं, मतलब 5 जीवनदान अपने अपने टीममेट्स को दिए हैं। टीएम के एक अग्रेसिव गेम उनके द्वारा कंटिन्यू किया जा रहा था, लेकिन जब देखिए पूछेंगे बैक एंड पे जो स्क्वाड हाउस होता है, जब वहाँ पे फाइट चल रही थी तो वहाँ पे शायद एक एक करके अपने प्लेयर्स को खोना, वहाँ पे इन्वॉल्व होना ही इस टीम के लिए सबसे बड़ा एक ब्लंडर बना, एंड वहाँ पे इनकी एग्जिट कंफर्म होती हुई नजर आई थी। एनटीओ देखिए स्नो फाइनल एलिमिनेशन भी उनकी तरफ से निकल कर आया, एंड विनर विनर चिकन डिनर भी। सो गाइस अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, लेते हैं अलविदा आप सभी लोगों से, लेट्स होप कि रिजल्ट्स यहाँ पे जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि मुझे भी वेट है उनका। मिलते हैं नेक्स्ट इवेंट्स में, मिलते हैं नेक्स्ट मैचेस में, बाय बाय, टेक केयर ऑल।